हेलो तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास का चैप्टर द पब्लिक फाइनेंस ठीक है तो मैंने आप लोग की डिमांड पे पहला वाला बनाया हुआ है मनी एंड बैंकिंग और आप लोग को अगर देखना हो तो प्लीज आप चैनल पे जाकर के आराम से उस वीडियो को देख सकते हो कंप्लीट चैप्टर मैं बना रहा हूँ सिंपली कोई पार्ट नहीं बना रहा हूँ जैसे कि मैंने पहले कहा था कि चैप्टर को अगर आप रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो फिर टॉपिक समझ में नहीं आइएगा ठीक है तो चैप्टर को आप पूरा पढ़ो भले ही आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड है आप पूरा चैप्टर पढ़िए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना बेस स्ट्रांग करिए और उसके साथ आप तैयारी सिर्फ उतना ही करिए जितना आपका कोर्स में आ रहा है ठीक है ये मैं पहले की वीडियो में मैं बोलता हुआ आ रहा हूं कि आप पढ़ाई पूरी करिए ठीक है जो भी चीजें हैं जो भी चीजें आ रही हैं आप पढ़ाई पूरी करिए लेकिन आप तैयारी सिर्फ उतनी करो जितना आपके कोर्स में आ रहा है रीड पूरा चैप्टर करो ठीक है आज हम लोग पढ़ने वाले पब्लिक फाइनेंस अब ये पब्लिक फाइनेंस हमारे पास क्या है ये देखते हैं पब्लिक पब्लिक मीन हमारे सरकार फाइनेंस पैसा सरकार पैसा पैसा सरकार जब इसको हम लोग दोनों जोड़ करके देखते हैं तो हमें आता है कि सरकारी पैसा जो सरकार होता है उसका रेवेन्यू कितना हो रहा है और उसे खर्चे क्या हो रहे हैं मोटा मोटा हिसाब भाई हम लोग जब पैसा देते हैं हम लोग जब टैक्स के रूप में जब हमारी सरकार को और जितना भी जो भी जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई या, या गवर्नमेंट हो गई या कोई भी ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग जब पैसा देते हैं तो हम लोग तो टैक्स दे रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें मिल क्या रहा है ठीक है हमने भाई किसी को टैक्स दिया सरकार को टैक्स दिया तो सरकार के पास वो क्या है उसका एक रेवेन्यू हो गया ठीक है अब रेवेन्यू के साथ साथ आप जरा ये भी तो देखो कि भाई क्या सिर्फ सरकार पैसा लेकर के रख ही लेगी खर्चा नहीं करेगी रोड नहीं बनाएगी स्कूल नहीं बनाएगी हॉस्पिटल्स नहीं बनाएंगे पुल नहीं बनाएंगे डेवलपमेंट नहीं करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे अब इतने सारे काम होते हैं जो सरकारी काम होते हैं वो कैसे चलते हैं हमारे और आपके दिए हुए टैक्स ही चलते हैं जितनी भी जो जो भी चीजें चलती हैं इवन प्रेजिडेंट की जो सैलरी होती है वो भी हमारे टैक्स से होती है और जो एक विधायक की जो पेंशन होती है विधायक की जो सैलरी होती है सैलरी कहेंगे सैलरी जो होती है वो भी उसकी हमारे ही पैसे से होती है ठीक है तो पार्लियामेंट भी हमारे पैसे चलती है हमारा पीएमओ भी हमारे हमारे ही पैसे चलता है एक टैक्स पेयर के पैसे चलता है मतलब इनफैक्ट पूरा जो देश होता है वो एक टैक्स पेयर के ही पैसे चलता है ठीक तो है तो हमारा टैक्स ना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है समझ में आ रहा है ठीक है तो अब हम लोग यहां पे देखने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक टॉपिक एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और आई आई विल मेक श्योर दैट कि ऐसा कोई भी टॉपिक या ऐसा कोई भी लाइन ना हो जो आपको समझ में ना आए ठीक है और अगर कुछ भी ऐसा होता है देन यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन द व्हाट्सएप ठीक है शुड वी स्टार्ट ठीक है तो पहला पॉइंट आता हमारे पास मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस ठीक है देखिए मीनिंग अभी हमने क्या कहा कि भाई अगर किसी की इनकम होती है तो उसको, उसको खर्चे भी करने पड़ते हैं अब यहाँ पे इनकम किसकी हो रही है यहाँ पे इनकम हो रही है सरकार की गवर्नमेंट की ठीक है तो जब गवर्नमेंट को इनकम हो रही है एक टैक्स के बिहाफ पे तो अगर उसको हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो सरकार की वो इनकम हो गई अब सरकार खर्चा कहाँ करेगी खर्चे क्या होते हैं वो उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एक्सपेंसेस वो कर रहे होते हैं ठीक है अब गवर्नमेंट कभी भी अगर उसके पास प्रॉफिट होता है ठीक है प्रॉफिट मतलब क्या होता है अगर उसके पास सरप्लस अमाउंट होता है तो इसका मतलब ये है आप ये समझ जाओ सीधे कि वो सरकार काम नहीं कर रही है बिल्कुल बेकार सरकार है ठीक है और अगर सरकार नुकसान कर रही है या सरकार अगर डेफिसिट में चल रही है कि अगर लॉस में चल रही है तो इसका मतलब ये कि सरकार काम कर रही है या करने की कोशिश कर रही है उसके बाद वो वो फंड को एलोकेट नहीं कर पा रही है ठीक है समझ में हम ठीक तो यहाँ पे वही चीजें आती हैं कि अगर गवर्नमेंट काम कर रही मीनिंग मतलब क्या होता है कि जो पब्लिक फाइनेंस जो पब्लिक होता है हमारे पास जो सरकार है स्टेट है उसका रेवेन्यू क्या है और उसके एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है ठीक है वो कैसे काम करेगी ये देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला डेफिनेशन है हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है कि द पब्लिक फाइनेंस मीस रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑपरेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज विच इंक्लूड द सेंट्रल और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज एट द लोकल और द रीजनल लेवल ठीक है तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है चाहे वो आपका सेंट्रल हो जाए चाहे वो आपका कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या फिर कोई भी आपका स्टेट अथॉरिटी तो अगर वो कुछ काम करके काम कर रहा है ठीक है तो हम लोग जब टैक्स देते हैं तो टैक्स हमारे पास दो सेंटर के पास जाता है ठीक है थीके? ये चीज है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर डाल्टन ये क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन टू आनाथ ठीक है ये सारी चीजें हैं नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्या बोल रहे हैं देखिए टू स्टडी द गवर्नमेंट एक्टिविटी इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ठीक है अब एक्सपेंडिचर पॉलिसी देखो हमारे पास जब सरकार के पास पैसा आता है तो सरकार हमारे पास जो मेन जो कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं हेल्थ हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया एजुकेशन हो गया ठीक है डेवलपमेंट हो गया रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है सड़क एंड परिवहन तो ये हमारे कुछ ऐसे एक बेसिक चीजें होती हैं जहां पर सरकार को ये करना ही पड़ता है ठीक है बिकॉज द गवर्नमेंट डू नॉट इजिंग गवर्नमेंट इज नॉट है भाई क्या एजुकेशन पे सरकार नहीं करेगी क्या सरकारी स्कूल नहीं चलते हैं चलते हैं ना ठीक है क्या हॉस्टल्स uh, नहीं होते गवर्नमेंट के हॉस्टल्स बिल्कुल होते हैं ठीक है सड़कें हमारे पास होती है जितना भी डेवलपमेंट हमें सर, जो सरकार करना होता है वो चीजें करती है ठीक है द रीजन इज दैट कि जब तक सरकार काम नहीं करेगी जब तक हमारी सरकार काम नहीं करेगी सरकार एक एसेट्स नहीं क्रिएट कर सकती और जब सरकार एसेट्स नहीं क्रिएट करेगी तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे और जब हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो टैक्स देना हो जाएगा तो हम लोग टैक्स उतना अच्छे से सरकार को दे नहीं पाएंगे सपोज करिए अब आप पूछोगे सर ये कैसे हो जाएगा टैक्स तो हम लोग देते ही है अब जरा आप एक बात समझो अगर हम लोग अगर सरकार हमको एक अच्छा रोड दे एक अच्छी हमें रोड दे बहुत ही प्रॉपर रोड दे बहुत ही स्मूथ बहुत ही अच्छी गड्ढा फ्री रोड ठीक है तो क्या होगा सपोज करो कि जैसे मान लो कि हम लोग डेली से लखनऊ जा रहे हैं ठीक है तो अब अगर रोड अच्छी है मतलब एक बिल्कुल सीधी रोड है बिल्कुल सिंपल रोड है बहुत ही स्मूथ रोड है तो हम लोग शायद को दिन में या हर दिन रोज दिल्ली से लखनऊ हम लोग अप डाउन कर सकते हैं ठीक है कार से क्योंकि हमें मालूम है यार कि रोड अच्छी है तो रोड अच्छी है मतलब रोज हम लोग जा सकते हैं रोज हम लोग आ सकते हैं तो जितना हम लोग आएंगे जाएंगे तो क्या होगा उतना हम लोग पेट्रोल यूज करेंगे उतने हम लोग टोल टैक्स भी देंगे जब हम लोग टोल टैक्स देते हैं पेट्रोल यूज करते हैं डीजल यूज करेंगे तो सरकार के पास उतना ही रेवेन्यू उतना ही राजस्व टैक्स ज्यादा जाएगा ठीक अब अगर सड़क खराब होती गड्ढे होते तो क्या होता है अरे यार उस वहां पे कौन जाएगा यार उस सड़क से बहुत गड्ढे ऐसा करते हैं दो या तीन दिन में एक बार जाएंगे मतलब हम लोग अपना सारा काम एक ही बार में कर लेते हैं ठीक है तीन चार दिन में हम लोग एक बार जाते हैं या पांच दिन में जाते हैं तो अपना हम लोग काम कर लेते हैं अब जरा ये समझो जब रोड अच्छी थी तब हम लोग रोज जा रहे थे तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिल रहा था जब रोड खराब हो गई जब रोड में गड्ढे हैं तब हम लोग तीन चार पांच दिन में एक बार जा रहे हैं तो सरकार को रोड जो सॉरी जो टैक्स है वो अब कम मिल रहा है तो समझ में है कि जब सरकार कोई एक चीज करती है जब सरकार कोई एक चीज डेवलपमेंट करती है कोई भी जब एक जब इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेवलप करती है तो डेवलप करने का मोटो ही यही होता है कि भाई जो सिर्फ दो चार लोग ही नहीं चलते सड़क पे, ठीक है बहुत लोग चलते हैं तो हमें उससे वो टैक्स मिलेगा हमें वहां पे रेवेन्यू मिलेगा ठीक है तो जब हमें रेवेन्यू मिलेगा तो वही जो तो चीजें हैं भाई जो सड़क से जो टैक्स मिल रहा है जो पेट्रोल से टैक्स मिल रहा है वही टैक्स को हम लोग चैनलाइज करके एजुकेशन में लगा देंगे उसी को चैनलाइज करके हम लोग आ, हेल्थ में लगा देंगे समझ में तो यही सारे हमारे पास कोर्स सब्जेक्ट होते हैं अब यहां पे दिया हुआ है ना कि द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी इन एनी वेलफेयर सोसाइटी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्व द प्रोविजन ऑफ डिफेंस सर्विस ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सर्विसेस एजुकेशन एंड द बेसिक हेल्थ सर्विसेस एक्सेट्रा फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल ठीक है तो जितने भी जो बेनिफिट होते हैं हमें लोगों को देने पड़ते हैं आम जनता को देने पड़ते हैं डिफेंस का हो गया कम्युनिकेशन का हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया रोड एंड डेवलपमेंट हो गया हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया तो ये जो सारी चीजें होती है ये हमें इसका बेनिफिट कौन लेता है आम जनता ही लेती है। समझ में ठीक है क्या बोल रहे हैं? कि क्वेश्चन हाउ शुड डीज एक्टिविटीज बी फाइनेंस तो ये जो सरकार हमको देती है हम लोग कैसे कर सकते हैं तो इनको फाइनेंस अब कहां रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सच सर्विसेज

समझ में ठीक है तो अब यहां पे क्या दे रहा है कि जो इंपॉर्टेंट देखिए क्या है कि सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास पब्लिक रेवेन्यू ठीक है तो पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या होगा कि जो सरकार अब कैसे मुनाफा कमा रही है ठीक है तो पब्लिक रेवेन्यू क्या बोल रहा है कि द सेवरल सोर्सेज ऑफ ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट फॉल अंडर दिस ब्रांच ऑफ द पब्लिक फाइनेंस ठीक है, फॉर एक्जाम्पल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी इनकम टैक्स टैक्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड रेवेन्यू ठीक है अब जब हम लोग पब्लिक रेवेन्यू मतलब जो जितने जो टैक्सेशन हो रहा है सपोज करिए यहाँ पे जो हाँ, हाँ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ठीक है तो यहाँ पे टैक्स का मतलब क्या हो गया कि जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप अगर एक इन, अपने देश में बना रहे हो ठीक है तो भी तो हमको रेवेन्यू हो रहा है क्यों भैया अगर कोई भी चीज बना रही है या सरकार है अगर रेलवे चला रही है गाड़ी चला रही है तो आप जाकर के रिजर्वेशन करते हो ना ठीक है रिजर्वेशन करते हो तो उसके अगेंस्ट में सरकार को टैक्स भी तो देते हो पैसा हो नहीं दे तो जब हमारे पास टैक्स मिल रहा है हमारे पास सब कुछ मिल रहा है तब अल्टीमेटली क्या होता है हम लोग उस चीज को देख सकते हैं ठीक है वहां की उसकी सर्विसेस ले सकते हैं वो प्रोडक्ट ले सकते हैं ठीक है थीके? ये हो जाता है ठीक क्या बोल रहा है ऑन द अदर हैंड द रेवेन्यू फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ फीस फाइन्स एंड एक्सेट्रा तुमने कर दी, कोई चलान वगैरह हो गया तो ये सारी जो चीजें आती है हमारे पास नॉन टैक्स मतलब कि टैक्स तो नहीं लगाया था लेकिन ये तुम्हारी पनिशमेंट है ये तुम्हारी लेट फीस जैसे कभी अगर आप स्कूल में फीस जम, जमा करते हो या कहीं पे भी जमा करते हो फीस बैंक वगैरह में तो वहां पे क्या होता तो है लेकिन अगर आपने टाइम लिमिट पांच सौ रुपया ये चीज है सो फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ टैक्स रेवेन्यू द दिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर टैक्स पॉलिसी टाइप्स ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू सिस्टम ठीक है और किस जगह पे कहां पे किस तरीके से कितना टाइप का या सॉरी कौन से टाइप का या कितना हमें टैक्स लगाना है ये भी हमारी पूरी एक पॉलिसी होती है तो उसके बियॉन्ड हम लोग काम नहीं कर सकते ठीक है ये चीजें नेक्स्ट आता हमारे पास टैक्स एंड द सब्सिडी ठीक है अब देखो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं आसान भाषा में टॉपिक है टैक्स एंड सब्सिडी देखो एक हमारे पास टर्म आता है एक टर्मोलॉजी होती है एक हो गया टैक्स और एक हो गया हमारे पास सब्सिडी देखो टैक्स मतलब क्या हो गया कि हम लोग कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको टैक्स देना पड़ेगा मतलब ये कह आप रोड पे चल रहे हो तो आपको रोड के लिए टैक्स देना पड़ेगा गाड़ी पे होता है हाउस में है तो आपको हाउस टैक्स देना पड़ेगा वाटर टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स कोई भी अगर आप चीज खरीदते हो तो उसके लिए टैक्स मतलब सरकार को भी तो टैक्स दो इसके अगेंस्ट में ठीक है तो कुछ एक हिस्सा हमें टैक्स को टैक्स के रूप में देना पड़ता है ठीक अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्सिडी अब सब्सिडी क्या होता है सब्सिडी अल्टीमेटली हमारे पास ही होता है जिस चीज को गवर्नमेंट जब प्रमोट करती है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सब्सिडी मीनसो से इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज करिए आपके घर में सिलेंडर आता है ठीक है तो सिलेंडर आता है सपोज करो कि आज के टाइम पर जो सिलेंडर है वो वो हमारे पास नौ सौ रुपए है ठीक तो जब सिलेंडर हमारे पास नौ सौ रुपए है नौ सौ साढ़े नौ सौ रुपए है तो अब सरकार ही कहती है भैया कि अपना जो अकाउंट वो जो है गैस कनेक्शन वो अपना आप बैंक अकाउंट से कनेक्ट करिए और उस बैंक अकाउंट में हम गैस की सब्सिडी आपके खाते में भेजेंगे ठीक है अब सरकार कह रही है भैया ठीक है आप हम भेजेंगे तो आप अपना बैंक अकाउंट को लिंक कर दो तो अब जो नौ सौ रुपए साढ़े नौ सौ रुपए का नाइन फिफ्टी का जो गैस सिलेंडर आता है जिसमें खाना बनता है आपने वो नाइन हंड्रेड फिफ्टी खरीदा सिलेंडर ले लिया अब होता क्या सरकार ने मान लिया कि आपके अकाउंट में ढाई सौ रुपए तो उस ढाई सौ रुपए को हम लोग टू फिफ्टी सब्सिडी ठीक है तो एक्चुअली में जो आपने 950 का लिया था सिलेंडर अब वो आपको कितने का पड़ गया सेवन हंड्रेड का ठीक है तो सरकार प्रमोट कर रही है ना ठीक है सरकार प्रोमोट कर रही कि भैया आप सिलेंडर ही खरीदो तो हम आपके अकाउंट में पैसे डाल भी रहे हैं ठीक है हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं ठीक है इसका सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास चाइना ठीक है चाइना इतना बढ़िया इतना बेस्ट एग्जाम्पल है कुछ कहने पड़े चाइना की सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल ऐसा है कि वहां की गवर्नमेंट अपने जो जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स हैं जितने भी स्मॉल बिजनेस लार्ज बिजनेस बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जितने भी हैं वहां की गवर्नमेंट अपने बिजनेस को सब्सिडी देती है इसीलिए चाइना ही एक लौटे दुनिया में ऐसा कंट्री जिसका एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा है ठीक है एक्सपोर्ट इस कंट्री का बहुत है चाइना का बहुत एक्सपोर्ट इसीलिए वहां के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको अगर लॉस भी हो रहा होता है तो वहां की गवर्नमेंट उन बिजनेसमैन को सब्सिडी देती है और ये कहती है कि तुम प्रोडक्ट का दाम कम रखो तुम प्रोडक्ट का दाम कम रखो और हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं बस तुम प्रोडक्ट बनाओ और इसको बाहर बेचो जा करके इस चीज को एक्सपोर्ट करो द रीजन इज दैट कि वो लोग बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है इस कोरोना के टाइम पे इस पैंडमिक के टाइम पे सिर्फ चाइना ही एक दुनिया में ऐसा कंट्री था जिसकी जीडीपी पॉजिटिव में थी अराउंड तीन के आसपास उनकी जीडीपी थी प्लस थ्री लेकिन दुनिया में सारी कंट्रीज का इवन अमेरिका जितना भी यूरोप था सबका जो जीडीपी था वो नेगेटिव में चल रहा था ठीक है नेगेटिव था इंडिया का तो जानते ही वो माइनस ट्वेंटी फोर परसेंट ठीक है तो ये था जीडीपी तो अल्टीमेटली चाइना ही एक ऐसा कंट्री था जहां पे उसका तीन जीडीपी था प्लस का पॉजिटिव का तीन जीडीपी क्यों क्योंकि उसका एक्सपोर्ट ज्यादा था समझ में तो ये चीजें हमारे पास आती है सब्सिडी में कि सरकार चीजें प्रमोट करती है ना कि यार तुमको लॉस हो रहा है कोई बात नहीं अच्छा अभी जो वो कह मैनुफेक्चर सर ऐसा है भैया हमारे पास तो मतलब सौ रुपया लग रहा है सौ हम बेचेंगे नहीं तो सरकार कह रही ऐसा है ऐसा तुम सौ करिए तुम साठ रुपए का बेचो चालीस रुपया हम तुमको दे रहे हैं ठीक है अकाउंट में खाते हम डाले बस तुमको नुकसान नहीं होने देंगे बस तुम इसको बनाओ बेचो और बाहर भेजो इसको देश के इसको एक्सपोर्ट करो इसको डंप करो जाकर तो यही चीजें होती है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडी आई होप के समझ में आया होगा ठीक है अभी यहां पे आपके दिया हुआ है ना क्या कहते हैं कि टेबल वगैरह दिया हुआ है तो यहां पे दिया हुआ टैक्स का कि ध्यान से देखिएगा ठीक है टैक्स इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू बी टू द गवर्नमेंट बाय द इनकम अर्न और द सैलरी ठीक है तो जो टैक्स हमें देना ही पड़ता है इवन आपके पास अगर एक रुपए की टॉफी भी अगर आप खरीद लो तो अब आप उस एक रुपए की टॉफी का भी आप टैक्स दे रहे लो गेट पॉइंट ठीक है सब्सिडी क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू द टैक्स पेयर्स टू टू एनेबल देम टू सेल सम गुड एट अ लोअर प्राइस अभी हमने आपको बताया चाइना का एग्जाम्पल ठीक है यहां पर क्या है सेकेंड पॉइंट क्या टैक्स रेजेज द प्राइस ऑफ अ कमी ठीक है नॉर्मल सी बात है कि भैया अगर कोई चीज सौ रुपए की अगर हमने मान लो दस परसेंट टैक्स लगाया तो वो एक सौ दस रुपए की होगी तो जो चीज का जो कम्युनिटी का जो प्राइस होता है वो हमारा बढ़ जाता है ठीक है बढ़ जाता है लेकिन जो सब्सिडी होता है वो कम कर देता है सब्सिडी द सेलिंग प्राइस ऑफ अ अम्युनिटी दैट इज इट इज कॉल्ड नेगेटिव टैक्स ठीक है तो जैसे अभी हमने बताया गैस सिलेंडर आपने खरीदा था नौ साढ़े नौ सौ का लेकिन एक्चुअली आपको पड़ा कितने का वो सात सौ रुपए का क्योंकि टू फिफ्टी तो आपके अकाउंट में वापस आके ना ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है थर्ड पॉइंट है इट हेल्स इन रेजिंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू एंड इट टू अ फॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू ठीक है जो सब्सिडी में कम हो जाता है उसमें टैक्स बढ़ जाता है Fourth है फोर्थ क्या बोल रहा है कि इट रिड्यूसेस द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एग्जांपल सेल्स टैक्स इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटी एंड इट रेजेस द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एग्जांपल है फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड द ट्रांसपोर्ट सब्सिडी एंड सो ऑन ठीक है आई होप कि आपको ये क्लियर होगा ये जो difference ये हमने बताया है, इसको जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अब पब्लिक एक्सपेंडिचर ठीक है अब पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जो सरकार हमारे पास जो काम कर रही होती है तो सरकार के खर्चे क्या कहें ठीक है तो अब जैसे मैंने कहा कि अब सरकार की इनकम तो हमारे पास हो रही टैक्स के रूप में अब सरकार कहीं खर्चा भी तो करेगी हेल्थ हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन uh, हो सकता है कम्युनिकेशन हो सकता है एजुकेशन हो सकता है तो इतने सारे सेक्टर्स होते हैं हमारे पास सरकार के पास ताकि वो ताकि वो काम कर सके ठीक है तो इसीलिए जो पब्लिक एक्सपेंस जो एक्सपेंडिचर होता है वो अपना मैक्स टू मैक्स वो खर्चा करते हैं ताकि वो उस एक डेवलपिंग नेशन को वो डेवलप्ड नेशन बना सके ठीक है इसी में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक डेप्थ ठीक है अब ये पब्लिक डेप्थ हमारे हमारे पास क्या होता है कि अल्टीमेटली जब सरकार के पास पैसा नहीं होता ठीक है जब सरकार के पास पैसा नहीं होता या फिर पैसा कम पड़ जाता है तब वो पब्लिक से बोरो कर लेती है और जब समय पड़ने पर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट ऑल्सो एंश्योर्स दैट द मनी शुड बी रिटर्न टू द कॉमन पब्लिक विद द इंटरेस्ट ब्याज के साथ तो पैसा वापस कर दे ठीक है जैसे मान लो सपोज करो कि ऐसा हो सकता है आ, कि सरकार को ए, कोई पुल बनाना है उस उस पुल बनाने की पांच सौ करोड़ रुपए आ रही है फाइव हंड्रेड करोड़ अब सरकार समझ रही है कि पांच सौ करोड़ इसमें फंसाने से अच्छा है कि मैं पब्लिक से उधार ले लेता हूँ और फिर मैं पब्लिक को दो साल बाद चार साल बाद रिटर्न कर दूंगा तो ये सरकार को लगता है कि हाँ ये ज्यादा अच्छा सवाल ये हो सकता है तो वो करते क्या है कि वो उसके पब्लिक से जो होते हैं वो मनी रेस करते हैं मार्केट से वो मनी रेस करते हैं वो एक बॉन्ड इशू कर देते हैं कि भाई साहब पांच साल का ये एग्रीमेंट करते हैं हम लोग और आपको जिसने भी मान लो कि पांच पांच सौ रुपया एक एक लाख रुपया जो भी दिया है हम उसपे आपको दस का इंटरेस्ट दे देंगे लोग भी खुश भाई साहब पांच साल बाद मतलब दस परसेंट का ब्याज तो मिल रहा है हमको ठीक है तो इसलिए यहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट मिल जाता है और जो सरकार होती है उसको पैसा मिल जाता है ओवरऑल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ठीक है और वहां पे जो जनता होती है उसको एक पुल मिल जाता है ठोकोताली मजा आ गया ये नेक्स्ट <laughs> टॉपिक हमारे पास बजेटरी पॉलिसी ठीक है अब बजटरी पॉलिसी यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करिए कि जैसे कि जो बजट होता है कभी कभी होता है ना यार कभी कपड़ा वापडा लेने जाओ जूते वूते लेने जाओ तो कभी कभी बजट ये जो होता है होता है आउट ऑफ पॉकेट चलाता है तो यहाँ पे भी सरकार के साथ भी ऐसे होता है कि सरकार जब कभी कोई काम कर रही होती तो कभी कभी जैसा अभी मैंने शाडी में कहा कि अगर सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है अक्सर ही होता है कि भाई साहब सरकार को काम ही करना होता है तो जब सरकार के जो एक इनकम तो उसके पास एक लिमिटेड होती है लेकिन उसे खर्चे ज्यादा होते हैं जब खर्चे ज्यादा होते हैं तो सरकार लॉस में जाने लगती है तो इसी को बोलते हैं डेफिसिट ठीक है अब सरकार के पास पैसा नहीं है तो या तो वो करते क्या है वो या तो बैंक से लोन लेंगे अब कौन सा आरबीआई से या तो वो लोन लेगा या फिर वो नोट की प्रिंटिंग करेगा दो में से कोई एक ही काम कर सकता है ठीक है या तो फिर उसको एफडीआई वगैरह कैसे आ जाए ये भी काम हो सकता है ठीक या तो वो कैसे भी पैसा ले सकती है सरकार जो जो भी है ठीक है तो इसको अभी हम लोग बस नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ने वाले ढंग से लेकिन तभी एक ओवरव्यू देख देखते सर पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं है ठीक है हंसी मजाक करते रहते हैं तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है बजेटिव पॉलिसी में कि दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड बाय एनी गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू इट्स प्रोबेबल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर ईयर ठीक है उस एक फाइनेंशियल ईयर में उस एक फाइनेंशियल एरिया में हमारे पास क्या हुआ है गवर्नमेंट लॉस में थी हमारा गवर्नमेंट प्रॉफिट में थी ठीक है तो उसका रेवेन्यू कितना हुआ ठीक है रेवेन्यू के साथ उस सरकार ने खर्चा कितना किया यह भी हमें गवर्नमेंट बजट ठीक है यार तुम्हारी इनकम तो तुम्हारे सौ रुपया है लेकिन तुम खर्चे कर रहे हो डेढ़ सौ रुपया कैसे कर रहे हो यार ठीक है तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट क्लियर अभी आगे देख रहे हैं हम लोग इसी में सो द डिफरेंट वेज फॉर मीटिंग दिस बजट डेफिसिट कम अंडर द परव्यू ऑफ दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी में फिजिकल पॉलिसी भी है कि दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज विद द फ्रेमिंग ऑफ प्रॉपर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद द विद स्टेबिलिटी ठीक है ये पब्लिक फाइनेंस और सॉरी जो फिजिकल और जो बजट है ये अभी हम लोग बस डिस्कस ही करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे तो वहां पे अभी हम आपको अच्छे से बताते हैं ठीक है तो आराम से रिलैक्स मारो ठीक है बस वीडियो देखते रहो सुनते रहो बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं Next है नेक्स्ट हमारे पास सर स्कोप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस अब इसके स्कोप देखते हैं क्या क्या है तो पहला है हमारे पास गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ठीक है सो द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कम्स अंडर द एरिया ऑफ द पब्लिक फाइनेंस ये हम लोग बात कर ही चुके हैं जो रेवेन्यू हो गया और जो आपका जो एक्सपेंडिचर हो गया वो पब्लिक फाइनेंस में ही आएगा इस चीज का आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है पब्लिक फाइनेंस को किस किस तरीके से वो एलुकेट करती है, क्या उसका रेवेन्यू होता है, क्या उसका होता है? उफ, चलो. तो जो सरकार अब, अब बोलूंगा तो अब सरकार जो होती है मतलब उसकी इनकम कितनी है उसके पास उसके खर्चे कितने ठीक है ऐसा तो नहीं कि क्या वो एक टैक्स पेयर का पैसा बहुत ही ज्यादा बर्बाद कर रही है भी हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक बोरोइंग्स ठीक है अभी मैंने कहा कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं होता है या सरकार हमारी जब डेफिसिट में चलती है तो जब सरकार हमारी डेफिसिट में चलेगी तो क्या होगा अल्टीमेटली सरकार जब डेफिसिट चल रही है तो पब्लिक से बॉर करेगी भैया तुम तो हमें पैसा दे दो तो? अभी हमने आपसे कहा ना कि हजार करोड़ रुपया आ रहा है एक पुल बनाने का तो जब सरकार ये सोच रही कि यार हम हजार रुपए जो है हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पुल के लिए हम ऐसा करते हैं पब्लिक से अभी आज उधार ले लेते हैं बौर कर लेते हैं बाकी पांच साल बाद हम इनको लौटा देंगे पांच साल दो साल चार साल जितना भी मतलब लगे ठीक है और ब्याज के साथ लौटा देंगे तो वो एक सरकार के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्यों क्योंकि तब तक वो भी तो उनको कुछ कमा के दे चुका होगा ना भाई उन्होंने किया लेकिन अब मैंने अभी आपको बताया था एक सड़क का एग्जाम्पल डेली लखनऊ ध्यान आया जब दिल्ली और लखनऊ बताया था तो वहां पे क्या था कि जितना आपका जो ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ होगा जितना आपका अच्छा होगा स्मूथ होगा तो वहां पे सरकार के रेवेन्यूज और बढ़ जाते हैं पॉइंट तो ये चीज क्या दिया हुआ इसमें कि इन एनी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया द गवर्नमेंट हैज टू बोरो ईदर फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम द कॉमन पीपल बाय सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू फाइनेंस इट्स डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस सच पब्लिक बोरोइंग्स एंड हेंस द ग्रोइंग लायबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स कम विद इन द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस ठीक है तो इसी को हम लोग पब्लिक बोर्ड बोलते हैं अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं आपसे ठीक है हिंदी में समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए ठीक है बाकी कोई दिक्कत अगर हो तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो बाकी तो हम लोग बढ़िया से कर ही रहे हैं कोशिश ही कर सकते हैं और क्या ही करें ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है बजेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है अब गवर्नमेंट का बजेटरी पॉलिसी क्या होता है जी ये भी देख लो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बजेटरी पॉलिसी ऑफ बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट से टू वट एक्सटेंड अ डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट वुड बी कितना अलाउ हो सकता है पब्लिक फाइनेंस द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजटरी मैनेजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पब्लिक फाइनेंस ठीक है फिजिकल पॉलिसी अच्छा देखो फिजिकल जो होता है हमारे पास क्या होता है तो तो देखो जो लोन वगैरा होता है जो जैसे हमने कहा ना कि जो है वो कितना अलाउ होता है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना जैसे मान लो कि आप अपने फ्रेंड के साथ गए खाना खाने लंच करने गए रेस्टोरेंट वगैरह में तो आपने ये देखा कि जो आपका जो आपका फ्रेंड है ठीक है वो क्या किया कि उसने यार ज्यादा ऑर्डर कर लिया अब उसने जब ज्यादा ऑर्डर कर लिया तो एक चीज हमने ये कर रही कि जब ज्यादा ऑर्डर करने के चक्कर में आपका जो बजट है वो तो यार आउट ऑफ चला गया आउट ऑफ पॉकेट चला गया अब हुआ क्या आप बजट बना के गए थे हजार रुपए का उसने दो चार रसगुल्ले ज्यादा खा लिए एक खीर ज्यादा खा ली आइसक्रीम भी ज्यादा खा ली और चाउमीन भी खा ली पिज्जा भी खा लिया तो उसका जो है मतलब आपका जो बजट है वो चला गया बजट था यार तुम्हारे पास हजार रुपए का बिल आ गया पंद्रह सौ रुपए का आप पांच सौ रुपए कैसे दिया जाएगा आपका जो फ्रेंड है वो बिल्कुल खाली हाथ गया खाली पॉकेट है उसके पास कोई भी एक भी रुपया नहीं है आप पार्टी दे रहे थे तो उसने ऑर्डर कर दिया और ऐसा हो गया ठीक है अब यहाँ पे हुआ क्या सिंपली कि अब यहाँ पे एक डेफिसिट क्रिएट होता है कि यार पैसा तुम्हारे पास है हजार रुपए खर्चा तुमने करने है पे तुम्हें करना पड़ना 1500 तो अब तुम क्या करोगे अब या तो तुम ये कर सकते हो कि या तो तुम अपना कुछ चीज जैसे मान लो कि कुछ घड़ी वड़ी कुछ दे दो उसको भैया तुम रख लो हम बाद में तुमको हम पैसा देंगे तो हम तुमसे ले लेंगे ठीक है या फिर तुम एक बॉन्ड इशू कर सकते हो कि आपने मान लो कि एक रेस्टोरेंट वाले के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया मैं अभी शाम को आके आपको पैसे में पक्का दे दूंगा ठीक है मैं शक्ल से चोर लग रहा हूँ क्या ठीक है तुमने उस मतलब साइन वाइन कर दिया कि भैया कर दिया तो वो भी एक हुआ कि हाँ चलो भैया अगला हमको पैसे दे दे करके हो जाएगा या दूसरा काम ये भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी पार्टी से या किसी से उधार लो और उसको उस रेस्टोरेंट वाले को दे दो लेकिन अब आप ये भी तो बताइए जब आप रेस्टोरेंट को आप पेमेंट करोगे तो उस थर्ड पार्टी को भी तो पेमेंट करोगे ना कि नहीं करोगे ठीक है तो वहां पे डेफिसिट तो क्रिएट हो गया है तो अब ये होता है या फिर एक केस ये भी सोचते हैं कि शायद कोई रेस्टोरेंट वाला छोड़ दे आपको करे चलो कोई बात नहीं बच्चे जाने दो खाओ पियो खेलो को तो चलो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी जो डेफिसिट हो रहा है ये डेफिसिट अलाउ कितना होता है सपोज करिए कि आपने तो पांच सौ का डेफिसिट किया था ठीक है के. क्या होता कि आपके पास दो सौ रुपए होते तो क्या आप तेरह सौ का डेफिसिट करके आते नहीं ना भाई साहब बर्तन धुलवाता तुमसे वहां पे वो ठीक है ये चीज होती तो उधारी कितना अलाउ है तो गवर्नमेंट का भी यही होता है कि जब गवर्नमेंट होती जब गवर्नमेंट काम करती तो इसका मतलब ये थोड़ी मतलब बिल्कुल ही एकदम खाली कर दो राजस्व जो ट्रेजरी वो पूरी खाली कर दोगे नहीं ना तो खाली हम लोग नहीं करते हैं ना सरकार करती बस ये होता है कि डेफिसिट कितना अलाउ है ठीक है आप उतना ही काम करें जितना आपके पास पैसा है आपके इनकम है एक लाख रुपए क्या आप दो तीन लाख रुपए के खर्चे महीने के कर सकते हो बिल्कुल भी नहीं कर सकते गेटिव पॉइंट भाई एक लाख रुपए एक लाख दस हजार हो जाएगा बीस हजार हो जाएगा चलेगा आप कहो कि नहीं मेरी एक सैलरी एक लाख रुपए मैं पांच लाख खर्चा करूंगा कैसे कर लोगे यार उधार करने वाला भी तो एक सीमा में तो उधार करता है ना कि पंद्रह पचास हजार उधार कर लेगा वो नहीं करेगा अरे सौ दो सौ पांच सौ हजार रुपये उधार कर लेगा अब तुमको पचास हजार उधार कर ले कैसे कर लेगा यार कोई उसको भी तो लेके आना सामान ना तो ये चीज है ठीक है यहां पर हम लोग आते हैं दिया हुआ है कि हम्म किस बिटवीन द फिजिकल एंड द मॉड्री पॉलिसी ठीक है अब इनमें डिफरेंसिस क्या होते हैं अब जरा ये देखिए अब यहां पे हम लोग ये समझते हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी है जो मॉनिटरी पॉलिसी है ये हमारे पास क्या होता है फिजिकल पॉलिसी हमें तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों को लोगो बहुत अच्छे समझ में आ आएगी फिजिकल क्या होता है ठीक है फिजिकल टेपसीट वगैरह क्या होता है ये हम लोगों को समझ में आ गया मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है देख लो एक बार फिर भी एक बार ओवरव्यू कर दूंगा मॉनिटरी पॉलिसी ये होता है कि मॉनिटरी मॉर्निंग मॉर्निंग मोनी है मोनी तो मोनी हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जो मनी होता है मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी है हमें यह जानना होता है ठीक है अब अगर सरकार को यह लगता है कि मार्केट में अगर मनी की सप्लाई ज्यादा है तो इसका मतलब लोगों के पास ज्यादा है पैसा ठीक है अब लोगों के पास पैसा आता है तो वहां पे लोगों की डिमांड ज्यादा होगी और वहां पे उनके पास पैसा है तो वो अल्टीमेटली उस कम्युनिटी का उस आर्टिकल का प्राइस बढ़ जाएगा जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा जब प्राइस बढ़ा लिसन जब प्राइस वाला तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा ठीक है तो ये जो आरबीआई होती है जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसको वो एडजस्ट कौन करता है वो आरबीआई करती है ऑन दी एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है जब सरकार को लगता है कि महंगाई ज्यादा हो रही है तब जो आरबीआई होती है वहां पे मनी सप्लाई कम करती है और जब मंदा होता है तब वहां पे मनी सप्लाई ज्यादा करती है ये हम लोग पहले की तरफ देख चुके हैं मनी इन बैंकिंग में कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो हम लोग क्या करते हैं जब सरकार को लगता है महंगाई ज्यादा उसे कंट्रोल करनी है तो अपना सी बढ़ा बढ़ा देता है वो ठीक है तो जब सी बढ़ाएगा तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तब लोगों को लगता है यार ये तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ले रहा है बैंक मैं तो पैसा उधार नहीं लूंगा मैं तो लोन नहीं लूंगा तो जब लोग लोन लेते नहीं है तो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है जब लोगों के पास पैसा कम हो जाता है तब उस आर्टिकल की जो प्राइस होती है वो नीचे गिर जाती है और जब नीचे गिर जाती है तो महंगाई अपने आप कम हो जाती है समझ में आया पक्का अच्छे से ठीक है ये चीजें तो ये हमारे पास हो गए ये ये हो जाता है ठीक है लेकिन जब हमारे पास फिस्कल आते हैं जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ आज आप जब फिस्कल होता है बोल रहे ना कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इम्पोजिशन ऑफ द टैक्सेस एंड चेंजेस इन द टैक्स रेट प्रोविजन ऑफ सब्सिडी पब्लिक डेप्थ एंड एक्सेट्रा ठीक है तो अब जो होता है क्या बोल रहे हाँ इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ठीक है अब मतलब जब सरकार के पास पैसा नहीं होता है तब उसको पैसा कहां से अरेन्ज करना पड़ता है ठीक है भाई लेगी भी तो कहीं से अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा है काम करना है पैसा नहीं मिल तो कहीं से उसको पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे भाई अपने पास भी क्या होता है कभी कभी अगर पैसा नहीं होता तो हमें जुगाड़ करना पड़ता है ना भाई इधर से कर लो उधर से कर लो मतलब तो हो जाता करके ठीक है तो जब यहाँ पे पैसा हो जाता है तो हमको ये देखना पड़ता है कि अल्टीमेटली जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है और हम वहां से वो पैसा हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं तो फिजिकल भी ना रहे हमारा काम भी हो जाए समझ में आया तो फिजिकल टैक्सेस समझ में आ गया और मॉनिटरी पॉलिसी समझ में आ गया ठीक है अब इसका हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या है <coughs> तो यहां पे क्या बोला फिजिकल पॉलिसी कि दिस पॉलिसी अफेक्ट्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है ये कर रहा है मॉनिटरी पॉलिसी क्या है कि दिस पॉलिसी अफेक्ट्स द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी ठीक है तो इकोनॉमी में हमारे पास मनी का सप्लाई कितना है वो हमें बताता है ठीक नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड चेंजेस इन टैक्स रेट प्रोविजन ऑफ सब्सिडी पब्लिक डेप्थ एक्सेट्रा ठीक है ये हो गया बताना पड़ता है कहाँ कहां पे मैं टैक्स लगा रहा हूँ उसमें टैक्स का जो रेट होता है हम लोग उसको वलनेबल कर सकते हैं मतलब रीऑर्डर कर सकते हैं रीअरेंज कर सकते हैं ठीक है इसमें क्या बोल रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोनिट्री पॉलिसी आर बैंक रेट कैश रिजर्व रेशियो स्टैचुर लिक्विटी रेशियो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा ठीक है ये भी हमने बताया सीआरआर हो गया एसएलआर हो गया एलएफ हो गया तो ये सब भी हम लोग देखते हैं hmm? फिजकल में क्या बोला पॉलिसी इज रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है तो ये हमें बताना पड़ता है भाई साहब अब एनुअल बजट है कि भाई सरकार कितना लॉस में कितना प्रॉफिट में ये बताओगे ना क्योंकि वो तो एक फाइनेंशियल ईयर होता है और हर एक साल हमारा बजट पास होता ही होता है ठीक है समझ में आया अब इसमें क्या बोल रहा है कि द दिस पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री तो जो मॉनिटरी पॉलिसी थी वो सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करती है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या है फोर्थ वाला कि द फिजिकल मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इंक्लूड इंक्रीज इन द रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज इन टैक्स एक्जेपन एंड सब्सिडी पेमेंट एक्सेट्रा फिजिकल में करना पड़ता है ठीक है जब पैसा नहीं होता है तो पैसा नहीं हो तो क्या करती है कि भाई साहब इंक्रीज इन द डायरेक्ट टैक्स रेट्स इंक्रीज करती है डिक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार अपने खर्चे कम करती है एंड डिक्रीज इन द टैक्स एग्जे एंड द सब्सिडी भी देना कम करती है टैक्स देना कम कर देती है ठीक है सॉरी uh, टैक्स uh, टैक्स को जो रेट होता है वो बढ़ा देती है ठीक है और जो गवर्नमेंट जो एग्जेप देती है जो आपको छूट देती है वो छूट भी कम कर देती है जिससे कि सरकार के पास थोड़ा पैसा बचे और मतलब सरकार का जो बैंक बैलेंस है वो मेंटेन करके अपना क्यों करेंगे सरकार के तो करेंगे ठीक है ये चीजें इसमें क्या बोले कि द द मॉनिट्री मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इंक्लूड इंक्रीज इन बैंक बैंक रेट कैश रिजर्व रेशियो इसल रेशियो एंड सोन ठीक है इंक्रीज इन टैक्स एक्सेंस एंड सब्सिडी पेमेंट एंड सो ऑन मॉनिटरी बोल रहा है द मॉनिटरी मेजर्स टू कंट्रोल इकोनॉमिक डिप्रेशन इंक्लूड डिक्रीज इन बैंक रेट कैश रिजर्व रेशियो लिक्विड एंड सो ऑन ये सारे ही जो डिफरेंस हैं थोड़े इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोर्स में आ रहा है तो वरना कोई बात नहीं मेरे को सर कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हैं ठीक है जब पढ़ा पूरा चैप्टर रहो आराम से पढ़ा रहा हूँ और कोई दिक्कत अगर हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो लेकिन प्लीज अगर आपको अपना बेस या अपना प्लेटफॉर्म क्लियर करना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा अच्छे से वो भी मन लगा के ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट लास्ट टॉपिक पॉइंट है इसका डिफरेंस का कि दिस पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ठीक है डिमांड वो क्रिएट कर रहे हैं एंड दिस पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी ठीक है इधर क्या बोल रहे हैं डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और इधर क्या बोल रहा है इधर सप्लाई ऑफ मनी ये हम लोग बात कर ही चुके हैं जब हमारे पास मॉनिटरी पॉलिसी आती है तो वहां पे हम लोग सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं कि मार्केट में पैसा कितना है अगर ज्यादा है तो महंगाई ज्यादा होगी अगर मार्केट में मनी फ्लो कम है तो इसका मतलब हमारे पास मंदा रहेगा महंगाई कम होगी अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पब्लिक वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस ठीक है अब देखें यहाँ पे क्या होता है जैसे कि हमारे पास किसी भी कंट्री या किसी भी इंडिविजुअल जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है यार अगर आपको इनकम होती है तो आपके पास खर्चे होंगे खर्चे हैं तभी तो आप इनकम कर रहे हो ना तभी तो आप कमा रहे हो अगर पेट में भूख ना होती भगवान ने भूख ना दी होती तो क्या हम और आप बात ही कर रहे होते क्या आप मेरी वीडियो देख रहे होते बिल्कुल नहीं देख रहे होते तो यहाँ पे सरकार भी यही करती है तो सरकार हमारे पास क्या होती है अगर उसे खर्चा करना है तो उसको क्या होगा उसके पास रेवेन्यू होना चाहिए ठीक है अगर एक्सपेंसिस करने हैं तो यहाँ पे सरकार और प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट में क्या होनी चाहिए इनकम होनी चाहिए तरह उसको एक्सपेंसिस करने हैं ठीक है तो अल्टीमेटली यहाँ पे ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं है ठीक है अगर खर्चे करने हैं तो आपके पास रेवेन्यू होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप खर्चे नहीं कर सकते आप कैसे एक्सपेंस करोगे ठीक है ये चीज है तो दिया हुआ है कि सिमिलैरिटीज बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट फाइनेंस ठीक है क्या क्या सिमिलैरिटीज है तो पहला टॉपिक है इसमें कि ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्टिव ठीक है टू अचीव अ कॉमन गोल टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव Hmm? दिया हुआ है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट फाइनेंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर एंड द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट इंफ्लुएंस प्राइवेट फाइनेंस इज द दफेक्शन ऑफ द पर्सनल और द इंडिविजुअल वॉन्ट ठीक है तो इंडिविजुअल वॉन्ट्स की जितनी भी जो इच्छाएं वगैरह है उसको मैं फुलफिल करना है समझ रहे हो तो पब्लिक का भी यही चीजें हैं और प्राइवेट का भी यही चीजें हैं इंडिविजुअल अगर चाह है कि भाई साहब हम थर्ड एसी से आए दिल्ली से लखनऊ तो वो थर्ड एसी से आएगा अगर इंडिविजुअल चाह रहा है कि मैं ये वाला फोन ना लेकर के मैं वो वाला उस कंपनी का फोन लू तो उसको मिल जाएगा तो अल्टीमेटली क्या है कि भाई उसको एसी में बैठना था उसकी वॉन्ट फुलफिल हो गई उसको एप्पल का आईफोन लेना था उसकी भी वांट फुलफिल हो गई तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि बस हमें यह देखना है पब्लिक भी ये कर रही है अब जो 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 प्राइवेट इंडस्ट्रीज है 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 वो भी ये कर रही है। कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट उनकी जो वांट्स है वो फुलफिल हो जाए बस ठीक है ये चीज नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिसोर्स कॉन्स्टेंट ठीक है अब रिसोर्स कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है कि देखो पब्लिक हमारे पास है ज्यादा ठीक है और रिसोर्स हमारे पास है लिमिटेड तो जब हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है तो क्या हम लोग हर एक का कुछ कर, मतलब सेटिस्फाई कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं तो हमें उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेस से हमें उसका मैक्स टू मैक्स यूज करना है ठीक है ज्यादा ज्यादा यूज कर सकते जैसे कि गन्ने का रस तो गन्ने को बेटा गन्ने वाला तब तक निचोड़ता है जब तक उसका एक बूंद भी रस ठीक right, है सब पूरा एक एक बूंद वो निचोड़ लेता है तो उसी प्रकार से हमारे पास जितने भी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें उसका मैक्स टू मैक्स यूज करना ठीक है कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको यूज कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है क्या बोल रहा है इन बोथ द केसेज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉन्स आर लिमिटेड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बिकम द मेन इशू बिफोर बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक फाइनेंस क्लियर है अब यहां पे क्या दिया हुआ नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ठीक है तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि द बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक फाइनेंस आर कंसर्न विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स बोथ ऑफ देम फेस द प्रॉब्लम ऑफ द रेजिंग द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड अमंग द डिफरेंट हेड ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज ठीक है तो उनके पास देखिए अब वहां पे होता क्या है कि दिया वो है कि दिया हुआ टॉपिक है है सिमिलर फाइनेंशियल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स तो जब एस्पेक्ट हमारे पास होता देखिए पैसा हमारे पास दोनों के पास आएगा पब्लिक के पास भी आएगा और प्राइवेट के पास भी आएगा तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है दोनों की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है देखिये पब्लिक की जो जो पब्लिक होता है हमारे पास जो सरकार होती है उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है टू डू द वेलफेयर तो वेलफेयर हमें करना है लेकिन प्राइवेट का क्या होता है सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है भाई साहब प्रॉफिट कमाना है प्रॉफिट कमाना है बाकी चीजें बाहर हो जाए लेकिन सरकार क्या होती है सबसे पहले हमें वेलफेयर करना है उसके बाद हम कुछ काम कर सकते हैं ठीक है ये चीजें होती है तो यहाँ पे एक एक के पास पहला प्रॉफिट है मतलब मोटो है पब्लिक के पास वेलफेयर और जो प्राइवेट इंडस्ट्री के पास होता है हमारे पास प्रॉफिट ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है हमारे पास क्या बोले कि डिपेंडेंस ऑन द बोरोइंग ठीक है तो बोरोइंग बोरोइंग वेरी गुड जब हमारे पास डेफिसिट क्रिएट होता है जैसे अभी हमने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया तो जब डेफिसिट क्रिएट होता है तो हम लोग क्या कर सकते उधार ही ले सकते हैं सपोज है करिए आपका फ्रेंड भी उधार लाया हो मान लो कि हजार रुपए उसके पास पड़े होते हैं ठीक है तो क्या वो आपको जब आपका बिल पंद्रह सौ का बना था तो क्या वो आपको पांच दे सकता था आपके पास हजार रुपए है आपका फ्रेंड भी हजार लेकर के आया ठीक है पार्टी आपने देनी तो आप उसे उधार ले लो जिससे कि आप उसका अपना पेमेंट कर सको ठीक है तो जो इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप फुलफिल करता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉर समझ में हम ठीक है कोई डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं यार इजी है कूड़ा मतलब कतई ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट फाइनेंस पहला पॉइंट है हमारे पास इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर ठीक है अब इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर ठीक है ये दे रहा है अल्टीमेटली क्या होता है हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि भाई साहब हमारे पास एक लाख रुपए सैलरी आएगी और एक लाख रुपए सैलरी के साथ हम क्या करेंगे उसको कैसे कैसे खर्च करना है वो हम लोग वो हम डिसाइड कर लेंगे लेकिन यहां सरकार का जो सिस्टम उल्टा है पहले वो सोचती है कि मेरे को खर्च कितना कितना करना है वो डिसाइड कर लेती है प्लान कर लेती है उसके बाद पैसे के बारे में सोचती है कि अगर पैसा हम इसको कहां से अरेंज करना पड़ेगा मेरे को ठीक है पहले पैसा नहीं है सरकार सोचे कि पहले मेरे को क्या क्या खर्च करना है और कितना कितना खर्च करना है और उसके बाद सरकार सोचती है कि हम उस फाइनेंस को हम लोग जो पैसा है वो कहां से उसका हम लोग सोर्स बनाए ठीक है तो ये ये सारी चीजें होती हैं कभी कभी सरकार भी उल्टा ही काम करती है पूरा है ना सुनने में ऐसे लग रहा है लेकिन अल्टीमेटली यही चीजें होती है जब हमें अगर डेवलपमेंट के हम लोग काम के बारे में आते हैं तो सरकार का ये नहीं होता है तो सरकार पहले काम देखे है हाँ ये बताती हाँ ऐसा ऐसा हमें मेरे को करना है और वहां से उस काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा जैसे मैंने अभी आपको पुल का एग्जाम्पल बताया कि पुल बनाना है हजार करोड़ का ठीक है वो चीजें तो अल्टीमेटली ये चीजें तो उसने पब्लिक से बोरो कर लिया उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर लिया उसने किसी से बोरो कर लिया बोरो कर लिया उसको पैसा मिल गया उसका उस टाइम का तो काम हो गया लेकिन फिर उसके बाद तो उसको उस चीज से प्रॉफिट हो रहा होगा उससे रेवेन्यू हो रहा होगा तो जब वो रेवेन्यू क्रिएट होगा जब वो रेवेन्यू जनरेट होगा तब अल्टीमेटली उस रेवेन्यू से जिससे पैसा लिया होगा उस 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 इंसान को वो पैसा दे देंगे वो भी ब्याज के साथ दैट इज द इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन ठीक है अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन क्या है भाई अपनी कंट्री में अगर लोन ले रही है तो वो इंटरनल लोन हो गया और अगर उसको एफडीआई आ रही है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है या बाहर के देशों से वो लोन ले रही है तो वो हमारे पास एक्सटर्नल लोन हो गया इजी? इजी इजी वेरी बीजी तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन है सरकार को पैसा चाहिए वो चाहे कहीं से भी करे यार पैसे तो चाहिए ना जान थोड़ी लोग अब भाई जो पैसा देगा उसको सरकार ब्याज दे देगी खत्म बात ठीक है ये चीजें नेक्स्ट है पब्लिक वेलबींग इज द गवर्नमेंट स्कूल ठीक है तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो सरकार का काम होता है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है ठीक है पब्लिक का वेलबींग ही होना चाहिए जब तक पब्लिक का वेलफेयर होगा तभी तक सरकार काम कर रही है जहां तक उसका वेलफेयर नहीं होगा वो काम क्यों ही करेगी ठीक है ये चीजें तो पब्लिक का जो वेलफेयर होता है वो सरकार की पहली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है ठीक नेक्स्ट हमारे पास था गवर्नमेंट कैन क्रिएट मनी ठीक है एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जब भी डेफिसिट होता है या तो हमारी सरकार किसी से उधार ले सकती है बॉन्ड्स क्रिएट कर सकती है या फिर खुद ही क्यों करेंसी प्रिंट करते तो यहाँ पे यही है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी करेंसी खुद भी वो प्रिंट कर सकती है जिससे कि वो जो डेफिसिट जो अमाउंट है वो वो उसको फुलफिल किया जा सके ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास द गवर्नमेंट डज नॉट ऑलवेज ट्राई टू सेव ठीक है तो गवर्नमेंट क्या होती है भाई साहब उसको कुतुबीना तो बनाना नहीं है और ना उसको ताजमहल बनाना है तो अल्टीमेटली करती क्या है वो सरकार जो होती कभी भी सेफ करने के मूड से नहीं होती सरकार ये सोचती कि मैं कैसे एसेट्स क्रिएट कर सकू मैं एक कैश काउ जनरेट कर सकू मेरे को वाइट एलिफेंट नहीं बनाना कैश काउ टर्मोलॉजी होती है कि इकोनॉमिक्स uh, में ठीक है तो कैश काउ हमें जनरेट करना हमें एक ऐसा एसेट्स बनाना है देश के लिए अपनी सरकार के लिए कि वो हमको और कमा के दे ठीक है हमें कमा के दे मेरे को बचाना नहीं है या मैं घर लेके थोड़ी जाएगा तो जब भी मैं घर लेके नहीं जाएगा तो मैं बचा के भी क्या करेगा तो मेरे को एक खर्चा करना ठीक है क्योंकि भाई सरकार के पास सिर्फ पांच साल होते हैं आप पांच साल देख लो क्या कर रहे हो ठीक है अगर आपने पांच साल काम कर लिया अच्छी बात है अगर पार साल आपने काम नहीं किया तो फिर मसला हो जाएगा यार ठीक है तो ये चीज हमको देखना पड़ता है कि अल्टीमेटली जो सरकार के पास जो चल रहा होता है ठीक है कि जो उसको कैश काउस बनाने थीके? उसको एसेट्स क्रिएट करने जिससे कि वहां पे उसको वो रेवेन्यू जनरेट हो सके समझ में वो बचाने बचाने में नहीं फोकस करती है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज रेलिवेंट फॉर द गवर्नमेंट ठीक है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो रेलिवेंट नहीं होता सपोज आपकी किताब में जो दिया हुआ है कि एक इंडिविजुअल है उसने कुछ खरीदा तो कोई भी चीज अगर वो खरीदेगा तो उसका जो प्राइस है और जो वो कमिटी है उसका रेशियो रहेगा ना उसने एक पेन खरीद लिया मान लो पांच रुपए का पेन खरीदा ठीक भाई जस्टिफाई करता है रेशियो हाँ, है है पांच चल जाएगा अब अगर तुम कहते भाई का पेन खरीदा तो भाई कौन सा पेन है यार पांच सौ रुपए का मतलब हीरा मोती लगा हुआ है क्या उसमें नहीं जस्टिफाई कर रहा है ना ठीक है मैं कहता हूँ भाई मैंने एक लाख रुपए की चॉकलेट खाई अरे यार ये कैसे हो जाएगा ये एक लाख रुपए की चॉकलेट ऐसे कैसे हो जाएगा जस्टिफाई नहीं कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे जो सरकार होता है वो अपने जो प्रायोरिटीज होती है वो डिटरमाइन नहीं कर पाती है समझ रहे हो भाई यहाँ पे तो इंडिविजुअल है 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 वो क्या कर रहा है? कि उसको है कि उसका जो प्राइस है और जो उसका जो कमिटी है वो उसको देख के मतलब करना पड़ेगा कि हाँ भाई सब ऐसा चलता है ठीक है या इतने का जो कमिटी है वो उसके जस्टिफाई कर रहा है लेकिन सरकार को नहीं कर रहा होता है सरकार को लगता है कि अगर ये हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है एक्स वाइजेट इंपॉर्टेंट है तो हम एक्स बनाएंगे। अगर एबीसी इंपॉर्टेंट हमारे है, तो हम एबीसी बनाएंगे ठीक हाल ही मैटर्स कितना ही पैसा लग रहा है ठीक है चीज अच्छी होनी चाहिए इसीलिए तो हम लोग जाते हैं सरकारी स्कूल के टीचर्स सरकारी स्कूल में पढ़ाना तो चाहता है ठीक है लेकिन कोई अपने सरकारी बच्चों को वहां पर पढ़ाना नहीं चाहता ठीक है द रीजन इज दैट कि वहां पे अगर जब सरकार को ये लगता है कि भाई जब एजुकेशन हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उसको उन्होंने एक बिजनेस बना दिया है और एजुकेशन इतनी ऊपर लेके आए लेकिन उसका फीस भी तो बहुत ऊपर लेके आए यार जब पैसा वैसा इतना ऊपर ले गए तो क्या कर रहा है तो बच्चे नहीं पढ़ पा रहा है तो सरकार गवर्नमेंट स्कूल लेकर के जिससे कि जो गरीब आदमी का जो बच्चा है वो भी पढ़ लिख सके गेटिंग पॉइंट तो ये सारी चीजें टॉपिक है हमारे पास अ कंपलशन इन पेमेंट्स ठीक है अब कंपल्शन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जैसे आपको मालूम है कि हम लोग एक रुपए की चीज लें और चाहे एक लाख रुपए की चीज लें हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है तो मतलब देना पड़ता है इट इज अवर ड्यूटी ठीक है अगर हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो हमारी सरकार कैसे चलेगी नहीं चल पाएगी लेकिन ये जरूरी नहीं होता है प्राइवेट के केस में अब प्राइवेट वाला ये नहीं बोल सकता कि नहीं भैया हमको तुम्हें दस रुपए देना ही पड़ेगा समझे बाबा तो ये नहीं हो सकता तो जो टैक्स होता है वो कंपल्शन है कि वो हमें देना ही पड़ेगा दैट इज अ लीगल ठीक है लेकिन आप कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नहीं बोल सकता कोई इंडिविजुअल या ग्रुप नहीं बोल सकता कि नहीं तुमको हमें भी टैक्स देना पड़ेगा वो इलीगल है आप किसी इंडिविजुअल को या किसी भी प्राइवेट एंटिटी को आप टैक्स नहीं दे सकते ठीक है ये चीज है नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग रन इंपैक्ट ठीक है ये भी हमको मालूम है कि जब सरकार कोई काम करती है तो उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है जैसे हमने कहा कि भाई साहब एक पुल बनाने में हजार करोड़ रुपए लगा लेकिन अब तुम्हें क्या मालूम कि उस हजार करोड़ की भरपाई हमारे पास पचास साल में होगी अस्सी साल में होगी सौ साल में डेढ़ सौ साल में लेकिन होगी जरूर कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जैसे मान लो कि ट्रेन बन रहा है मेट्रो बन रही है शहर मेट्रो बनती है हम कह रहे भाई साहब उसमें लग रहा पचास हजार करोड़ रुपया लगा ठीक है अब पचास हजार करोड़ रुपया लगा हम अब कस्टमर से कितना लेगा कितना लेगा बीस रुपया पच्चीस रुपया ये तो किराया लेगा अब पचास हजार करोड़ है अब समझ जाओ कि वो पैसा कितने साल में लगेगा निकलेगा निक पचास साल में सौ साल में सौ साल में निकलेगा लेकिन सौ साल बाद भी तो मेट्रो चलती रहेगी जब उसके सौ साल के बाद चलेगी तब जाकर के सरकार का वो बेनिफिट होने लग जाएगा तब उसको उस वहां पर प्रॉफिट होगा समझ में तो ये चीजें नेक्स्ट है हमारे पास अ नेचर ऑफ बजट ठीक है अब नेचर ऑफ बजट हमारे पास क्या बोल रहा है कि यार ये सरकार की ड्यूटी है तो सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूटी के सही है सर उसकी सरकार को हमारे लिए काम करना पड़ेगा तो जब हमारे लिए काम करना पड़ेगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि सरकार के पास इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होती हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं बचता है वो डेफिसिट में ही रहती है हमेशा लेकिन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं हम और आप जैसे लोग कौन होते हैं अगर मेरी एक लाख रुपए सैलरी है तो हम एक लाख से कमी तो खर्चा करेंगे हम ये सोचेंगे ना कि हम उस एक लाख में से भी हम कुछ बचा लें कुछ सेव कर ले भविष्य के लिए फ्यूचर के लिए तो मतलब शायद को एक लाख मैंने फिफ्टी थाउजेंड ही खर्चा किया या सिक्सटी थाउजेंड ही खर्चा किया बाकी पास पैसा मैंने बचा लिया तो जो पब्लिक का जो बजट होता है वो हमारा सभी लोग को मालूम होता है लेकिन प्राइवेट का तो आप छुपा सकते हो नहीं कर सकते हो ठीक है 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 ना 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 बताओ बताओ भैया लेकिन जो सरकारी जो 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 सरकारी बजट बजट आता आता फाइनेंशियल ईयर में वो तो हर एक इंसान को मालूम होता है कि सरकार मेरे लिए क्या लेकर के आएगी कि वो किसका पैसा होता है वो टैक्स पेयर का पैसा होता है एंड टैक्स पेयर है कंप्लीट राइट टू नो दैट वेयर हिज और हर मनी इज बिंग यूटिलाइज और चैनलाइज अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज द पब्लिक रेवेन्यू ठीक है अब पब्लिक रेवेन्यू हमारे पास तीन टाइप में होता है दैट इज द पब्लिक रेवेन्यू हाँ पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेप्थ ठीक है तो अब यहाँ पे हम लोग इनके बारे में देखने वाले हैं कि जो पब्लिक का जो रेवेन्यू है जो सरकार का जो स्टेट का जो रेवेन्यू है वो हमारे तक कैसे आ रहा है ठीक है या वो अपना जो कमाई है वो कैसे कर रही है ठीक है मतलब हमारे मतलब सरकार ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कि सोर्सेज ऑफ टाइप्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू तो यहाँ पे सबसे पहला टैक्स रेवेन्यू एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू ठीक है टैक्स रेवेन्यू हम लोग बात कर ही चुके हैं जहां पे सरकार टैक्सेस लगा लगा कर हमारा कचूमर निकाल देती है ठीक है ये टैक्स वो टैक्स फलाना टैक्स ढिकाना टैक्स इनकम टैक्स लहसुन टैक्स चटनी टैक्स तो जितने भी हमारे पास जो टैक्स पड़ते हैं वो हमारे पास क्या होता है डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जो हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं ठीक है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हमारा टैक्स के रूप में ही आता है अब चीजें क्या होती है जब नॉन टैक्स के बारे में आती है जैसे मान लो कि आपने कोई चीज डिफॉल्ट कर दी या कुछ फाइन हो गया या कुछ पेनल्टी लग गई आपको या एक्स्ट्रा कुछ चार्ज जब आपको चार्ज देने पड़ते तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू ठीक है कि आपने कोई गलती कर दी तो उसका भाई फाइन लग गया तो उसमें हम क्या करें नॉन टैक्स रेवेन्यू ठीक है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो सरकार का एक स्पेसिफिक है कि उतना तो उसको चाहिए चाहिए वो तो आएगा ही आएगा वो तो हमें देने ही देना है लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो उतना फिक्स नहीं रहता ठीक है वो वेरिएट करता था जब आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तब आपका चालान कटेगा रेड लाइट क्रॉस नहीं करोगे तो चलान नहीं कटेगा ठीक है ये चीजें क्या दिया हुआ यहां पे देखते हैं कि द टैक्स टैक्स रेवेन्यू में पहले देखते हैं कि द दॉरी द रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट अर्न बाय इंपोजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस से द इनकम टैक्स टैक्स सेल्स टैक्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज एंड सो ऑन अपॉन द इनकम दैलर और द सेलर और द प्रोड्यूसर कैन बी कंसिडर्ड एज द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है ये है अब नॉन टैक्स हमारे पास क्या बोल रहा है कि द रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्सेस कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर इंस्टांस कि द रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस एंड द फाइंस ठीक है फीस एंड फाइंस के बारे में अभी हमने बताया कि भाई साहब कुछ भी हो अगर आपने कुछ नुकसान कर दिया है या फीस है आपकी या आपने कुछ फाइन वगैरह दिया है तो वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा ठीक है फीस एंड फाइंस इज द लाइसेंस फीस फाइंस फॉर द वॉल्यूशन ऑफ द ट्रैफिक रूल्स एक्सेट्रा प्रॉफिट अर्न बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन रेलवेज एंड सो ऑन तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारी जो सरकार होती है ज्यादातर वो चीजें देखो हमारे वेलफेयर के लिए ही करती है ठीक है तो अगर उसे कुछ मुनाफा हो रहा होता है तो सरकार को मुनाफा नहीं हो रहा तो बस सरकार ये चाहती है कि उसकी जो सर्विसेस है वो एक गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचे समझ लो कि मतलब ये नहीं होता कि मतलब सरकार या सरकार हमारी जो गवर्नमेंट है ना हमारा जो देश है, है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है ठीक है हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है मतलब हम लोगों ने अपने नेताओं को चुन के भेजा हुआ है ठीक है हम लोगों ने उनका इलेक्शन किया हुआ है ठीक है अब जो जो सरकार होती है वो यही सोचेगी ना कि यार जो हमारी जो सुख सुविधाएं हैं वो गरीब आदमी तक भी पहुंचे सिर्फ अमीर आदमी या कुछ चंद जो लोग हैं वही उस चीज का फायदा ना उठाए एक गरीब तबके तक वो चीजें पहुंचे मतलब कि एक लास्ट इंसान तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए तो ये सारी चीजें अब यहां पे क्या दिया हुआ कि वी शैल नाउ द द द द डिस्कस सोर्सेज ऑफ ऑफ टैक्स टैक्स एंड नॉन रेवेन्यू गवर्नमेंट तो अब हम लोग देखते हैं है, भैया तो सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारे पास टैक्स ठीक है तो ये क्या बोला टैक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड इट इज अमाउंट ऑफ द मनी दैट द गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम द फ्रामजन ऑफ द कंट्री फॉर द पर्पज ठीक है सरकार के पास जो इनकम आती है वो लिटरली वो टैक्स ही होती है और टैक्स एक उसका पास एक मेजर कलेक्शन होता है ठीक है तो आप ये मान के चलो कि अगर हम लोग टैक्स दे रहे तो सरकार चल रही है और अगर हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो सरकार नहीं चलेगी सिंपल इज एज सिंपल इज ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड टॉपिक रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ठीक है तो अब जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज का रेवेन्यू क्या क्या है कहाँ से उसके पास पैसा आ रहा है हम, हमने एक वर्ड uh, यूज किया था व्हाइट एलिफेंट एंड कैश काउस ठीक है व्हाइट एलिफेंट क्या होता है व्हाइट एलिफेंट मतलब ये होता है कि वो सिर्फ है तो लेकिन वो हमको मुनाफा नहीं दे रहा है ठीक है जैसा होता तो है ना हाथी बड़ा हो जाता है लेकिन मोटा होता है मतलब हाथ हो रहा है लेकिन वो हमें मुनाफा कुछ नहीं दे रहा ठीक है कैश काउस क्या होती है वो गवर्नमेंट की एसेट्स वो गवर्नमेंट की एसेट्स जो आ, क्या बोलते हैं कि जो एसेट जो है वो गवर्नमेंट को कमाके भी दे रहा है ठीक है जैसे कि भारत पेट्रोलियम बेल सेल गेल जितने भी हैं ठीक है थीके? तो ये गवर्नमेंट को कमा के दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू एक सरकार को दे रहे हैं तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा कि आपका कैश काउस हो जाएंगे ठीक है तो इसी में आता है क्या दिया हुआ है इसमें कि इट इज अस्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट ऑफ एन एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी द गवर्नमेंट इनकम ठीक है तो उनसे जो रेवेन्यू मिलेगा भाई साहब अगर आपने मान लो कोई एक सौ रुपए या नब्बे रुपए प्रोडक्ट था ठीक है अब उस नब्बे रुपए के प्रोडक्ट में नाइन्टी रुपीज के प्रोडक्ट में आपने टैक्स लगा दिया तो टैक्स लग के वो चीज होगी इस पर सौ रुपए की तो अब हुआ क्या कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन या जितनी ज्यादा आप सर्विसेज दोगे तो सरकार को तो मुनाफा उतना ज्यादा होगा ना ठीक हो है भाई टैक्स दे रहे हो ना ठीक तो आपने क्या किया आप टैक्स दे रहे हो ये चीज hmm? तो वही जो सरकार की जो इनकम होती है वही हो जाती है तो क्या बोल रहा है कि दिस ट्रीटेड कॉमर्शियल रेवेन्यू ऑफ़ गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस इन इंडिया देयर आर सेवरल लार्ज एंड लार्ज स्टील प्लांट्स अंडर द पब्लिक ओनरशिप एंड मैनेजमेंट द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग दिस स्टील इज इनकम फॉर द गवर्नमेंट अगेन द रेलवे इन इंडिया आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ठीक है वो सरकार की है लेकिन द गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू बाय सेलिंग रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ठीक है वो सर्विसेज देती है ये थोड़ी बोलती भाई साहब ये सीट हमने आपको तीन सौ रुपए में दे दी जो घर भी लेके चले आना उसको निकाल के लेके घर चले आना ऐसा होता है क्या ऐसा थोड़ी तो ना होता है यार ठीक है ये चीज है

नेक्स्ट हमारे पास डेफिसिट बजट अभी बस डिस्कस किया है ये क्या होता है जब हमारी सरकार नुकसान में चल रही होती है या जब उसके पास लॉसेस हो रहे होते हैं ठीक है और उसकी भी एक लिमिट होती है ध्यान रखना ये नहीं कि मतलब हिसाब लिमिट मतलब आप नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हो कोई आपसे सवाल नहीं पूछ रहा ये भी नहीं होना चाहिए हुँ? क्या बोल रहा है इसमें कि इफ द गवर्नमेंट से प्रपोज एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द एंटीसिपेटेड इनकम ठीक है एक्सपेंडिचर जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं राधर देन इनकम ठीक है मतलब खर्चे आप कर रहे हो दो सौ रुपया इनकम है आपके पास डेढ़ सौ रुपए की सौ रुपए की तो ये चीज ठीक है सो दैट दर इज डेफिसिट इन द गवर्ट बजट इन डेफिसिट बजट इज ऑल्सो ऑफ़ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज दिस गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इज नो अदर वे ऑफ मेकिंग इट ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू प्रिंट न्यू मनी ठीक है ये भी हमने बताया था कि अगर सरकार के पास अगर वो अरेंज नहीं कर पाती जैसे पब्लिक बॉलोइ हो गया अगर तब भी उसके पास पैसा उतने नहीं हो पाते हैं तो वो क्या करेगी नोट प्रिंट कर देगी नोट प्रिंट करके उसी को चलाएगी फिर इकोनॉमी में ठीक है नेक्स्ट हमारे पास फॉरन एड अब यहां पे फॉरन एड क्या बोल रहा है कि द गवर्नमेंट में ऑल्सो अन रेवेन्यू फॉर द फॉरन एड जिसे हम लोग कहते हैं ना एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है तो वहां से हमारे पास विदेश से पैसा आता है हमारी सरकार मतलब लेती है उधार भी लेती है बहुत बार कभी जापान से ले लिया कभी यूएसए से ले लिया कभी किसी से ले लिया मान लो मेट्रो बन रही है या कोई बुलेट ट्रेन बन रही है तो बुलेट ट्रेन तो आई नहीं मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ ठीक है मतलब क्या जो मतलब कोई भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो हमारी सरकार कभी एक लाख करोड़ कभी पचास हजार करोड़ ले लेती है तो उसका शायद पॉइंट वन परसेंट या वन परसेंट ब्याज पे ले लिया तो वो हमारा उसमें आता है ठीक है क्या बोला है? फॉर में द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न रेवेन्यू फॉरेन एड एड गिवेन टू दिस कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज काउंटेड एज एन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ठीक है यहां पे आ जाएगा तो फॉरन एड कैन बी टू टाइम्स ग्रांट एंड द लोन्स लोन्स ठीक है हैव टू बी आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल एंड ग्रांट्स डू नॉट हैव टू बी ठीक है तो लोन भैया अगर आपने लिया तो, तो आपको देना पड़ेगा चाहे आप वर्ल्ड बैंक से ले लो चाहे आप आई से ले लो चाहे आप यूएस से ले लो चाहे आप चाइना से ले लो चाहे आप जापान से ले लो, से लो, लो किसी से भी ले लो ठीक है लोन अगर आपने लिया तो आपको देना पड़ेगा वो भी ब्याज के साथ ठीक है लेकिन अगर आपने ग्रांट दिया तो शायद वो नॉन नॉनपेबल होता है आप नहीं भी दोगे तो भी चल जाए मतलब सेवा कर दी अब यार अफ्रीका में अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बुके न की कंट्रीज है मतलब वहां पे तो लोग सरकार तो छोड़ो मतलब वहां पे लोग ही ऐसे मतलब वहां पे बहुत ही गरीबी है तो अब आप ये बताओ जो पहले से इतना गरीब है अगर आप उसकी फाइनेंशियल कुछ हेल्प करोगे तो क्या वो आपको वापस रिटर्न पैसा दे पाएगा लिटरली नहीं दे पाएगा ठीक है जब नहीं दे पाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा जब वो नहीं दे पाएगा पैसा तो अल्टीमेटली आप भैया यही कर पाओगे भैया चलो मदद ही कर, कर दो यार हम नहीं हर समय जो मॉटरी जो बेनिफिट होता है हम लोग वो नहीं उठा पाएंगे ठीक है कोई बात नहीं अरे हजार रुपये ना सही दो हजार रुपये ना सही दस हजार रुपये ना सही दे दिया ठीक है यार तो रखा इसको ठीक है ये चीज हम्म नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द टैक्सेस ठीक है taxes, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है देखो नेचर मतलब क्या होता है भाई हमारे पास जब टैक्स वगैरह आएगा हम लोग तभी उस टैक्स को यूज कर पाएंगे और जब हम लोग टैक्स देंगे तभी हमें अच्छी सड़कें मिल पाएंगी जब हम लोग टैक्स देंगे तभी हमें सरकारी बैंक मिल पाएंगे जब हम लोग टैक्स देंगे, देंगे तो हमें जितनी भी जो पब्लिक की जो आ, सारी सर्विसेस वगैरह होती है वो हमें मिल सकती है ठीक है बशर्ते हमें टैक्स देना पड़ेगा और एक रेगुलर इंटरवल में देना पड़ेगा ठीक है हर एक चीज पे टैक्स हर एक एक चीज पे ठीक है देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ टैक्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इट विल बी एप्रोप्रिएट टू हैव अ सेपरेट ब्रीफ डिस्कशन ठीक है ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द टैक्सेस तो क्या बोला डेफिनेशन दिया हुआ है कि अ टैक्स इज डिफाइंड एज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री टू द स्टेट ठीक वो तो सिटीजन को देनी पड़ती है सिटीजन भी हो सकता है या जो फॉरेन नेशनलिटीज भी आते हैं जो विदेश से जो लोग आते हैं वो भी हमें टैक्स दे तो देंगे ही देंगे ना द रीजन इज उनसे टैक्स जबकि ज्यादा लिया जाता है ठीक है यार अगर किसी भी कंट्री में आगे मान लो कि यूएस से अगर हमारे इंडिया में आया तो वो डॉलर थोड़ी चलाएगा वो तो रुपए चलाएगा ना ये चीज एंड द स्टेट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन ऑन द दिटीजन इन ऑर्डर टू कवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ठीक है ये चीजें तो नेचर क्या बोल रहा है? कि पहला आता है हमारे पास कंपलसरी पेमेंट ठीक है? है तो इसमें आता भाई साहब कंपलसरी पेमेंट है मतलब ये ऑप्शनल नहीं है कि भाई साहब मैं नहीं दूंगा टैक्स मैं छोटा मैं बड़ा हूं भाई साहब अगर ये बताओ छोटे बच्चों का खिलौना लेने हो टैक्स नहीं दोगे दोगे अभी बच्चों खिलौना तो बहुत मार्जिन होता है ठीक है अब बड़ों के लिए अब कार लेने आए हो लग्जरी कार लेने आए हो तो क्या टैक्स नहीं दोगे उसमें भी दोगे तो छोटे के छोटे बच्च, बच्चों के खिलौने से लेकर के बड़े लोगों के कार तक हर एक चीज में टैक्स है हर एक चीज में टैक्स है मतलब कि एक सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक हर एक चीज में टैक्स है बिना आप बिना टैक्स के तो कोई चीज खरीद ही नहीं सकते ठीक है ठीके? ये चीजें एंड नॉट एन एक्सचेंज रिलेशनशिप ठीक है ये क्या है कि टैक्स डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज रिलेशनशिप ऑल दो टैक्स इन ऑर्डर टू कवर द द एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग गवर्नमेंट देर इज नो स्पेसिफिक प्रॉमिस गिवेन बाय द स्टेट एज टू द बेनिफिट्स दैट द सिटीजन में एक्सपेक्ट इन रिटर्न ठीक है अब ये जरूरी नहीं कि हम आपको रिटर्न दे ही पाए जैसे कि हमने मान लो कि सब्सिडी दे दी गैस की ठीक है लेकिन अब सरकार ने कहा ऐसा है गुरु कि जिसकी जो सालाना इनकम है जिसकी सालाना इनकम दस लाख से ऊपर की है हम उसको सब्सिडी नहीं देंगे यार अब जिसकी इनकम ही दस लाख की है साल की तो क्या वो गरीब है इंसान नहीं है ना तो यार सब्सिडी की जरूरत किसको है गरीब इंसान को है कि अमीर इंसान को है तो सरकार ने कहा कि अब तुम ये मुंह आ बैठे रहो कि नहीं हम तुमको सब्सिडी देंगे और हम अब कमाई एक एक करोड़ की दस दस लाख की बीस बीस लाख की लेकिन भैया बीपीएल का राशन लेंगे जो सरकार फ्री गल्ला देती है हम वो लेंगे तो क्या उसका उस चीज का कोई फायदा ठीक है यार वो सारी चीजें तो उन लोगों के लिए है ना जिनके पास वो चार सारी सुविधाएं नहीं है जब सुविधाएं नहीं है तभी ना तो सरकार उनके लिए काम कर रही है बाकी आप लोगों के लिए तो कॉर्पोरेट बैठा ही हुआ है ठीक है ये चीजें नेक्स्ट हमारे पास नो फिक्स्ड बेसिस ऑफ टैक्सेशन ठीक है क्या बोला द स्टेट कैन इंपोज टैक्सेस ऑन एनी बेसिस एंड दस इनकम टैक्स आर इंपोज ऑन द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम द हायर इज द पर्सन इनकम द लार्जर इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम हिम बाय द स्टेट ठीक है जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा मान लो इनकम एक करोड़ टैक्स स्लैप थर्टी थर्टी परसेंट इनकम कितनी होगा आपकी सेवेंटी ठीक है तो इसका मतलब अगर सेवेंटी लैख आपके पास आएगा और थर्टी लैख जो आपका हार्ड एंड मनी है वो आप टैक्स के रूप में सरकार को दोगे ये होता है और इनकम टैक्स का अलग अलग स्लैब्स होते हैं वो अभी आपका उस पर कोर्स में नहीं है वो आप, आप बाद में पढ़ोगे

इस स्टेट बताएगा आपको ठीक है ऐसा करके नेक्स्ट आता है पर्पज एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेशन ठीक है इसका पर्पज क्या है टैक्स का क्या पर्पज है कि सरकार अच्छे से चल पाए अमीर लोगों से पैसा लेकर के हम लोग गरीब लोगों में बांट सके मतलब चीज सर्विसेज दे, सके उनको हम्म तो अगर कोई अगर अच्छे से इनकम कमा रहा है और जिसके पास पैसा नहीं जिसके पास खाने का एक जगह खाना भी नहीं है तो हम लोग उसको खाना दे सके सर्विसेज दे सके जहां पे जहां तक जो आ, सरकार है हेल्प कर सकती गरीबों की वो करे ऐसा हो सकता है तो पहला हमारे पास जनरेट से रेवेन्यू फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंटल प्रोग्राम ठीक है तो जितने भी जो डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम होते हैं विकास कार्य विकास विकास कार्य जितने भी होते हैं ना विकास कार्य तो विकास कार्य सरकार को करना पड़ता है सरकार को बनाना पड़ता है रोड बनाना पड़ता है एंड हॉस्पिटल्स बनाने पड़ते हैं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है स्कूल बनाने पड़ते हैं बाकी सारी भी चीजें होती है वो सरकार को देखनी पड़ती है तो जब वो होता है जब उसके पास टैक्सेशन आएगा तभी ना तो वो सारे जितने भी वो टैक्स कार विकास कर पाएगी ठीक है ऐसा करके विकास मतलब ऐसा नहीं है यार कि ये लोग ना मेरे को गुस्सा लगती है क्यों सरकार ऐसा नहीं होता यार की सड़क सड़क जो है एक बार अगर आप लोहा बना दो यार उसको खोदने की जरूरत पड़े मतलब एक चीज सोचो यहाँ पे टैक्स पेयर का पैसा बहुत बर्बाद होता है इंडिया में तो बहुत ही बर्बाद होता है टैक्स पेयर का पैसा ऐसे बर्बाद होता है सड़क बनी किसके टैक्स पेयर के पैसे से सड़क खोदी किसके पैसे से टैक्स पेयर के पैसे से सड़क दोबारा किसके पैसे से बनी टैक्स पेयर के पैसा सड़क एक बार बना देते हैं अरे यार नाली बनाना तो भूल गया यार खोदो 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 सड़क खोदो फिर खोद फिर जब सड़क फिर वापस बना दी अरे यार केबल डालनी थी हमको ये लो केबल डालना तो हम भूल ही गए वापस से फिर सड़क खोदो फिर सड़क बनाए गए फिर सड़क जब बन गई जब पूरी बन गई तब यह आता है यार सीवर लाइन तो यार डालने थे यार वो भी नहीं डाली क्या तुमने अरे फिर खोदो चलो मतलब जितनी बार खोदी जाती है जितनी बार बनाई जाती है तो उसमें टैक्स पेयर का पैसे तो जा रहा होता है ठीक है तो एक लगता है ना कि यार जितना भी हार्ड एंड मनी हम लोग अपने जो हार्ड एंड मनी जो होता है सरकार को जब दे रहे होते हैं सरकार हमारे पैसे को ऐसे यूज कर रही होती है जितने नहीं करना चाहिए गंदी बात चलो खैर इतना आ गया ठीक है डेवलपमेंटल प्रोग्राम वगैरह होते हैं जितने भी हम लोग करते हैं ब्रिजेस वगैरह हॉस्पिटल्स एजुकेशन एड़, जितने भी चीजें होते हैं हम लोग कर सकते हैं सेकंड पॉइंट है कि फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रनिंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन स्मूथ वे ठीक है तो भाई किसी भी चीज को चलाने के लिए उसको क्या चाहिए होता है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है और सरकार आराम से चले जैसे आपका घर चलता है कैसे जब आपके घर के जो एल्डर्स है जब वो अच्छे से अर्निंग कर रहे होंगे जब वो कमा रहे होंगे तभी तो आपका घर चल पाएगा ना ठीक है आपकी जितनी भी इच्छाएं वगैरह है वो पूरी हो सकती है आपके स्कूल की फीस आपका घर का राशन सब कुछ होगा तो पैसा होगा तभी ना तो हो पाएगा बिना पैसे कैसे हो जाएगा यार ठीक है ये चीजें नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट टू ठीक है अब जो नए नए जो आंटरप्रेन्य होते हैं अब उनको भी एंकरेजमेंट मिलता है ठीक है कि भाई साहब वो वो भी भी आएंगे और वो भी अपना जो एंड से अपने एंड से जो भी वो कंट्रीब्यूशन वो जो भी कुछ देना चाहे वो आराम से वो दे सकते हैं ठीक है तो क्या दिया हुआ इसमें कि द गवर्नमेंट ऑफ एन प्रोवाइड्स टैक्स रिलीफ टू द दिन फॉर एंकरेजिंग दम टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूस एंड द एक्सपेंशन ऑफ कहते अच्छा प्रोड्यूस मोर ऑफ एनी कमोडिटी द सच अ पॉलिसी कैन हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड बिजनेस इन एनी कंट्री इन दिस वे टैक्सेस कैन बी यूज बाई द गवर्नमेंट टू प्रमोट एन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री ठीक है ये बता दिया द सोशल जस्टिस ठीक है ये सोशल जस्टिस भी होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार वो इंसान के पास ए सी का खरीदने का टिकट का पैसा नहीं है तो वो मुंबई वो डेली से लखनऊ नहीं आ सकता ठीक है कोई बात नहीं भाई अगर जिस ट्रेन से आप आ रहे हो आपके पास एक एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट है आपके पास फर्स्ट एसी का टिकट है तो अगर उसके पास पैसा नहीं तो यार वो जनरल में आ जाएगा ठीक है तो कम से कम एक वो तो नहीं होना चाहिए ना भाई ट्रेन है ही है बस कोचेस अलग अलग है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी तो सोशल जस्टिस करना पड़ेगा अगर कोई अगर आप यह कहो सिर्फ फर्स्ट एसी का ही हम लोग डिब्बा चलाएंगे इस पूरी ट्रेन में होगा तो क्या ये गरीब लोगों के लिए क्या जस्टिस है बिल्कुल भी नहीं जैसे मतलब कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है ये जस्टिस हो गया ठीक है कभी कोई केस लेट रहा है उसको केस में या कोई अगर उसने कोर्ट में कोई केस किया हुआ है वो सिर्फ केस इसलिए हार जाए कि वो गरीब है ये जस्टिस नहीं है तो इसका भी सरकार उपाय थे कि भाई साहब हम आपको फ्री एड देंगे और फ्री लॉयर देंगे ठीक है आप अपना केस खुद लड़िए उस इंसान को जस्टिस ना मिल पाए सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है ये अपने आप में इनजस्टिस है ठीक है तो सरकार हर एक चीज जो होती है वो इंश्योर करती है कि हमारा जो सिटीजन है उसको हर एक तरह से हम प्रोटेक्शन दे सके ठीक है ये चीजें नेक्स्ट क्या बोला कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द इन डिजायर्ड डायरेक्शन ठीक है तो जितना भी सरकार के पास पैसा आता है जितना भी जो रेवेन्यू होता है अब सरकार ये सोचती है कि भाई हम इस डिपार्टमेंट में फला डिपार्टमेंट फला डिपार्टमेंट में इतना 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 फला 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 हम इन्वेस्ट करेंगे तो जब वो इन्वेस्ट करते जब उसको लगता है कि नहीं मेरे पास हम, हमारे लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट तो हेल्थ के सेक्टर में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हेल्थ पर यह कर दो अब लगता है कि हमारे पास नहीं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम एजुकेशन भी कर देंगे तो सरकार का जो बजट होता है वो आपका एलोकेट होता रहता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ द कंजन गुड्स इन डिजायर जो प्रोडक्शन ऑफ गुड इन डिजायर तो क्या उस क्वांटिटी में उस प्रोडक्शन हो रहा है उस गुड का जैसे कंजम्पन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है क्या दिया हुआ इसमें कि समटाइम्स द टैक्सेशन पॉलिसी कैन बी यूज फॉर कवरिंग द कंजम्पन ऑफ सोशली हार्म गुड्स जैसे कि uh, सीगार हो गया ठीक है दस मोर टैक्सेस आर इम्पोज ऑन द कंजन ऑफ दिस गुड ठीक है पार मसाला गुटखा तंबाकू खैनी चैनी बीड़ी सिगरेट तो ये सब क्या होता है जब तुमको मालूम है भाई साहब इसमें दारू अल्कोहल ठीक है इसमें उनकी जान जा सकती है ये हमारे लिए नुकसानदायक है तभी इसको सरकार डिस्करेज करने के लिए इस पर टैक्स ज्यादा लगाती है टैक्स ज्यादा लगाएगी तो लोगों का खर्चा ज्यादा हो तो लोग इसको पीना कम करेंगे ठीक है अभी कहोगे सर ये फिर सरकार बंदी क्यों नहीं करती है बंद नहीं कर सकती ना यार ठीक है कुछ लोग होते हैं उनको चाहिए होता है और ये जो होता है स्मोकिंग एंड द चुइंग ऑफ स्मोकिंग एंड चुइंग ऑफ पान मसाला ये अल्टीमेटली क्या होता है इससे सरकार की बहुत एक बड़ी अमाउंट की इनकम होती है ठीक है ये चीजें मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री ठीक है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमारी कंट्री की बनी हुई हमने पहले दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है पैसा चाहिए होता है बिना पैसे के हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो जब पैसा हमें हमारे पास होगा तभी ना तो हम लोग स्टेबल हो पाएंगे तभी ना तो हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो पाएगी तो मतलब ऐसा कौन सा भैया बैंक होता है बैंक के पास पैसा नहीं बैंक चल रहा है ऐसा होता है क्या बिल्कुल भी नहीं होता है ठीक है ये चीजें अब यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द टैक्स एंड अ फी ठीक है अब टैक्स और फी में मतलब फीस वगैरह जो होती है डिफरेंस क्या होता है ठीक है ये भी जरा देख लेते हैं टैक्स तो आप लोग समझ गए हो यार अभी कभी 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 भी डिफरेंस वगैरह पूछे कभी कुछ भी हो ना तो एक चीज ध्यान हो कम से कम एटलीस्ट एक या दो ही दो में डिफरेंस पूछता है तो कम से कम एक चीज तो आपको बहुत ही पर्टिकुलर क्लियर हो बहुत ही पर्टिकुलर ठीक है ऐसा इसलिए होना चाहिए कि जब एक चीज बहुत ही क्लियर होगी चीजें तब दूसरा आप आराम से उसको जस्टिफाई कर सकते हो दिमाग तो लगा सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके ठीक है तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अ फी कैन भी इंपोज नॉट ओनली बाय द स्टेट बट बाय बाय द एनी अथॉरिटी एंड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन बाय अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैन कलेक्ट एडमिशन फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स हाउएवर इट कैन नॉट इम्पोज अ टैक्स ऑन द स्टूडेंट ठीक है टैक्सेस आर द है वो टैक्स नहीं लगा टैक्स का अधिकार किसका है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का है आप फीस ले सकते हैं लेकिन जो टैक्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही लेगा या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी ही लेगी ठीक है इसलिए मतलब जो नेशन होता है या फिर जो स्टेट होगा यूपी बिहार वगैरह जैसे इसी में ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला सेकंड कि मोर ओवर अ फी इज नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट एनी मे रिफ्यूज टू पे अ फी ये भी बात है कि उसको वो रिफ्यूज कर भी सकते हो जो फी होता है लेकिन टैक्स रिफ्यूज नहीं कर सकते दिस यू यू हैव 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 टू 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 पे पे क्लियर ये चीज मोस्ट अ फी इज इम्पोर्टेंटली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ठीक है फॉर इंस्टेंस इफ द स्टूडेंट पे द एडमिशन फी ही गेट्स एडमिटेड इनटू द स्कूल ठीक है जब भैया स्कूल की फीस दोगे तभी आप जो है स्कूल में एडमिशन आपको मिलेगा ठीक है देर इज नो सच स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्टेट पर्पज इन द केस ऑफ अ टैक्स इफ इफ सॉरी क्या दिया है इफ अ सेल्स टैक्स इज इम्पोज ऑन द सेल ऑफ अ टी अ टी सेलर मस्ट पे द टैक्स विदाउट आसिंग वॉट बेनिफिट ही वुड गेट इन रिटर्न ऑफ और वॉट द गवर्नमेंट वुड डू ठीक है डू विथ द प्रोसीडर ऑफ द टैक्सेस ठीक है अगर जो सेल्स टैक्स है तो अगर आपके पास ऊपर उस पे लगा हुआ चाय पे तो फिर आपको ये बहस नहीं करनी चाहिए आपको कि क्या हो करेगी सरकार या हमारे लिए क्या करेगी नहीं भाई मैंने क्या कहा कि अगर वो चाय पे कमा रही है तो शायद कि वही पैसा वो रेलवे में लगा रही हो वही पैसा वो बीएसए में लगा रही हो वही पैसा वो जो है किसी हमारे हेल्थ में लगा रही हो तो पैसा हमारे पास आ रहा है भाई क्या होता है कि भैया हमारे लो, हम लोग काम करते मान लो कि मैं ही हूं ठीक है या कोई और भी है मान लो वो बैंक में जॉब कर रहा है अब बैंक में वो जॉब कर रहा है तो क्या वो खाना नहीं खाएगा तो भाई वो थोड़ा खाना जो है थोड़ा पैसा जो है वो खाने में लगा रहा है कुछ पैसा जो है अपने बच्चों के एजुकेशन पे लगाएगा कुछ जो है अपनी हेल्थ पे लगाएगा ठीक है तो ये सारी चीजें होती है कि क्या होता है ये अलग अलग चैनल्स होते हैं कि भाई आपके पास इनकम तो एक ही सोर्स से आ रही है लेकिन आप अपना जो सोर्स होता है अपना जो क्या बोलते हैं कि जो पैसा है वो अलग अलग जगह पे उसको इन्वेस्ट कर रहा हूं गेटिंग माई पॉइंट तो ये चीजें होती हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैनन्स ओ भाई साहब ये हाँ ये अच्छा टॉपिक है कैनन्स ठीक है और कैनन्स ऑफ टैक्सेशन ये क्या बोल रहे हैं कि कैन जैसे होता है ना कैन की भाई कैन कहते हैं मिसाइल है ना कैन दुलूम मिसाइल तो यहीं पे ही आ है कि कैन उसी वहीं से उसको वो जो वर्ड uh, है वो यूज किया गया है तो बोल रहा है कि वेन uh,

खैर टैक्स कौन का अच्छा होता है ठीक है तो इवन नाउ द टैक्स रिमेन्स द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ठीक है सिंपली यहाँ पे क्या गया जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो टैक्सेशन जो होता है वो किसी भी सरकार के लिए किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है द रीजन बिंग दैट कि जब टैक्स ही नहीं आप दोगे तो सरकार कैसे चलेगी और सरकार चलाना भी चाहिए तो सरकार क्या होती है सरकार भीग तो नहीं में आ सकती तो उसने एक पोषण रख दिया है कि अगर आप कोई सौ रुपए का चीज खरीदते हो तो आपको उसका दस परसेंट या पांच परसेंट आप उनको टैक्स देना पड़ेगा ठीक तो जब आपको टैक्स देना पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होता है आपको टैक्स दे रहे हो ठीक है अब उसी पांच रुपया से और आपकी सरकार चल रही है ठीक है अब आपने तो सिर्फ एक ही चीज खरीदी ना ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग रहते हैं उस कंट्री में ठीक है लाखों लोग रहते हैं अब लाखों लोग रहते, लो रहते हैं अब लाखों लोग रहते हैं अब बहुत सारे लोग रहते हैं अब कितने लोग रहते हैं अब आपके पास पैसा भी तो बहुत आएगा ना ठीक है तो आपको टैक्स ज्यादा नहीं करना चाहिए आपको टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए कि कितने ज्यादा लोगों को आप टैक्स के अंडर लेकर के आओ मतलब जितने ज्यादा लोग उतना कम टैक्स पर हेड ठीक है ये चीजें तो क्या होता है इसमें पहला पॉइंट है कि कैनस ऑफ एबिलिटी और इक्विटी ठीक है कैन ऑफ एबिलिटी और इक्विटी ये क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट शुड इम्पोज टैक्सेस इन सच अ वे दैट द पीपल हैव टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी कि मतलब जो गरीब आदमी वो कम से कम टैक्स दे और जो अमीर आदमी वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे जैसे कि इनकम टैक्स क्या होता है भाई साहब जिसके पास इनकम होती है नो इनकम नो टैक्स नो इनकम टैक्स ठीक है अब रिक्शा वाला इनकम टैक्स देगा हाड़ी मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर होता है जो मिस्त्री होता है वो क्या इनकम टैक्स देगा अरे बिल्कुल नहीं देगा यार कैसे दे देगा क्योंकि इनकम ही नहीं है उसकी तो यहाँ पे इक्विटी मतलब क्या होता है देखो इक्वालिटी मतलब क्या होता है इक्वालिटी मतलब सबको बराबर से देना कि अमीर हो चाहे गरीब हो आप सभी के ऊपर थर्टी परसेंट टैक्स लगा रहे हो तो वो तो चीजें नहीं होती कि भाई साहब मान लो जो गरीब इंसान है अगर वो दस हजार रुपये कमा रहा है जो लेबर है वो दस हजार रुपये कमा रहा है अब तुम उस पर थर्टी परसेंट टैक्स लगा दो तो तीन हजार तो तुम ही उससे ले ले रहे हो ठीक है लेकिन वही थर्टी परसेंट टैक्स तुम अमीरों पे भी लगा रहे हो मतलब कि अगर वो अगर एक करोड़ रुपए कमा रहा है तो आप थर्टी लाख ले रहे हो वो तो चल जाएगा चलो भाई उसकी इनकम है लेकिन गरीब आदमी के पास इनकम है है तो यहाँ पे आती इक्विटी ठीक है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे ज्यादा टैक्स लेंगे जिसके पास कम पैसा है उससे कम टैक्स लेंगे लेकिन लेंगे जरूर ठीक है ये चीज नेक्स्ट आता है कैरेंट ऑफ सर्टेनिटी ठीक है क्या बोल बोले कि द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट देर इज नो अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग द रेट ऑफ टैक्स और टाइम वेन द पेमेंट इज ड्यू ठीक है तो अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए ठीक है ये नहीं कि भैया दे ही नहीं रहे ठीक है तो अगर ड्यू है तो आपको देना पड़ेगा ठीक है सो पीपल विल बी ग्रेटली इनकन्वीनियंस्ड इनकन्वीनियंस्ट इफ द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एट आर्बिटरी डेट्स एंड एंड एट आर्बिटरी चूज एंड टाइम ठीक है मतलब गवर्नमेंट अब लोग विरोध भी तो करेंगे यार अब बहुत ज्यादा आप टैक्स ले रहे हो तो कोई इंसान कैसे ही दे पाएगा कम टैक्स ले रहे हो वो चल जाएगा ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए अब किसी से आप तुम कहोगे कि भाई ऐसा है तुमने दिन में कमाया हजार रुपया तो ऐसा पचास परसेंट हम टैक्स लेंगे साठ परसेंट टैक्स लेंगे तो भाई साहब फिर हम तुम्हें क्यों देते हैं अंग्रेजों को वापस बुला लेते हैं कि भाई वापस तुम आ जाओ और तुम्हें हमारे ऊपर फिर से राज कर लो ऐसे ही ना भाई बोलोग यही तो कर देते चालीस परसेंट पचास परसेंट ब्याज लेते थे टैक्स लेते थे मतलब जमींदारी लेते थे ठीक है तो वो चीजें क्या होती है वो चीजें यही होती है कि अल्टीमेटली आप इतना भी टैक्स मत लीजिए ले ले और अनटाइमली भी मत ले लीजिए ठीक है तो ये चीजें नेक्स्ट आता हमारे पास थर्ड टॉपिक है कि किस ऑफ कन्वीनियंस ठीक है कन्वीनियंस होना चाहिए जैसे कि क्या है कि द मैथड ऑफ कलेक्शन और टैक्सेस एंड द टाइमिंग ऑफ द टैक्स पेमेंट शुड बी सो कन्वीनियंस ऑफ दीपल ठीक है कि लोगों के हिसाब से लोगों को कन्वीनियंट रहे ये नहीं कि मतलब आप बहुत ज्यादा ले रहे हो और अनटाइमली uh, मतलब कि जैसे कि आपका हमारा फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च तक का यह मैं मालूम है लेकिन अब अग, अग, अगर आप बीच में ले ले, जो, ले क्या है आप अगर आप बीच में लेने ले ले लग जाओ जून में ले लो अक्टूबर में ले लो दिसंबर में ले लो तो मतलब जहां पे आपको टैक्स नहीं लेना चाहिए आप वहां पे ले रहे हो तो वो फिर वो प्रोडक्टिविटी जो होती है फिर वो आपके पास नहीं आ पाएगी क्या बोला की द मैथड ऑफ कलेक्शन टाइमिंग टैक्स पेमेंट शुड बी सो एज टू शूटीनियंस ऑफ दीपल ठीक है फॉर इंसटांस दैलिड पीपलियंट अरेन्ट इज टू डिडक्ट एन अमाउंट एवरी मंथ फ्रॉम देअर सैलरीज ठीक है एवरी मंथ आप उसे डिडक्ट कर लीजिए ठीक है फॉर पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर द मोस्ट कन्वीनियंट टाइम टू पे दस्ट हार्वेस्टिंग सीजन ठीक है अब जब किसान वगैरह तो जब हार्वेस्ट कर लेता है उसे ले लो ठीक है तो अलग अलग चीजें जो अलग अलग जो चीजें होती है भाई जैसे मैं ही हूं अगर मैं मान लो कोई फीस पे, पे, मतलब ले रहा हूं या कोई मैं चार्ज कर रहा हूं तो अगर आप मेरे से तभी लोगे ना चार्ज जब मेरे जब मेरे को पेमेंट मिलेगी मतलब मेरे को पेमेंट ले जब मिलेगी तभी, तभी तो, तो चार्ज करोगे यार कि पहले काट लोगे ये तो नहीं होना चाहिए ना ठीक है तो अलग अलग भाई काम अलग अलग होता है तो अलग अलग के भाई जो इनकम वगैरह होती है वो अलग अलग आती है ठीक है जिसकी महीने में आज महीने में काटो जिसका सीजन वाइज आ रहा है उसका सीजन वाइज जिसका छह महीने में उसका छह महीने में काट, में में काट लो खत्म तो कन्वीनियंस एक सुविधाएं होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट आता हमारे पास इकोनॉमी ठीक है तो कैन ऑफ इकोनॉमी फॉर कलेक्टिंग एनी टैक्स द गवर्नमेंट टू एक्सपेंडिचर ठीक है

ठीक है नो डाउट यार कि जो टैक्स होता है जो लग्जरी आइटम पे ज्यादा होता है तो अगर आप लग्जरी आइटम खरीद रहे हो तंबाकू गुटका मसाला खैनी चैनी पान मसाला ये अगर आप खरीद रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा ज्यादा है ठीक है अगर आप लग्जरी आइटम खरीद रहे हो जैसे आप बीएमडब्ल्यू ले रहे हो तो आपके पास पैसा ज्यादा है ना तो हम आपसे ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे मतलब टैक्स ज्यादा लेंगे ठीक है तो ये सारी चीजें ठीक इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट तो होता है कि नहीं होता है जो जो ज्यादा पैसा देगा उसका वो सरकार वो इकोनॉमी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है समझे तो ये सारी चीजें आई होप क्लियर होगा अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ठीक है ये हम लोगों ने पढ़े थे स्मिथ स्मिथ कैन वर्ल्ड द्सिथ हमने देखे थे जो एडम स्मिथ थे उनके थे अब यहां पर लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव एडेड टू टू मोर कैन टू देयर फोर ठीक है इन्होंने और क्या बोलते हैं कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द कैनन ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है प्रोडक्टिविटी क्या बोल रिएक्शन ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड है इन द इकोमी द गवर्नमेंट शुड इंपोज टैक्सेज इन सच ए वेट द प्रोडक्शन इज नॉट हम्पर्ड ठीक है तो सरकार को टैक्सेस वगैरह ऐसे लगाना चाहिए ठीक है, क्या है? कि कि मतलब ऐसे टैक्स लगाना चाहिए जो गवर्नमेंट ये सॉरी जो इंडस्ट्रीज हैं

ठीक है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारे हमारे पास पास क्या है उसकी लो हो जाएगी ठीक तो ये ये भी हमें नहीं करना बोल कि टैक्स इलास्टिक सो दैट द रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज वेन नेसेसरी आर कॉल्ड इलास्टिक फॉर इंस्टेंस इफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स टेन परसेंट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द इंडिविजुअल विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज वेन हिज इनकम इंक्रीजेस ठीक है अगर दस परसेंट इनकम है इलास्टिक इलास्टिक मतलब तो क्या होगा लोअर की इलास्टिक पर के उतना बढ़ेगा ठीक है तो जितनी इनकम बढ़ेगी तो उतना टैक्स लाभ तुम्हारा बढ़ जाएगा जितनी इनकम कम होगी तो उतना टैक्स तुम्हारा कम हो जाएगा ठीक है ये चीज है और कुछ है नहीं इसमें नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे ठीक है अब देखो टैक्स के भी हमारे पास कई कई टैक्स होते हैं तो ये हम लोग देखने वाले हैं और आराम से हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पास टैक्स लैस होते हैं हुँ? क्या दिया हुआ है अ टैक्स ऑलवेज अ बर्डन ऑन द टैक्स पेयर एंड हाउ अ पर्सन इज एबल टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ द देश ठीक है तो उसके पर वो सोचते हैं यार कितना कम से कम टैक्स लगे वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसको मैक्सिमम अमाउंट देना पड़ता है तो सरकार से वो चिफ्ट तो सकता नहीं आपको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कि इंपैक्ट एंड इंडिसेंस ऑफ द टैक्सेशन शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बर्डन ठीक है अब शिफ्टिंग जरा अब इसको समझो अब शिफ्टिंग यहाँ पे क्या होता है सपोज करिए कि आपने कोई चीज खरीदी थी, ठीक है आपने कोई एक आर्टिकल खरीदा वो सौ रुपए का है ठीक है अब जब सौ रुपए का खरीदा तो वो हुआ क्या कि वो मैन्युफैक्चर था उसने उस पर दस परसेंट टैक्स लगा दिया तो उसका हो गया भाई साहब एक सौ दस रुपया ठीक है अब वो होता क्या है कि जब वो सरकार टैक्स ले रही है तो क्या वो टैक्स लेगा एक बात ध्यान रखना कभी भी जब टैक्स जो पे करता है ना वो टैक्स हमेशा और हमेशा वही पे करता है जो उसका फाइनल कंज्यूमर होता है ठीक है अगर मान लो कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं ठीक है सरकार ने मेरे से टैक्स ले लिया कि भाई साहब तुमने बनाया मैं तुम्हारे तो से टैक्स लेगा ठीक है तो उसने मेरे से टैक्स ले लिया लेकिन मैं कोई फाइनल कंज्यूमर तो हूं नहीं मैं बेचूंगा होलसेलर को तो होलसेलर को मैं जब बेचूंगा तो मैं अपना प्रॉफिट भी रखूंगा और उससे वही टैक्स भी लूंगा जो मैंने उसको दिया है क्योंकि मैंने तो नहीं लिया है ना मैंने यूज तो किया नहीं अब है अब वो जो होलसेलर है अब वो क्या करेगा वो रिटेलर से लेगा ठीक है क्योंकि होलसेलर ने भी उसको नहीं कंज्यूम किया है अब रिटेलर किसको देगा कंज्यूमर को देगा अब कंज्यूमर उसका वो टैक्स पे करेगा गेटिंग पॉइंट तो जो कंज्यूमर जो फाइनल गुड कंज्यूम कर रहा होता है वही सिर्फ टैक्स पे करता है इसी को बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस सिंपल ठीक है समझ में आप ठीक है अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? है एक पॉइंट ना कि रहे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि एक पिज्जा है अब पिज्जा जैसे मान लो उसमें स्लाइस है ठीक <laughs> है तो एक स्लाइस में आपको एक स्लाइज निकाल करके पिज्जा का आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज अ टैक्स और पांच स्लाइस आप रखोगे ठीक है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स कि जो इनकम का एक जो थोड़ा सा जो पोर्शन होता है वो आपको निकाल निकाल करके आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है इनकम की बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की बात ठीक है वो आपको देना पड़ता है ठीक है अब अल्टीमेटली यही हमारा हो जाता है इनकम टैक्स और इसी में हमारे पास सेल्स टैक्स भी आता है कि जो मैनुफेक्चर होता है उसने कोई चीज बनाई होती है तो अभी मैंने कहा कि टैक्स हमेशा वही देता है जो उसको फाइल कंज्यूम करता है मतलब कोई चीज मैंने बनाई जैसे मान लो कि मैंने कोई स्वेटर है वुलन से मैंने एक स्वेटर बनाया अब स्वेटर से मैंने स्वेटर तो मैंने बना दिया अब ये तो मेरे पास सेल्स टैक्स मैंने आइटम जनरेट कर दिया ठीक है लेकिन जब मैं इसको कंज्यूम ही नहीं कर रहा हूं मैं इसको, तो इसको पहन ही नहीं रहा हूं तो मैं इसका टैक्स क्यों दूंगा ठीक है तो जो इसको पहनेगा भाई वो टैक्स देगा मान लो कि मैंने इस पर हजार रुपये रखा अब हजार रुपए पे दस परसेंट इसका सरकार ने टैक्स ले लिया तो मैं तो ये कहूंगा ना कि भैया ऐसा है ये तो ये स्वेटर ग्यारह सौ का हुआ ठीक है तो ग्यारह सौ में लेना हो तो लो वरना कोई बात नहीं हम नहीं दे पाएंगे क्यों क्योंकि मैं थोड़ी टैक्स दूंगा इसका टैक्स तो आप ही दोगे ना क्योंकि आप ले रहे हो आप फाइनल कंज्यूमर हो तो आप ही लोग आप ही दोगे टैक्स गेटिंग सो दिस इज द इनकम टैक्स एंड द कौन सा टैक्स ये हमारे पास सेल्स टैक्स हाँ सॉरी <laughs> सेल्स टैक्स ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है अभी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में यार किताब में दिया हुआ तो पढ़ाना पड़ेगा क्या करें ठीक है थीके? तो डायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या होता है सिंपली जिसको हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते ठीक है जिसका जो इम्पैक्ट और जो इंसिडेंस जो होता है एक उसी सिंगल पर्सन पे पर ही होता है मतलब जैसे इनकम टैक्स हो गया कि भाई अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो सरकार मेरी सी टैक्स लेगी ना मैं क्या अपना टैक्स किसी और पे शिफ्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता इनकम मेरी ज्यादा है ना सामने वाले की थोड़ी ज्यादा है ठीक है तो वो जो तो टैक्स होता है वो मैं शिफ्ट नहीं कर सकता तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स कि भाई साहब मेरी इनकम ज्यादा है तो सरकार ने मेरे पे थोड़ा सा टैक्स लगा दिया तो वो तो वो हो गया हमारे पास जहां पे जो 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 होता है मतलब पर्सन होता है मैं ही इंपैक्ट मतलब मेरे पे इम्पैक्ट हो रहा है और मैं ही इंस... इंसिडेंस भी हूँ ठीक है तो मेरे पे दोनों चीज हो रही है इंपैक्ट भी हो रही है और इंसिडेंस भी हो रही है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन डायरेक्ट टैक्सेस जिस टैक्स को मैं शिफ्ट ना कर सकूं उसको मैं बोलता हूं इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है अब सॉरी डायरेक्ट टैक्स ठीक है अब इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या होता है जिस टैक्स को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं वो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा सेल्स टैक्स कि भाई साहब मैंने तो नहीं कपड़ा पहना ना ठीक है जिसने पहना है वो उस कपड़े का टैक्स देगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है ये हम लोग बता ही चुके हैं कि जैसे हमारा जो इनकम टैक्स होता है दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड ठीक है तो हमारा क्या होता है वो रिजिट मतलब रिजिट तो नहीं होता है कहेंगे कि जो इनकम टैक्स जो होता है वो आपके ही ऊपर लेगा ठीक है ये नहीं कहे भैया मेरे लगाओ ना थोड़ा सा ठीक है ये नहीं होगा अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है तो एग्जाम्पल्स क्या ही दें जैसे आप समझते हो ना कि गिफ्ट टैक्स इनकम टैक्स मेन इनकम टैक्स ठीक है दिया हुआ ना कि इन केस ऑफ इंडिया द इनकम टैक्स अदर अदर देन देन द ऑन एग्रीकल्चर इनकम वेल्थ टैक्स एक्सपेंडिचर टैक्स गिफ्ट टैक्स स्टेट ड्यूटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉल इन दिस कैटेगरी ठीक है पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह भी इसी में आता है तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको एक डिस्कस कर दिया एग्जाम्पल जो है ये डायरेक्ट टैक्स के दिए हुए हैं जो हमारे इंडिया में होते हैं ठीक है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिर नेक्स्ट आता हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या होते हैं तो एग्रीकल्चर टैक्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स जैसे कि डॉक्टर्स टीचर्स लॉयर्स एक्सेट्रा सो ऑन होते हैं तो स्टेट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर लैंड लैंड दैट इज द डायरेक्ट टैक्स हावर लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा इंपोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इन इंडिया फॉल इन दिस कैटेगरी ठीक है ये हो गया द शेयर ऑफ दैट शेयर ऑफ दीज डायरेक्ट टैक्सेस वॉज ओनली अबाउट टेन परसेंट इन द टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो ये हमारे पास एक दस परसेंट का हिस्सा था जो की हमारे उसमें रहता है बाकी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेशन का कलेक्शन कुछ अलग होता है सेंट्रल का हमारे पास कुछ अलग होता है तो उनका कुछ जैसे कहते हैं कि प्रायोरिटीज अलग अलग होती है कि भाई इसका हम नुहा इसका हम लेंगे बाकी कुछ चीज जो चीजें होती है उसमें लोग डिवाइड कर लेते हैं आपस में ठीक है अब पे एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो भैया ये भी देख लो ठीक है इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोल टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं है कि द एक्साइज ड्यूटी हो गया कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा कैन बी द कैटेगरी एज द इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है कस्टम ड्यूटी हो गया एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो गया तो ये हमारे पास केंद्र में जब आता है तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं ठीक है इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि ये हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं ये सिर्फ एक के ऊपर फिक्स नहीं है जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो ही टैक्स अब स्टेट में क्या बोल रहा है कि द द सेल्स टैक्स स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल लिकर एंड नार्कोटिक्स एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट टैक्सेस इंपोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉल इन दिस कैटेगरी ठीक है तो जितने भी हम लोगों ने टैक्स पढ़े ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आता है वो स्टेट के अंडर में आता है अभी हमने पढ़े क्या डायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देन इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कि अब इन चारों में तो डिफरेंस क्लियर होगा कि भाई साहब हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं ठीक है उफ। तो अब इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट में कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ठीक है तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से हम लोग बोलते हैं या आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जीएसटी क्या होता है हमारे पास तीन टाइप की होती है एक सी जी एस टी एक एस जी एस टी और एक हमारे पास आई जी एस टी होता है सी जी एस टी क्या होता है वो सेंट्रल जीएसटी होता है एस जीएसटी क्या होता है वो स्टेट जीएसटी होता है और आई जीएसटी क्या होता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है ठीक है ये चीजें तो so, देख लो भाई क्या दिया जीएसटी सेवन एंड इज रिप्लेड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स सो फार जीएसटी इज टू बीवड एट ऑल पॉइंट वेनवर देयर इज अ वैल्यू एडिशन स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्लाई ऑफ इंपोर्ट टू द मैन्युफेक्चर और सर्विस प्रोवाइडर टिल सच वैल्यू रिचेज द फाइनल कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विस ऑफर ठीक है तो जहां तक मतलब जितने भी जो पहले के जो टैक्सेस थे उन सबको हटा करके हमारा एक सिंपल एंड कंसाइज लेकर के आया गया जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये सरकार का समाना था और मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी थे ठीक है यहाँ पे क्या दिया हुआ दिया है हुआ ना कि थ्रू आउट इंडिया फाइव बेसिक जीएसटी रेट्स विल बी एप्लीकेबल एंड मैक्स है और uh, जो uh, आपका 0 है गुजर जीरो परसेंट टैक्स किस पे लगता है जीरो <laughs> परसेंट ठेले पे पर सब्जी खरीदी है ठेले पे समोसा खाया है जो ओपन चीजें जो बिकती है <laughs> <laughs> खाने पीने की जितनी भी जो ओपन चीजें हमारे पास सब्जी हो गई uh, साग सब्जी और समोसा वगैरह ये जो होता है ये हमारे पास ये जीरो परसेंट टैक्स लगता है लेकिन जैसे ही सब्जी अगर आपके पैक हो गई और पैक होने के बाद बार कोड लग करके अगर बिग बाजार में चली गई तब उसी सब्जी पे आपको टैक्स देना पड़ता है ना ठीक है चलो खैर सो द बेसिक फूड एंड द नेसेसिटी आइटम्स मोस्टली केम अंडर द जीरो एंड द फाइव परसेंट जीएसटी रेट

Uh, will get that amount back as the input tax credit while fixing its tax liability on the goods and service sub uh, services supplied thus if the gst li uh, liability to be paid to the government is rupees 1000 and the gst already paid uh, on uh, input purchase is 800 then net tax liability will only be Rs. 200 rupees okay? so, tax अब इसी में हमारे पास एक डिफरेंस भी है देखिए कि सेंट्रल टैक्सेस एंड द स्टेट टैक्स क्या बोल रहा है कि पहला है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और मैन्युफैक्चर आइटम एंड ये हमारे पास है वैल्यू एडेड टैक्स सेकेंड है सर्विस टैक्स ये हमारे पास कौन सा टैक्स ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स ठीक है इसमें हमारे पास एडिशनल एंड स्पेशल एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट इसमें है लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स ओके इसमें है फोर्थ पॉइंट सेंट्रल सेंट्रल से टैक्स लीव बाय देंट्रल एंड कलेक्टेड बाई द स्टेट यहाँ पे है टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग ठीक है इसमें अच्छा गैम्बलिंग में डाल दी फिफ्थ हमारे पास सेंट्रल सर चार्जेस एंड सेस रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है एंड यहां पे है स्टेट सेस एंड सर चार्जेस तो ये आपका डिफरेंस uh, है ठीक है आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी ठीक है अब इसके जीएसटी के ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी तो मालूम हो तो सबसे पहला हमारे पास कि टू रिड्यूस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है इनडायरेक्ट टैक्सेस तो यहाँ पे क्या बोला मल्टीसिपिटी uh, मतलब की यह क्या है कि यह 2017 से पहले हमारे पास बहुत थे टैक्सेस ठीक है सैट लगता था वैट लगता तो था और भी बहुत सारे जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता तो था स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता तो था तो इतने सारे टैक्सेस होने के बावजूद बाद जो इंसान का बंदा कंफ्यूज हो जाता था मतलब कौन सा कब देना है क्या देना है तो उन सब चीजों को एक सिंप्लीफाई करने के साथ हमारा जीएसटी लाया गया एक ये प्लान आउट था कि जीएसटी लाएंगे तो हमारी चीजें अच्छी हो जाएंगी और अच्छी होंगी बहुत सिंपल हो जाएंगी बहुत ही कंसाइज हो जाएंगी ठीक है तो लोगों को आसानी होगी नो डाउट हुई लेकिन कहीं कहीं इसके बैड इम्पैक्ट भी है ये हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये, ये था कि मतलब इस चीजों को हमें सिंपल करना ठीक है थीके? तो जितना भी जो जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमें इस टैक्स जो बेस से हमें वो है ठीक ऐसा नेक्स्ट हमारे पास टू मेक द टैक्स बेस वाइडर एंड द रेज द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है तो जो टैक्स बेस है अभी मैंने क्या टैक्स बेस मतलब कि जो जितने मान लो कि अभी पचास लोग टैक्स दे रहे हैं पचास लोग कितना दे रहे हैं दो परसेंट टैक्स दे रहे हैं पचास लोग दो परसेंट टैक्स दे रहे हैं तो मतलब कितना हो गया हंड्रेड परसेंट ठीक है लेकिन हम चाहते हैं पचास लोग ना दे सौ लोग दें लेकिन टैक्स हम कर देंगे एक परसेंट तो अब जरा आप ये बताइए जो पहले आप दो रुपया टैक्स दे रहे थे अब आप एक रुपया दे रहे कि नहीं दे रहे हो तो आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स का बेस बढ़ाना मतलब जितने ज्यादा ज्यादा लोग आ, 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 आ पाए उस टैक्स में उतना अच्छा है अब जब टैक्स बेस हमारा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा जब टैक्स बेस बढ़ गया तो बर्डन होता है जो एक इंसान में वो कम हो जाता है ठीक है तो गवर्नमेंट का यही मोटो है कि हमने बेस बढ़ाना है और जो बर्डन जो आ रहा है सिंगल पर्सन पे उसको हमें कम करना है ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मतलब नेक्स्ट पॉइंट है टू तो स्टैब्लिश ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स कंप्लायंस ठीक है अब जितना ट्रांसपेरेंसी होगी उतना भी अच्छा रहेगा पहले के टाइम पे इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर होने के साथ साथ मैनुअल एरर है कभी कुछ हो जाता है अब मान लो कि ऊपर नीचे कुछ हो गया तो भैया लो उसको पैसे दो उसको पैसे दो अब सरकारी संस्थाओं में तो जानते ही हो यार पैसा चलता है ठीक है बिना रिश्वत के तो वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग ऑनेस्ट लोग भी होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसल्स में लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है तो अब वहां पे एक कॉम्पलेक्सिटी हो जाती है तो वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी मतलब फिर लैक करने लगती है ठीक है तो अब फिर उसको ओवर करना पड़ता है उसको सही कराने के लिए उसको ये कराने के लिए भाई साहब ये दो ये तो

लेकिन जैसे गोवा पहुंचे वो कह रहे अच्छा हम तो एक किलो में छह अच्छा, टमाटर देते हैं हरियाणा गए वो कह रहे हम तो एक किलो में बारह टमाटर देते हैं यार हमें लग रहा है इसका टैक्स अलग अलग कैसे हो सकता है यार अगर टमाटर अगर एक ही टाइप का है तो भैया एक किलो में एक ही चढ़ना चाहिए ना मतलब कि अगर मान लो दस चढ़ते हैं तो हर एक ही में दस चढ़े ठीक है ऐसे ही हमारे पास टैक्स स्ट्रक्चर है कि अलग अलग स्टेट्स ने अपना जो अलग अलग जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर था वो अलग अलग बना करके रखा हुआ था तो वो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था कि कहीं पर टैक्स ज्यादा देना है कहीं पर हमें कम देना है कहीं पे कहीं कम देना है कहीं पे नहीं देना है कहीं पर कुछ ऐसा ही है ठीक है तो यहाँ पे हुआ क्या जीएसटी आने से जो जितने भी स्टेट्स थे वो सभी लोग एक ही लाइन पे आ गए तो एक ही लाइन का मतलब क्या होता है जब एक लाइन पे आ गए तो एक यूनिफॉर्म टैक्स देना है आपको डिफरेंट डिफरेंट टैक्स नहीं देना समझ में आया नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन द मीडियम एंड द लॉन्ग रन ठीक है तो जो एफिशिएंसी है जो काम वगैरह जो है वो हमारा अच्छा हो सके मीडियम और लॉन्ग रन में ऐसा नहीं हो कि मतलब कि कोई काम में कॉम्प्लेक्सिटी या कुछ बक्स वगैरह आने लगते हैं तो फिर काम में रुकावट पैदा होने लगती है ठीक है तो ये चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए तो जो लॉन्ग रन में जो काम हो रहा है वो हमारा स्मूथ चलना चाहिए ठीक है ये चीजें नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन अपॉन द कंज्यूमर्स ठीक है टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन अभी मैंने जस्ट आपसे शेयर किया कि जब भी हमारा जब टैक्स बर्डन की बात आती है तो हमें जब हम वेस बादर कर बादर कर लेंगे हम जितना ज्यादा लोगों को टैक्स के अंडर में लेकर के आएंगे तो जो टैक्स का जो बर्डन होगा अल्टीमेटली लोगों के ऊपर कम पड़ जाएगा ठीक है सपोज करो कि मेरे को सौ रुपए इकट्ठा करने है ठीक है सौ रुपये में कैसे ले सकता हूं या तो मैं चार लोगों से पच्चीस रुपए ले लू ले या फिर मैं 100 लोगों से एक एक रुपए ले लीजिए तो ये तो है कि मैं चार लोगों से पच्चीस रुपए मतलब एक इंसान है पच्चीस रुपए का बोझ अच्छा है? नहीं है ना ठीक है एक पे पच्चीस रुपए का चार लोग हैं और वहां पे सौ लोग आ गए तो एक ही इंसान पे एक रुपए का आया नहीं है? तो दिस इज द बेस समझ रहे हो तो जितना ज़्यादा लोग आएंगे उस टैक्स के बेस में तो उतना ही लोगों के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा ठीक है तो उतना उनको कम टैक्स देना पड़ेगा अब देखते हैं क्या है कि द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी ठीक है टॉपिक है अब जीएसटी के बेनिफिट्स क्या, क्या क्या है और बैड इंपैक्ट क्या क्या है तो सबसे पहले देखते हैं कि बेनिफिट क्या क्या है सो इट हैज वाइडर टैक्स बेस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है जो बेस है वो आपका ज्यादा है तो रेवेन्यू जो हो रहा है सरकार का वो ज्यादा हो रहा है ठीक है ये चीजें दिस सिस्टम वुड एलिमिनेट द प्रोब्लम ऑफ मल्टीप्लिस ऑफ टैक्सेस एंड एट देंटर एंड द स्टेट लेवल एंड देर कास्ट केडिंग एफेक्ट ठीक है तो कास्ट केडिंग जानते हो ना कि भैया सब अगर एक गया तो फिर सभी चले गए तो जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उन्होंने उसको बहुत ही ईजी कर दिया नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहा है कि इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंप्लायंस प्रोसीजर्स सिंस ऑल दीज टैक्सेस आर टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू द जीएसटी नेटवर्क एंड इंटरनेट सिस्टम ठीक है दो चीजें हो गई ठीक है बाकी भी पॉइंट दिए हुए आप पढ़ लीजिएगा आराम से लेकिन ये इजी है तो मैंने बता दिए और आराम से इतना कोई टफ नहीं है ठीक है

अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई इन स्मॉल टाउन अब जो गरीब आदमी है या जो गरीब स्टेट है उसको इंटरनेट की फैसिलिटी वहां पर कहां मिल पाएगी ठीक है भैया वहां मिल जाती थी अब जब उसको बिहार वगैरह में जाना था उसको कहां से मिलेगा नहीं मिल पाएगा वो चीजें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चेंजिंग शेयर ऑफ डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन टोटल रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चेंजिंग की मतलब बात कर ले तो इंडिया में जो हैं और जो आईफोन यूजर्स है उनका तो शेयर है यार, कि का जो कॉस्टिंग होता है वो बहुत ज्यादा होता है ठीक है एंड्रॉय का जो होता है वो कम होता है एंड्रॉय आपको 10-15000 में मिल जाएगा लेकिन जो एप्पल आईफोन होते हैं वो आपको शायद एक लाख के ऊपर ही मिलेगा तो आप समझ सकते हो तो क्या कोई एक लाख का फोन खरीद पाएगा ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो उनकी परचेसिंग पावर इतनी अच्छी होती है तो यहां पे ही की भी बात रही है अब इनकम मार्केट में शेयर कैसा है तो अब अगर आप हम लोग ये सोचें कि जो डायरेक्ट टैक्स जैसे कि हमारा आता है इनकम टैक्स वगैरह ठीक है तो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स वही दे सकते हैं जिनकी इनकम ज्यादा होगी एक सर्टेन लिमिट से ठीक है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो देगा और हर एक इंसान देगा जो भी वो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कमिटी वो खरीदेगा एक रुपया की टॉफी से लेकर के एक लाख के फोन तक सुई से लेकर एरोप्लेन और जहाज तक सब में हमें इनडायरेक्ट टैक्स लगता है ठीक है हर एक चीज में लगता है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो रिक्शे वाला अगर आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं दे पा रहा है वही रिक्शे वाला आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे तो रहा है तो कस्टमर बेस किसका ज्यादा हुआ डायरेक्ट का कि इनडायरेक्ट का नॉर्मल सी बात है इनडायरेक्ट का बेस हमारे पास ज्यादा हो गया लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो हमारे पास क्या होता है कुछ लोग तो होते हैं लेकिन उनसे टैक्स ज्यादा लिया जाता है ठीक है यहाँ पे क्या होता है बेस ज्यादा है लेकिन उनसे टैक्स बहुत कम लिया जाता है ठीक है तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बेस होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे लोग बहुत ज्यादा है ठीक है अब अगर हिंदुस्तान की इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या अराउंड वन थर्टी करोड़ के आसपास है ठीक है अब उस वन थर्टी करोड़ में अस्सी से सौ करोड़ लोग जो है वो नॉर्मल मिडिल क्लास में आते हैं मतलब अ... सौ भी बहुत कम बोल दिया आप समझ के रखो कि 110 करोड़ या 115 के आसपास जो मिडिल क्लास है जो लोअर मिडिल क्लास के उसमें आते हैं कैटेगरी में लेकिन जो बहुत ही गिनती के मान लो कि 10 करोड़ में सॉरी हाँ 10 या 15 करोड़ के आसपास है 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 जो well -to -to से है या जो बहुत बहुत ही ही वेल वेल टू टू या तो दस करोड़ से आप कितना कमाइएगा और उस सौ करोड़ से आप कितना कमाइएगा ठीक है तो इनकम हमारे पास किससे किससे ज्यादा होगी नॉर्मल सी बात है कि उस जो एक सौ करोड़ लोगों से हमें इनकम ज्यादा होगी ठीक है तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा है लिखा हुआ है

Hmm? और uh, कहा था सिक्सटी फोर एट 89 तो एट्टी सेवन बन गया मतलब एस, जो अभी तक था वो uh, आपका एट्टी सेवन परसेंट हो गया ठीक है एंड देन केम डाउन टू अबाउट फोर्टी फाइव परसेंट इन द टेन एंड द सुप्रीमेसी ऑफ इंटायर टैक्स इन टोटल टैक्स revenue came to an end in since 2008 and 9 at present about 52% of the tax revenue arises from the direct taxes ticket so 52% of the tax revenue arises from the direct taxes लगल लगभग ठीक है तो अब चीजें बदल रही है क्योंकि अब यहाँ पे जब इन्फ्लेशन होता है समय के टाइम पे जैसे जैसे समय बीतता है उसी प्रकार से हमारी महंगाई बढ़ती है और जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों की इनकम भी बढ़ती है तो अब लोग क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो हम सरकार फिर अलग अलग टैक्स स्लैब से भी चीज चेंज करती है कि भैया जिसकी इनकम दस लाख से या पांच लाख की स्लैब है तो उसमें शायद उसको दो देना पड़ेगा फिर उसको पांच देना पड़ेगा तो सरकार अब डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लेती है ठीक है ये ध्यान रखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इज़ द रिलेटिव मेरिट्स एंड द द डायरेक्ट और क्या, क्या, किसके डायरेक्ट देखते हैं ठीक है मेरिट पहले दिया हुआ फिर हमारे पास डिमेरिट्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारे पास मेरिट क्या डायरेक्ट टैक्स का इक्विटी कैन बी एंश्योर ठीक है तो इक्विटी मतलब क्या होता है कि सभी को हम लोग बराबर बराबर से या जिसकी जो जरूरतें हैं बराबर नहीं कहेंगे जिसकी जो जो जरूरतें हैं टंग कर रही है इसकी जो जरूरतें हैं मतलब कि क्या होता है कि जो गरीब इंसान है उसको अगर ज्यादा की रिक्वायरमेंट मान लो कि उसको गरीब इंसान के पास रोटी नहीं खाने के लिए तो अगर सरकार को लगता है गरीब इंसान को दो रोटी देनी चाहिए तीन रोटी देनी चाहिए तो उसको तीन दे गए ठीक है लेकिन जो उससे भी बढ़िया मतलब जो गरीब से थोड़ा सा ऊपर क्लास का आता है उसको शायद सरकार एक ही रोटी दे क्यों क्योंकि वो दो रोटी अपने आप से वो अरेंज कर सकता है

अब यहाँ पे ये भी होता है ये भी हम लोग बात कर चुके हैं अब इसे मान लो किसी एक इनकम की जो इनकम है वो फिफ्टी लाख रुपए है लेकिन वही जो दूसरा पर्सन है उसकी इनकम है एक करोड़ रुपया ठीक है गरीब दोनों ही नहीं है लेकिन ये सरकार करेगी जो एक करोड़ के जिसकी इनकम है उससे टैक्स ज्यादा लेगी और जो पचास लाख वाला उससे टैक्स थोड़ा कम लेगी ये चीजें ठीक है

और जैसे कि एन इनकम टैक्स पेयर नोस व्हेन एंड एट व्हाट रेट ही हैज टू पे द इनकम टैक्स ठीक है कितने समय में और साल में देना पड़ता है और आ, क्या बोलते हैं और कितना देना उसको मालूम है तो सरकार को यह मालूम है कि हाँ भाई साहब ये ये कमा रहा है तो मेरे को इससे टैक्स मिले मिलेगा मिलेगा ठीक है ये चीज है

कि इट इज सिमिलर बी शोन ऑल डायरेक्ट टैक्सेस आर मोर और लेस इलास्टिक समझे ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी है नेक्स्ट पॉइंट है इज मोस्ट इकोनॉमी थिंक दट द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ दिस डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटिवली लो ठीक है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ठीक है दिस टू इज एन एडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेशन क्या बोल रहे हैं कि जो मोस्ट कॉमन थिंग दैट द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स वो क्या होता है लेवल लेवल लो होता है कि मतलब उसको हमें कर, uh, लेने के लिए ज्यादा चीजें करनी नहीं पड़ती हैं क्योंकि जो भाई हमने देख लिया कि आपके अकाउंट की डिटेल हमारे पास होती है तो अल्टीमेटली बस तुरंत हमने खट्टे से काट लिया या ठीक है आपको पे करना पड़ेगा ठीक है लेकिन बाकी जो चीजें होती है सरकार का उसमें प्रचार लगता है उसमें खुद का पैसा लगता है जब पैसा लग सरकार लगाएगी तभी तो हम टैक्स देंगे तभी तो हम लोग वो चीज खरीदेंगे चीजें नहीं खरीदेंगे तो कहां से हम लोग टैक्स दीजिएगा ठीक है ये चीजें

सरकार वेलफेयर के लिए ही यूज करेगी और देखो इतना ना लोगों को दिक्कत होती भी नहीं क्योंकि यार जिसके पास पैसा होता है तो उसको पैसा देने में दिक्कत भी नहीं होती है। आराम से वो दे देता करके ठीक है तो जब वो पैसा दे देगा तो उसको ये भी कि यार जब जिसके पास आ रहा है सरकार उसी से ले ले रही है क्या वही इनकम टैक्स के गरीब लोगों से ले रही नहीं ले रही है तो गरीब इसी में परेशान है कि यार पैसा नहीं है पैसा नहीं है पैसा नहीं है अब अमीर भी परेशान हो जाएगा यार यार पैसा ले लिया पैसा ले लिया पैसा ले लिया तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा तो फिर वेलफेयर तो हम लोग रह नहीं पाएंगे ठीक है तो सरकार जब किसी भी कंट्री में होती है तो उसका सिंपली मोटो यही होता है कि जो भी चीजें आपके पास है ठीक है आप कमा रहे हो अच्छी बात है रिक्शा वाला नहीं कमा रहा है कोई बात नहीं एक सरकार होती एक मिडिल मैन होता है जिससे कि जो ज्यादा होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेकर के जिसके पास नहीं है उसको थोड़ा सा दे देते हैं ठीक है तो इससे हमारा जो बना रहता है कि दोनों को सरकार जो होती है हो, वो साथ में लेकर के आती है वो ये सोचती है ना कि हम लोग एक ऐसी हाईली डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहां पर कोई भी भूखा ना सोया ठीक है ये नेक्स्ट आता है हमारे पास डिमेरिट्स और डायरेक्ट टैक्सेस ठीक है अभी तक हम लोगों ने मेरिट्स पढ़े हैं अब जरा इनका डिमेरिट्स भी देख लेते हैं भाई साहब क्या है ठीक है अनपॉपुलरिटी ठीक है ये भी चीजें की पॉपुलर इतना चीजें नहीं होती कौन नहीं देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता ठीक है डायरेक्ट टैक्स आर जनरली अनपॉपुलर टैक्स पे डू नॉट लाइक देम सिंस दे हैव टू बियर बर्डन ऑफ द टैक्स डायरेक्टली एंड प्रपोजल्स फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉर इंस्टेंस कम इन फॉर स्ट्रॉग क्रिटिजम फ्रॉम द कॉमन मैन ठीक है तो जो डायरेक्ट टैक्स जो आता है अब अगर आप उसका रेशियो बढ़ा दोगे आपने कहा भैया पहले 25 था अब हम इसको 30 परसेंट कर रहे हैं तो अब 30 परसेंट से अगर आप पैंतीस कर दोगे तो मतलब कॉमन मैन तो, तो खिस आएगा सब लूटी लो हमसे ठीक है हम ही से ले लो सारा टैक्स ठीक है तो इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि इन डायरेक्ट टैक्स ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि हमें उसमें जो परसेंटेज होता है वो हमें कम देना पड़ता है सेकेंड पॉइंट है कि कॉन्शियसनेस इज नॉट फोर्टेड फॉर एवरीबडी अभी क्या बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस ठीक है अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि वी है टैक्स टैक्स पेयर दू नॉट अंडर गो एन इंक्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे कि पीपुल्स हुर ऑफ एंड एग्जेप्टेड फ्रॉम दिगेशन टू पे इनकम टैक्स ठीक है अभी मैंने क्या कहा कि आप सोशल वर्क तभी कर सकते हो अभी मैंने कहा कि जस्ट जो इनकम टैक्स होता है वो क्या हमारे पास इलास्टिक है किसी साल आपकी इनकम एक करोड़ हुई तो सरकार आपसे थर्टी परसेंट ले लेगी ठीक है अगर किसी साल अगर आपकी इनकम बीस लाख रुपया हुई तो सरकार आपसे बीस परसेंट ले लेगी तो होता क्या है कि जैसे ही आपकी जो सैलरी होती है या इनकम जो होती है साल की जो इनकम होती है उसके हिसाब से आपका वो बनता है ठीक है आपने तो कर लिया अब उससे पूछो यार जिसकी इनकम कम हो गई है ठीक है या जो उस पोर्षण से वो बाहर निकल गया वो तो बच के निकल गया अब हमें जलन हो गया यार उसका तो बच गया मेरे कट गया हम हिंदुस्तानी लोग हैं यार अगर बत्ती जाती है ना अगर घर की लाइट चली जाए ये लाइट अगर चली जाए तो सबसे पहले पड़ोसी में देखते हैं उसके आ रही कि नहीं आ रही अगर उसके यहाँ भी नहीं आ रही तभी तो कलेजम ठंडक पड़ेगी अगर उसके यहाँ आ रही होगी तो तो फिर यार लगता है हम क्या क्या ना करते ये बत्ती क्यों चलेगी मेरी ही कैसे चलेगी अब यहाँ पे जो लोग होते हैं ना अब भाई जो इनकम टैक्स दे रहा है वो तो सरकार की हरकतों पर नजर भी रखे ना कि यार सरकार क्या लेकर के आ रही है कैसे कैसे पॉलिसी लेकर के आ रही है अब जो इनकम टैक्स और जो डायरेक्ट टैक्स दे ही नहीं रहे उसको क्या फर्क पड़ी है सरकार कुछ भी लेकर के आए वो तो कह रहा हैं चार तीस परसेंट ले लो तुम पचास परसेंट ले लो मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई मैं तो इनकम टैक्स पे ही नहीं करता हूँ ठीक है तो ये भी चीजें होती है अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थर्ड पॉइंट है हमारे पास कारण ऑफ प्रोडक्टिविटी मे बी वॉलेटेड ठीक है ये क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मानी इकोनॉमी डायरेक्ट टैक्स डू नॉट सेफाई द कैन ऑफ प्रोडक्टिविटी ठीक है मतलब कि जहां पे प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा हो रहा है ठीक है कैन चुके क्या होता है बिकॉज देयर मे बी एडवर्स रिएक्शन ऑन द टैक्स पेयर इंक्लाइनेशन टू वर्क एंड ऑन हिज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्ट एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी में डिक्लाइन ठीक है तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो पर कम हो जाती है कि आप इतना टैक्सी रगड़ दे रहे हो यार अगर आप किसी से टैक्सी ले लोगे तो वो आपका रॉ मटेरियल कहां से लेकर के आएगा अब जब रॉ मटेरियल लेकर के आएगा तो फिर उसका प्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा ठीक है तो एक कहीं ना कहीं हमारा जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपका वो भी करता है प्रोडक्टिविटी को हुँ? अब टैक्स इवेशन मतलब कि टैक्स को इवेट कर देना ठीक है हटाना ये क्या होता है द द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर फेल डायरेक्टली एंड पीपल ट्राई टू इवेट दीज टैक्सेस इफ नेसेसरी दे रिजोर्ट टू अनफेयर मीन फॉर दिस पर्प जैसे कि इन द केस ऑफ इनकम टैक्स द हायर इज द इनकम ऑफ द पर्सन द लार्जर विल द तो लाजर विद टैक्स ऑब्लिगेशन ठीक है अब यही लगता है फिर दो नंबर काम होने लगते है अरे यार ऐसा थोड़ी सैलरी मेरा अकाउंट में देना फिर बाकी में कैश देना लोग जो होते हैं जो बिल्स वगैरह होते हैं जो सेल्स टैक्स वगैरह होता है वो क्या करते हैं लोग उसको कहते हैं भैया तुम ऐसा हमसे तुम कैश ले लो तो कैश में अगर आप डील कर रहे हो तो फिर वो टैक्स के दायरे में नहीं आ पाता है क्योंकि वो हम लोग कैश में डील कर रहे हैं ना लेकिन अगर आपके अकाउंट में आया है तो बैंक को मालूम चल जाता है ठीक है कि हाँ भाई साहब इसकी फला फला इतनी इनकम है और ऐसा काम है ठीक है यहां पे वही बोल रहा था लार्जर विल बी टैक्स ऑब्लिगेशन इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इनकम ठीक है डेलीबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट ठीक है जो उनका स्टेटमेंट होता है उसको भी वो मिस इंटरप्रेट करते हैं तो करना ही नहीं चाहिए यार ठीक है दस 10 रुपया सौ 100 रुपया हजार रुपया नहीं सही अब वो भी सरकार तो लेगी लेगी कि नहीं लेगी वरना वो वेलफेयर कैसे करेंगे ठीक है ये चीजें अब आते हैं हम लोग इन इनडायरेक्ट पे ठीक है तो इनडायरेक्ट के मेरिट्स क्या क्या है इसमें भी मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या भैया सो so, मेरिट so हमारे पास पहला है कि ब्रॉड कवरेज ठीक है मैंने आपको पहले बताया कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें जो हमारा बेस होता है जो कस्टमर बेस होता है जो लोगों का जो बेस होता है पीपल का वो बहुत बड़ा होता है ठीक है लगभग लगभग 99.99 परसेंट लोग ही इसमें आते हैं और लगभग लगभग हंड्रेड ही आते हैं ठीक है क्योंकि इनडायरेक्ट बेस है ना सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स है ना और ज्यादा लोगों पर होता है ठीक है सबसे पहला कि नॉट अनपॉपुलर ठीक है इतना अनपॉपुलर भी नहीं होता है क्यों क्योंकि उनको मालूम है कि भैया हमें तो देने पड़ेगा कुछ भी एक रुपए का टॉफी लो दस रुपए का बिस्कुट लो दस रुपए चॉकलेट लो देना तो पड़ेगा ठीक है तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वेन अ कॉमन मैन अ कमोडिटी इन द मार्केट ही कंसिडर टैक्स इंक्लूजन प्राइस टू बी प्राइस ऑफ द कमोडिटी उसको लगता है कि बस इतना ही है ठीक है सो इन अदर वर्ड्स ही इज नॉट ऑफन दैट इज पेइंग अ टैक्स एज अ रिजल्ट इन डायरेक्ट टैक्स आर नॉट एज अनपॉपुलर एज द डायरेक्ट टैक्स ठीक है तो वही चीज है उसको उसको यही नहीं मालूम होता उसको लगता है कि यार दस रुपया का बिस्कुट खरीद रहा है। की रहे दस ही रुपया कीमत है अरे यार दे भी दो, दिमाग लगाओ अब तो उसका टैक्स ही जा रहा है ठीक है तो ये चीजें भी होती है नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी नॉट वॉलेटेड ठीक है तो इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी वॉलेट नहीं होती है ठीक अल्टीमेटली क्या है वी हैव जस्ट सेड दैट कि वाइल पेइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स पीपल आर नॉट ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट ठीक है दिस इम्प्लायज दैट द इन डायरेक्ट टैक्स डू नॉट एफेक्ट प्रोडक्टिविटी द वर्कर्स प्रोपेंसिटी टू वर्क और कॉमन मैं प्रोपेंसिटी टू सेव इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड ठीक है तो अब उसको क्या लगता है कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं अब हमें तो करना पड़ेगा टैक्स देनी पड़ेगा हम लेकिन जो इनकम टैक्स वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है हम डायरेक्टली आपके छा के से हम एक स्ल्स ले ले रहे हैं ठीक है तो लगता है ना यार एक स्लाइस कम है लेकिन वही जो चीजें होती है कि अगर आप कोई चीज थोड़ा 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 करके लेते हो तो चीज लोगों को समझ में नहीं आता ठीक है थीके? तो वहां पर आपके पास पैसा वगैरह भी होता है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती, हो, होती है वो भी आराम से चलती रहती है तो इतना लोग समझ नहीं पाते ठीक है ऐसा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट स्पेशल वर्चुअ सोशल रिफॉर्म ठीक है अब देखो डायरेक्ट हो और चाहे इनडायरेक्ट हो उस टैक्स के पैसे से उस टैक्स के पैसे से सरकार के पास जाता है वो पैसा और वही जो सरकार होती है वो हमारे और आपके वेलफेयर के लिए काम करती है सभी के लिए काम करती है अगर एक सड़क बना रही सरकार टैक्स के पैसे से तो क्या हमें गरीब आदमी चल रहा है अमीर आदमी नहीं चल रहा है ट्रेन बना रही है ट्रेन चल रही है बीएसएनएल चल रहा है जितनी भी जो सरकारी संपत्तियां चल रही होती है बैंक चल रहे हैं जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ डेवलपमेंट है एजुकेशन है जो भी चीजें हैं क्या हम लोग अमीर आदमी यूज नहीं करता है क्या जो हाई प्रोफाइल क्लास है वो यूज नहीं करता है या गरीब आदमी यूज नहीं करता सबके लिए करता है ना तो सरकार काम करती है तो कभी ये नहीं देखती कि नहीं ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए ही होना चाहिए हाँ कुछ चीजें हैं राशन वगैरह वो चल जाएगा लेकिन अब जब सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल में क्या होता है कि सभी लोग जाएंगे सभी लोग इलाज कराए आपका उसमें ठीक है ये चीजें अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ लिखा हुआ है कि स्पेशल मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज दैट दे हेल्प इन सोशल रिफॉर्म एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एट स्टिफ रेट्स कैन बी इम्पोज ऑन कम्युनिटीज कंजम्पशन इज जस्ट टू बी सोशली हार्मफुल ठीक है जैसे कि हुँ. जैसे कि नॉर्मल हम लोग बात कर चुके हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं सिगरेट बीड़ी तंबाकू मसाला इसमें टैक्स ज्यादा होता है लेकिन जो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं जो नुकसान नहीं करते उनमें टैक्स कम होता है लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा ठीक है अब आते हैं हम लोग डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है अब इनके डिमेरिट्स वगैरह क्या है डिसएडवांटेज भैया देख लो कि नॉट ऑलवेज इक्विटेबल ठीक है क्या बोल रहा है कि बराबरी पे नहीं रहता कभी कभी जैसे कि जो गरीब इंसान होता है जो अमीर इंसान होता है अब भाई साहब उन दोनों की परचेसिंग पावर अलग अलग होती है ठीक है लेकिन जो इंडायरेक्ट टैक्स वगैरह होता है क्या होता है वो भी कभी कभी जैसे अभी मैंने क्या कहा कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें टैक्स सरकार ज्यादा लगाती है हाँ, और जो इन होते हैं उनमें टैक्स हमारे पास कम लगता है ठीक है ये चीजें होती नहीं होती तो लेकिन अल्टीमेटली आप ये भी तो देखिए कि जो टैक्स वगैरह है वो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ गरीबी तो खा रहा होगा पी रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा हाँ हाँ भैया ये है कि जो गरीब इंसान होता है वो पचास रुपए का पौवा पीता है और जो अमीर इंसान होता है वो आपका जग डल्स पिएगा ठीक है या फिर अब दारू और तुमको मालूम नहीं यार ना बड़ी बड़ी ब्रांड्स पिएगा फॉरेन ब्रांड्स ठीक है तो यही चीज होती है देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे

रिच वन द प्रपोशनल टैक्स बर्डन ऑन द पुअर इज ग्रेटर दैट ऑन द रिच दे पे द सेम अमाउंट इन द टैक्सेस ठीक है तो जो देखो अभी का मतलब क्या हो गया कि यार जितने भी जो गरीब लोग हैं और जितने भी अमीर लोग हैं इस इंडिया की बात कर रहे हैं तो गरीब लोग ज्यादा टैक्स देते हैं कंपेरेटिवली अमीर लोग के मुकाबले क्योंकि मैंने क्या कहा कि गरीब इंसान क्या जो गरीब का जो इंडायरेक्ट टैक्स बेस है वो ज्यादा है और अमीर का कुछ मुठ्ठी गिनती गई लोग हैं तो यहाँ पे होता क्या जो टोटल जो 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 सम होता है टैक्स का वो जो और जो वो पुअर होते हैं ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के, के लिए ठीक है ये चीजें हम लोग सेकंड पॉइंट है ग्रेटर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एज आई जस्ट टोल्ड यू ठीक है कि इन डायरेक्ट टैक्स हम लोग ज्यादा कलेक्ट करते हैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कौन देता है सिर्फ अमीर इंसान लेकिन डायरेक्ट टैक्स गरीब तो नहीं देता ना लेकिन इन डायरेक्ट टैक्स दोनों ही देते हैं तो कॉमन सेंस है एक्शन कहां पे कलेक्शन होगा अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स में ठीक है बोल रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज यूजुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस व्हेन अ कमोडिटी इज टैक्स्ड द गवर्नमेंट मस्ट कीप कीप अ वॉच ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ दिस कमिटी इट इज नॉट इजी टू कीप अ वॉच ऑन सच सेल्स इन ईच मार्केट एंड इन ईच सिंगल शॉप ठीक है लेकिन तभी ऑन एन एवरेज हम लोग सरकार उसका देखती है अगर ये सारी चीजें हो जाए तो हमें लगता है जो गवर्नमेंट की जो इनकम है लगभग लाख करोड़ के पास चली है अगर हर एक एक चीज हर एक एक कम्युनिटी थर्टी लाख करोड़ के पास चल गया अभी तो बीस बाईस लाख के आसपास रहती है उसकी इनकम सरकार की यह तो आपको मालूम ही हो मालूम हो ध्यान में दिया करो यार समाचार पढ़ा पढ़ा करो देखा करो न्यूज वगैरह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ठीक है नेक्स्ट आता हमारे पास इलास्टिसिटी ठीक है अभी क्या है कि इलास्टिसिटी क्या होती है मतलब भैया लोअर या रब जितना इनकम उतना टैक्स ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स कम इनकम कम टैक्स लेकिन इसमें क्या इन इलास्टिक जितना बता दे उतना फिक्स है उस टाइम पीरियड के लिए तो फिलहाल फिक्स ही है ठीक है ये चीजें तो इनडायरेक्ट टैक्स आर लेस इलास्टिक दैन द डायरेक्ट टैक्सेस व्हेन एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इंपोस्ड द गवर्नमेंट रेवेन्यू डज नॉट गो अप वेरी मच बिकॉज द टैक्स विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ठीक है तो so जब टैक्स जो होता है भैया प्राइस बढ़ा देगा और जब प्राइस बढ़ा देगा तो क्या होगा फिर लोग उसको खरीदेंगे क्यों ही खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे समझे ये चीज हाँ hmm. है ना एंड द क्वांटिटी ट्रांजेक्टेड इन द मार्केट विल बी डिक्लाइन है इजी है नेक्स्ट हमारे पास अनसर्टेनिटी उसमें क्या था सर्टेनिटी थी इसमें क्या है अनसर्टेनिटी ये क्या बोल रहा है कि फॉर द सेम रीजन देर इज एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू फ्रॉम एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज द रेवेन्यू विल डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट राइज इन प्राइस एंड फॉल इन द क्वांटिटी कॉस्ड बाई का कॉज्ड बाय द टैक्स ठीक है To know these, the government must know the demand and supply curves of the commodity exactly. There may not be easy to know, ठीक है तो यहाँ पे uncertainty है कि भाई साहब आपने जहाँ पैसा बढ़ाया नहीं कि वहाँ पे लोगों ने उसको खरीदना बंद किया और जब लोग खरीदना ही बंद कर देंगे तो पहले जितना आ रहा था tax अब, वो भी, अब वो भी नहीं आएगा अब जब वो भी नहीं आएगा तो क्या होगा ultimately जहाँ government ये देख रही थी कि यार उसको इनकम होगी अच्छे से तो यहाँ पे यही चीजें हैं सारे जो डिमेट्स वगैरह हैं ये आप समझी गयोगे मेरिट्स एंड डिमेट्स वगैरह एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास और टैक्स के टाइप्स हैं ठीक है थीके? कि प्रोग्रेसिव है रिग्रेसिव एंड टैक्सेस ठीक है तो ये इतने टाइप के हमारे पास टैक्सेस होते हैं अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे कि, कि किस टाइप का टैक्स हमारे पास जरूरी होता है और हम लोग क्या पे करते हैं और किस टैक्स में क्या 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 मतलब होता है ठीक है तो इंपॉर्टेंट है देखते हैं जरा सबसे पहला हमारे पास आता है प्रपोशन टैक्स ठीक है तो प्रपोशन टैक्स का मतलब क्या होता है सपोज दैट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल गिवेन इन योर बुक ठीक है तो प्रपोशन टैक्स का मतलब क्या होता है कि एक भाई प्रपोशन है उसका आपको उतना ही टैक्स पे करना है सपोज करिए कि आपका जो इनकम है वो आपका सौ हजार रुपए है ठीक है तो अब उस हजार रुपए का आप दस परसेंट टैक्स दोगे सरकार को तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप हजार रुपए कमाओगे तो आप सरकार को सौ रुपए टैक्स के रूप में दे दोगे जब 2000 कमाओगे तब 200 सौ दे दोगे दो ठीक है जब दस हजार रुपए कमाओगे तब आप एक हजार रुपए सरकार को टैक्स रूप दे दोगे तो ये होता है प्रपोशन मतलब कि वन इज टू तो टेन का चल रहा है ठीक है कि जो अगर आपके पास दस चीजें हैं तो दस में से आप एक रुपया टैक्स के रूप में सरकार को दे दोगे ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोशनल टैक्स क्लियर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्रेसिव टैक्स अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है सपोज दैट कि जो टैक्स होता है जैसे हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है कि इनकम जैसे ही आपकी इंक्रीज कर रही है ठीक है जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हुई वैसे हमने टैक्स बढ़ा दिया ये नहीं कहा कि इनकम डिक्रीज हुई तो टैक्स भी डिक्रीज ना जैसे इनकम इंक्रीज हुई वैसे हमने टैक्स भी हमने आपको बढ़ा दिया ठीक है हम ये कह रहे हैं कि आपका एक साल में आपकी इनकम है हजार रुपए तो हमने आपको टैक्स किया दस परसेंट ठीक है तो कितना होगा सौ रुपये लेकिन जैसे ही आपकी इनकम दो हजार हुई तो दो हजार का फिर अभी दस परसेंट किया तब भी दो सौ रुपये किया ठीक है लेकिन जैसे ही दो हजार से ऊपर आप कमाए लग जाओगे ठीक है तो हमने क्या किया आज से बहुत ज्यादा कमा रहा तो ऐसा इसके ऊपर पंद्रह परसेंट टैक्स लगाओ ठीक है तो दो सौ दो हजार रुपए था तो अभी तक आपने दो सौ दिया अब अब जब आप तीन हजार रुपये कमाओगे तब तो आप कितना दोगे पंद्रह परसेंट दोगे ठीक है अब थ्री थाउजेंड का पंद्रह परसेंट कितना होता है मेरे को नहीं मालूम ठीक है अराउंड अराउंड दो ढाई सौ के आसपास रहेगा ठीक है ढाई तीन सौ के तो ये आप कि ये होता है कि प्रपोर्सन मतलब क्या होता है एक जो रेट है वो फिक्स था ठीक है लेकिन इसमें क्या है कि प्रोग्रेसिव में रेट फिक्स नहीं है ठीक है तो जैसे एज द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज योर इनकम इंक्रीजेस कैटे ठीक है अब यहां पे नेक्स्ट आता हमारे पास रिग्रेसिव टैक्स ठीक है ये क्या बोल रहा है कि ऑन दी अदर हैंड ठीक है अब क्या बोल रहा है कि द टैक्स सिस्टम इज कॉल्ड डिग्रेसिव इफ

ठीक है तो ये चीज है तो अब यहाँ पे क्या है इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास हजार रुपए इनकम है तो आप सौ रुपए टैक्स दो हजार है तो आप दो सौ परसेंट टैक्स दे रहे हो सॉरी दो सौ रुपए टैक्स दे रहे हो दो सौ परसेंट बोल रहे हैं दो सौ रुपए टैक्स दे रहे हो ठीक है लेकिन जैसे ही आपके उससे ज्यादा हो गए तो अभी तक तो जो दस परसेंट चल रहा था फिर मैंने कहते थे भाई साढ़े सात परसेंट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तुम दे देना ठीक है तो वो चीज मतलब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपने टैक्स को भी कटा दिया टैक्स को कटा दिया तो दैट इज द रिग्रेसिव टैक्स क्लियर नेक्स्ट आता आता है हमारे पास डिग्रेसिव टैक्स ठीक है अब डिग्रेसिव टैक्स क्या बोल रहा है दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ टैक्स ठीक है ये आप ध्यान ये इसको हम लोग इस स्पेशल बोलते हैं कि लगभग लगभग बहुत ही कम होता है ठीक है ये दस के मुकाबले आप समझ लो कि इसमें आप टू पॉइंट फाइव परसेंट टैक्स देते हो एज योर इनकम इंक्रीजेस ठीक है ये चीज है

लिखा हुआ है ना सपोज दैट द वेन द इनकमेड बट वेन इनकमेंड दिकमीज ठीक है तो जैसे ही आपके पास जो इनकम है वो हजार से दो हजार हुई तब आपका जो टैक्स था जो दस परसेंट से वो आपका टू पॉइंट फाइव परसेंट तक वो आ गया ठीक है आई होप कि आपको सारे टैक्सेस क्लियर वगैरह होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी लिखा हुआ ना यहाँ पे कि सबसे लास्ट में डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम ओनली स्पेशल टाइप ऑफ डिग्रेसिव टैक्स ठीक है जो सिस्टम होता है वो डिग्रेसिव का ही एक सिस्टम होता है जैसे अभी हमने कहा कि दस परसेंट था तो डिग्रेसिव में क्या था सेवन पॉइंट फाइव हो गया था लेकिन अब वहां पे सेवन पॉइंट फाइव ना हो करके आपको आप टू पॉइंट फाइव दे रहे हो गेटिंग अच्छा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है पूछ रहा है कि विस सिस्टम इज डिजायरबल ठीक है तो इतने जो चारों हम लोगों ने जो टैक्स पढ़े हुए हैं अब इनमें सबसे बढ़िया कौन सा है और कौन सा डिजायरेबल है मतलब क्या हमें हम लोगों को चाहिए होता है आ, या फिर जो वाइडली एक्सेप्टेड सॉरी एक्सेप्टेड टैक्स सिस्टम कौन सा है ठीक है तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि आर्गुमेंट्स फॉर द प्रोपोर्शनल टैक्स प्रोपोर्शन में क्या बोल रहा है कि जो प्रोपोर्शनल टैक्स है ठीक है ये क्या बोल रहे हैं कि पहली बात तो इनमें सिंप्लिसिटी होती है यूनिफॉर्मिटी होती है एंड द प्रोडक्टिविटी होती है ठीक है सिंपल आप जानते हो सिंपल में क्या बोल रहा है कि भाई साहब दस परसेंट के हिसाब से दे रहे हैं दे देंगे ठीक खुश हैप्पी दे देंगे ठीक है यहाँ पे क्या बोल प्रोपोर्शनल टैक्स रेट्स कैन बी कैलकुलेटेड इजिली विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन एंड से दीज टैक्स सिस्टम आर सपोर्टेड फॉर देयर ठीक है इतने आसान होते हैं कोई दिमाग का झंझट नहीं है चिल्पा नहीं है कुछ भी ठीक है दस परसेंट ही देना है ना ठीक है दे देंगे खत्म करो ठीक है सेकंड आता है यूनिफॉर्मिटी अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म रहता है टैक्स सिस्टम जो एक यूनिफॉर्म है जो सभी को देना है ठीक है नॉर्मल वर्किंग क्लास सेविंग क्लास अपर क्लास इलीट क्लास सबको देना है तो मतलब यूनिफॉर्म है सबके साथ एक ही साथ एक ही मतलब सिस्टम है तो क्या बोल रहा है कि इन दिस केस द टैक्स रेट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल फॉर ऑल इनकम अर्नर्स टैक्स पेयर ऑल्सो डो नॉट अपोज सच अ टैक्स रेट ठीक है तो जो टैक्स पेयर होते हैं वो भी इस टाइप के टैक्स रेट को अपोज नहीं करते हैं क्योंकि ठीक है सभी दे रहे हम भी दे रहे सबके घर की पत्ती की मेरे घर की पत्ती चली गई तो फिर क्या उग्र हो गया ठीक है ठीक है पूरे मोहल्ले गई ना तो मेरी भी चली गई ठीक है कोई बात नहीं धरना पसंद नहीं करेंगे लेकिन अगर मेरी ही चले गई तो वे पसला हो जाएगा यार ठीक है ये चीजें नेक्स्ट बोल रहा है कि थर्ड है प्रोडक्टिविटी है ठीक है क्या है इसका दिस टाइप ऑफ टैक्स डू नॉट ऑल्सो अफेक्ट द वर्क एफर्ट्स और द सेविंग प्रोपेसिटीज ऑफ द टैक्स पेयर्स इट डज नॉट जनरेट एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन एन इकोनमी ठीक है तो जितना भी जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको भी नहीं क्रिएट करता है और प्रोडक्टिविटी वगैरह भी ठीक ही ठाक रहती है तो इस हिसाब से ठीक है मतलब कि मेरे को और जो प्रोपोर्शनल है टैक्स ठीक लगता है ठीक है ऐसा अभी क्या बोल रहा है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रोपोर्शनल टैक्स प्रोपोर्शनल टैक्स देखो हर एक क्या बोला गया ठीक है अभी आर्ग्यूमेंट्स फॉर uh, मतलब फॉर कर रहा है और अगेंस्ट मतलब कि इसके खिलाफ और इसके साथ ठीक है अभी हम लोगों ने फॉर के लिए बात की अब अगेंस्ट में क्या बोल रहे हैं के कि फेज टू इस्टैब्लिश इक्विटी ठीक है इक्विटी नहीं क्रिएट कर रहा है इक्विटी मतलब ये होता है कि भाई साहब अब आप 50 लाख से भी 10 परसेंट का ले रहे हो और एक करोड़ वालों से भी आप 10 परसेंट का ले रहे हो तो ये तो गलत बात है ना कि 50 लाख लोगों वालों से आपको कम लेना चाहिए था और एक करोड़ वालों से आपको ज्यादा लेना चाहिए था और जो महीने का एक लाख कमा रहा है उससे भी यार कम ही लेना चाहिए था आपको ठीक है अगर आप सब में दस ही परसेंट का कर दोगे तो, तो फिर यह मसला हो जाएगा ना यार ठीक है भाई जो कम कमा रहा है आप उससे कम लीजिए जो ज्यादा कमा रहा है आप उसे ज्यादा लीजिए मतलब कोई किसी की इनकम है दस करोड़ रुपया मान लो सौ करोड़ रुपया किसी की इनकम है तो आप सौ करोड़ का दस ही परसेंट ले रहे हो ठीक है दस करोड़ का कमा रहा है तो दस करोड़ से आप सिर्फ उससे एक ही करोड़ रुपए टैक्स ले रहे हो तो होते दस परसेंट कमा रहे हो तो उससे ज्यादा लो ना उससे तीस परसेंट लो चालीस परसेंट लो ठीक है ये चीजें तो फेल टू स्टैब्लिश इक्विटी ठीक है तो इक्विटी नहीं स्टैब्लिश कर पा रहा है ठीक है इक्विटी मालूम है ना इक्वालिटी और इक्विटी बताया था नेक्स्ट है सेकेंड की नॉट इम्पोज इन अकॉर्डेंस विद टैक्स पेइंग कैपेसिटी ठीक है या कैपेबिलिटी जो होती है तो टैक्स पेइंग जो कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है ठीक है अब किसी का पोटेंशियल नहीं है दस परसेंट देने का वो सात ही परसेंट दे सकता है तो आप उसमें भी दस परसेंट घुसे रहे दे रहे हो ठीक है अब किसी की क्षमता है बीस देने का तीस देने का लेकिन वो भी मौजूद है कि भैया देख हमको तो दस देना हम क्या बोले

अब वो भी दस परसेंट दे रहे हैं तो तो मौज में रहेंगे ना कि भैया हमें तो चलो हमारा पैसा ही बच रहा है ठीक है तो इस वजह से इन इलास्टिक इन नेचर सबसे पहला हमारे पास है इन इलास्टिक मतलब जो भी इनकम स्लैब आपको कुछ भी हो आपके पास मतलब उतना डिफरेंस नहीं आता ठीक है तो आपको उतना दस परसेंट देना है तो उतना ही देना पड़ेगा मतलब रिजिट जिसे हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट क्या है कि इन एडिक्वेट रेवेन्यू ठीक है ये क्या बोला कि दीज टैक्सेस डू नॉट ऑल्सो जनरेट सब्सटांशियल अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एक्स चेकर ठीक है गवर्नमेंट एक्स का मतलब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है सरकार के पास उतना पैसा भी नहीं आ पाता क्यों भाई जिसकी इनकम है दस हजार उससे भी तुम दस परसेंट ले रहे हो ठीक है मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं मान लो एक इनकम है आपकी एक लाख रुपया आप उससे दस परसेंट ले रहे हो लेकिन जिसकी इनकम है दस करोड़ आप उससे भी दस परसेंट ले रहे हो तो ये तो नहीं होना चाहिए ना तो इससे होता है अल्टीमेटली जो सरकारी जो खजाना होता है उसको लॉस होता है क्या जिसकी जिसकी कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी है है देने की तो आप उसे 30 है। जिसकी है 5 देने की, आप उसे उसे लीजिए लीजिए खत्म बात भाई जिसकी इनकम कम है आप उससे कम टैक्स लीजिए डायरेक्ट टैक्स और जिनकी इसकी जिसकी इनकम ज्यादा है आप उसे ज्यादा लीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं आगे ठीक है नीचे काटू से जा रहे हूं चलो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा ठीक है अभी क्या है कि arguments फॉर द प्रोग्रेसिव टैक्स अभी प्रोग्रेसिव क्या था ठीक है वापस एक बार करो अभी पे क्या बोल रहे हैं डिफरेंट सेक्शन ठीक है section, अभी यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव मतलब क्या है अभी हम लोगों ने प्रपोशन पढ़ा और प्रोग्रेसिव यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एज द इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट also इंक्रीजेस यहां बताया था ना अभी देखो हुँ? तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका जो टैक्स रेट होता है आपका वो भी बढ़ता है ठीक है तो अगर आपका इनकम है दस करोड़ रुपया तो हम आपका टैक्स रेट बढ़ा देंगे ट्वेंटी परसेंट कर देंगे लेकिन जो एक ही करोड़ कमा रहे हैं हम उनका दस परसेंट ही रखेंगे ऐसा ठीक है तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द रिडक्शन ऑफ द इन इक्वालिटी तो इन इक्वालिटी का जो रिडक्शन होता है वो हमारा कम हो जाता है जैसे कि कि भाई जिसके पास कम इनकम हो रही है तो उसके पास पैसा होता है मतलब बच रहा है ठीक है क्योंकि हमने टैक्स कम रखा है लेकिन जिसके पास ज्यादा इनकम है तो उसके पास टैक्स हम ज्यादा लेके उसके हम इनकम बराबर कर रहे हैं तो ये पर्सन इस क्लास का पर्सन और इस क्लास का पर्सन क्या कर रहा है वो एक ही लेवल पे एक ही प्लेटफॉर्म पे कट टू कट मैच कर रहा है ठीक है कि पैसा इसके पास भी इसके पास भी इसके पास कम इनकम है तो सरकार कम टैक्स ले रही है इसके पास इनकम ज्यादा है तो सरकार टैक्स ज्यादा लेकर के इसका पैसा कम कर दे रही है ठीक ये चीजें नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स बर्डन ठीक है burden, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ठीक है जिसकी जैसी इनकम उसका ऊपर वैसा टैक्स तो इक्विटेबल इनकम इक्विटेबल टैक्स ठीक है ये चीज है क्या दिया यहाँ पे कि सिंस द प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू पे द रिच पर्सन है तो ये चीजें इजी है इजी जी वेरी इजी। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है कोई बहुत ही बिजनेस ट्राइक है तो उसके पास बहुत ही ज्यादा टैक्स लग जाएगा ठीक है तो ऐसा करके नेक्स्ट है हमारे पास मोर इलास्टिक जैसे अभी प्रीवियस वाला क्या था हमारे पास इन इलास्टिक था लेकिन यहाँ पे क्या है मोर इलास्टिक अगर मान लो कि आप भैया साल का पांच लाख छह लाख कमाते हो तो आपको ढाई परसेंट टैक्स देना पड़ेगा उससे ज्यादा कमाते हो तो सात परसेंट फिर उससे ज्यादा कमाते हो तो दस परसेंट तो हाईली इलास्टिक है ठीक है एज द इनकम द टैक्स इंक्रीजेज दिल ऑल्सो इंक्रीज यहाँ पे क्या बोला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ठीक है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में भी काम में आता है अभी हमने क्या कहा था जस्ट प्रपोशन वाले में ये कहा था कि जो टैक्स जब स्लैब एक ही होता है सबका दस ही परसेंट देना है तो गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में पैसा कम जाता है क्योंकि जिसकी कैपेसिटी होती है वो तो कम दे रहा है ना लेकिन अब यहाँ पे क्या है हमने उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जो टैक्स का जो रेट होता है वो हमने डिसाइड कर दिया है जब भाई साहब जो अब एक करोड़ रुपया सिर्फ टैक्स दे सकता है तो हम तो उससे एक ही करोड़ लेंगे ना क्योंकि उसका जो हमने वो तो वो तो हमको देगा पैसा टैक्स के रूप में तो यहाँ पे क्या होता है जो गवर्नमेंट लिखा ना हाँ सोशल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो वो इसको जो इस, स्टेबिलिटी इस, इस होती है वो उसका इकोनॉमिक ठीक ठाक रहता है और जब सरकार ज्यादा टैक्स लेगी इन इन लोगों से तो वो ज्यादा वेलफेयर के लिए वो काम कर सकती है समझ में ठीक है ठीके? ये चीजें अभी तक फॉर पड़े तब जरा अगेंस्ट भी देख लो चाचा चा। अब क्या बोल रहे हैं अगेंस्ट में है आर्ग्यूमेंट अग, अगेंस्ट द प्रोग्रेसिव टैक्सेस कि पहला है कि डिस्करेजेस वर्क एफर्ट ठीक है अब डिस्करेज वर्क एफर्ट अब भाई साहब जरा ये बताओ अच्छा हम अगर दस करोड़ लेंगे कमाएंगे तो, तो हमसे एक करोड़ रुपया टैक्स लोगे हैं तो अब उसको सामने वाले को ये लग रहा है कि जितना ज्यादा हम कमाएंगे तो उससे उतना तो हम लोग उससे तुम लोग टैक्स ही देते दे रहे दे ठीक है अब दस करोड़ कमाएंगे तो हम एक करोड़ टैक्स दे रहे हैं और अगर हम लोग सौ करोड़ कमाएंगे तो दस करोड़ हम टैक्स मतलब ज्यादा टैक्स देंगे तो हम क्यों ही टैक्स देंगे हम कम कमाएंगे मेरी दाल रोटी चल रही ना जिंदा है ना भाई अगर कोई मेहमान आ रहा है तो भूखा तो नहीं जा रहा ना ठीक है तो फिर हम काम क्यों ही करेंगे नहीं करेंगे जाओ ठीक है ये चीज है तो डिस्करेजेस वर्क एफर्ट ठीक है तो वहां पे लोगों को मोटिवेट भी नहीं करता वो काम करने के लिए तो और कहता है भैया अच्छा ठीक है हम भी हम भी नहीं करेंगे जितना कमा रहे हो ठीक उतना उतने में तुम टैक्स ले लो कम में ले लो तुम ठीक है ये चीज है नेक्स्ट क्या बोला डिस्करेज सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है तो सेविंग को भी वो डिस्करेज करता है और जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसको भी वो डिस्करेज करता है क्यों क्योंकि एक मेजर जो पोर्शन होता है वो वो तो आपका टैक्स के रूप में चला जा रहा है तो जब टैक्स के रूप में चला जा रहा है तो आपकी सेविंग क्या हो जाती है वो कम हो जाएगी ठीक है ये चीज है नेक्स्ट आता है टेंडेंसी ऑफ द टैक्स इवेजन ठीक है अब टेंडेंसी ऑफ टैक्स इवेजन तो अल्टीमेटली होता है कि टैक्स को बचाने के लिए हम लोग फिर नए 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 क्या मतलब कि जो इलीगल जो ऑफेंस वगैरह होता है जो इलीगल काम होता है हम लोग वो करने लगते हैं ठीक है थीके? उसको किसी तरीके से इवेट कर सकते हैं अपनी जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं मैनुपुलेट कर सकते हैं तो ये सारी चीजें है ना कि भैया सीए का लिए होते हैं इन्हीं सब चीजों के लिए होते हैं अरे भैया देख लो अरे भैया अरे भैया ऐसा करते करते चल समझे ये तो क्या लिखा हुआ इसमें क्रिएशन ऑफ द ब्लैक मनी इन सोसाइटी ठीक है फिर ब्लैक मनी क्रिएट होने लगती है ये सारी चीजें अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोग्रेसिव सिस्टम अडॉप्टेड ठीक है अब प्रोग्रेसिव सिस्टम यहाँ पे बोल रहा है प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या है गुरु अब जब प्रोग्रेसिव सिस्टम का भी एक दिया हुआ है ना देखो जैसे टैक्स स्लैब यहाँ पे दे रहा है कि बोल रहा है कि अगर आपकी जो इनकम वगैरह है ठीक है अब इनकम मतलब क्या होता है जहां पे ये जैसे ये बोल रहा है कि जो प्रोग्रेसिव सिस्टम यहाँ पे बोल रहा है कि एज द इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट ऑल्सो इंक्रीजेस अब प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे टैक्स स्लैब रहेगा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो ये टेबल दिया हुआ है कि जब ढाई लाख तक की इनकम है साल की बात कर रहे हैं जब ढाई लाख तक की इनकम है तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे लेकिन अब जब आपके ढाई से पांच लाख की इनकम है उस पर पांच परसेंट लेंगे लेकिन अभी का जो रेशियो है वो आपका चेंज हो गया अब पांच लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता ठीक है लगता है लेकिन मतलब बहुत ही कम लगता है ठीक है ये चीज होती है तो यहां पे देखो जरा पांच लाख से जब दस लाख आती है इनकम तो आपका ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा और जब दस लाख से ज्यादा की है तो आपका थर्टी परसेंट लग जाएगा ठीक है तो अल्टीमेटली आप यही समझ लो कि जैसे कि जो प्रोग्रेसिव सिस्टम अडॉप्टेड है कि इन द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम विच बीन अडॉप्टेड ऑलमोस्ट एवरी वे इन द वर्ल्ड टूडे दिस इज बिकॉज द फैक्ट दैट द पॉसिबल डिस्टिंगटिव इफेक्ट इज अनलाइकली टू हैव एन ओवरवेलमिंग इफेक्ट ऑन दी वर्क एफर्ट इन सोसाइटी ठीक है तो लगभग लगभग अब लोगों को ये पसंद भी आता है कि यार ठीक है जिस तरीके से मेरी इनकम है उसके हिसाब से आप टैक्स को आप डालिए मेरे ऊपर ठीक है ये नहीं की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम है अब जैसे रख दें तो प्रपोर्शन में तो इंसान का दम ही निकल जाएगा वो कैसे कर पाएगा ठीक है तो जैसे उसकी इनकम रहेगी आप वैसे उससे टैक्स रखिए वो कोई कुछ नहीं कह रहा आपके ऊपर ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अब पब्लिक एक्सपेंडिचर ठीक है अब यहाँ पे क्या बोल रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है अब भाई साहब जब सरकार इतना पैसा कमा रही है इतना सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है तो वो क्या करेगी अब सरकार उसका अचार तो डालेगी नहीं ठीक है द थिंग इज दैट कि अब वो कहीं पे खर्चा करेगी तो अब जब पैसा खर्चा कर रही है तो अब हमें ये भी देखना है कि क्या वो जो पैसा लगा रही है सरकार या जो भी जो पैसा वो खर्चा कर रही है तो ऐसा तो नहीं कि वो कहीं पे ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते जहां पे कंपनी वो जो पैसा है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए या उसका कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट ना निकल पाए ठीक है या फिर ऐसी जगह पे हम पैसा ना लगाते जहां पर हमें लॉस हो जाए ठीक है तो सरकार को पैसा मिल रहा है देखो भाई पैसा मिल रहा है रेवेन्यू आ रहा है सरकार के पास अब सरकार के पास पैसा रखा हुआ है अब भाई अगर पैसा आइडल रखा रहेगा तो तो हम पहले बता चुके हैं अगर पैसा आइडल होता है तो मतलब वो इंडिविजुअल बेवकूफ होता है वो ग्रुप जो होता है वो पूरा जो कम्युनिटी होती है वो पूरी बेवकूफ होती है ठीक है द रीजन इज दैट कि भाई पैसे से ही पैसा बनता है ठीक है और जब आप अपना पैसा कहीं पे आप इन्वेस्ट करिएगा तभी ना तो आपको पैसा कमा के देगा तभी तो आपको वो आर मिलेगा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स ठीक है तो अब आपके पास पैसा है अब सरकार के पास पैसा है यहाँ पे तो सरकार क्या करेगी सरकार को ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहिए जहां पे उसको उस पैसे का लॉस ना हो उसको एटलीस्ट आर तो मिले रिटर्न तो मिले भाई उस पैसे लगाने का ठीक है तो लेकिन सरकार करती है कभी कभी वो कहीं अच्छी जगह पे पैसे लगाती है लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी जगह पे लगा देती है जहां पे उसको लॉस होने लगता है ठीक है अब सरकार की बुद्धि ये फिर जाती है जब भाई कोई इंडिविजुअली ऐसा कर सकता है वो तो सरकार है ठीक है तो आइए हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले की यहाँ पे जो सरकार का जो खर्चे होते हैं वो हम लोग कैसे देखते हैं या फिर कैसे कैसे वो सरकार खर्चे करती है ठीक है सबसे पहला आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ठीक है इनके कितने कितने टाइप होते हैं तो ये हम लोग दे लेते हैं पहला है हमारे पास की डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ठीक है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो गया सेकंड पॉइंट पे आएंगे हम लोग प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर थर्ड है डायरेक्ट एंड ट्रांसफर डायरेक्ट एंड ट्रांसफर एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है अब इसको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं कि देखते हैं कि क्या होता है और uh, कोशिश करते हैं समझाने की ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गवर्नमेंटल सॉरी डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ठीक है तो अब जरा देखो ध्यान से देखो अब डेवलपमेंटल क्या होता है कोई भी काम जब सरकार कोई भी हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करे जैसे कि आपका एजुकेशन हो जाएगा आपका रोड हो जाएगा आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा ठीक है या कोई भी ऐसा जब एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई जैसा सरकार काम कर रही होती है तो वो सारे ही कैटेगरीज में आता है हमारे पास डेवलपमेंट ठीक है ठीके? कि वो डेवलपमेंट कर रही हो विकास मतलब द विकास अब जब विकास हो रहा है तो हमारे पास क्या होता है सरकार को लगता है कि भाई सब पैसा लगाना चाहिए यहाँ पे ठीक है भैया अच्छी बात है लेकिन अब जब आप ये देखिए कि अब विकास के नाम पे हमें ऐसे भी चीजें नहीं करनी है कि जो हमारा सिर्फ व्हाइट एलिफेंट ही हो जाए व्हाइट एलिफेंट मतलब हम बता चुके हैं कि सरकारी संपत्ति ऐसी भी होनी चाहिए कि जहां पे आपको रिटर्न ही ना मिले ठीक है आपको मुनाफा ही ना रहो तो वहां पे ये तो हमारे पास होगा डेवलपमेंटल लेकिन अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो है हमारे पास नॉन डेवलपमेंटल ठीक है अब नॉन डेवलपमेंटल क्या हो जाता है जैसे कि जहां पे हम पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट के तरीके से नहीं लगा रहे ठीक है जैसे कि हमारा डिफेंस हो जाएगा मिलिट्री हो जाएगी तो क्या वो डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हम लोग अपने उस सेफ्टी के लिए कर रहे हैं समझो दिया हुआ ना यहां पे क्या दिया ऑन द अदर हैंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ठीक है तो नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मतलब वहां पे कुछ पैसा ऐसा नहीं आ रहा है रिटर्न नहीं मिल रहा है ठीक है जैसे हो जाएगा डिफेंस एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन ठीक है तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या है हमारे पास पैसा भी आ रहा है सरकार को मुनाफा भी हो रहा है जैसे, जैसे मान लो कि सरकार ने कोई एक अस्पताल बनाया हॉस्पिटल बनाया सौ करोड़ का ठीक है अब जब मरीज जाएगा वहां पे देखने के लिए या सॉरी दिखाने के लिए जाएगा अपना इलाज कराएगा तो वहां पे कुछ पेमेंट भी देगा कुछ फीस भी देगा तो वहां पे क्या होगा अब सरकार को पैसा भी आने लग जाएगा वहां से उसको रिटर्न मिल रहा है भाई साहब उसने लगाया सरकार ने अस्पताल बनाया सरकार ने स्कूल कॉलेज बनाया तो वहां पे सरकार को भाई जब बच्चे एडमिशन लेंगे जब लोग इलाज कराएंगे हॉस्पिटल में तब उसको रिटर्न भी तो मिलेगा उसको पैसा मिल नहीं तो रहा है उसके अगेंस्ट में ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास डेवलपमेंटल लेकिन जब पैसा नहीं आ रहा है जैसे कि डिफेंस हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें वगैरह जो हो गई ठीक है डिफेंस मिलिट्री क्या हमने आपको बंदूक खरीद के दी हमने मिलिट्री लगाया तो क्या हमको वहां से कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है बस सेफ्टी मिल रही ना इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं हो रहा है ठीक है दिस इज द डेवलपमेंटल एंड द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंसिस ठीक है नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रोडक्टिव एंड द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ठीक है जैसे नाम नामे है कि प्रोडक्टिव ठीक है कोई भी चीज को हम लोग प्रोड्यूस करना या प्रोडक्टिव हो जाना और अनप्रोडक्टिव मतलब कि जिसका जो रिलेशन uh, है वो प्रोडक्शन से कम हो जाना है ठीक या फिर अनप्रोडक्टिव होना ठीक है यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैं सारी ही चीजें आपके बुक से करा रहा हूँ ठीक है मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जो मैं आपके बुक के बाहर चीजें बता दू या ऐसा कुछ भी बता दू रॉकेट साइंस की आपको समझ में ना आए बहुत ही सिंपल बहुत ही क्रिस मैनर में मुझे नहीं लगता कि आ, ये जो इकोनॉमिक्स जो, जो चैप्टर मैं रहा बता रहा हूं यहाँ पे वो पूरे यूट्यूब पे इतने आसान भाषा में होंगे ठीक है आराम से इतनी इजी लैंग्वेज बता रहा हूं ताकि एक कोई बहुत ही जो नहीं भी पढ़ता है बच्चा ना उसको भी आराम से समझ में आ जाएगा ठीक है तो बस ठीक है अगर अच्छे लगे तो वीडियो भाई शेयर वगैरह भी कर दिया करो ठीक है चलो देखो क्या दिया हुआ है प्रोडक्टिव में कि प्रोडक्टिव पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इज द टाइप ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोमी ठीक है जो सर्विसेज वगैरह हो रही है जो गुड्स वगैरह हो रही है वो भी आपकी इंक्रीज कर रही है ठीक है प्रोड्यूस कर रही है ना प्रोडक्टिव चीजें अच्छी चीजें करना ठीक है एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर बिकॉज इट रिजल्ट इन इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ठीक है तो जो खेती बाड़ी जो थी वहां पर क्या प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है भाई अगर हमने वहाँ पे एच वाई सीज़ लगा दिए या फिर हम लोग हम लोगों ने उस खेतों में मशीनी का यूज कर लिया ठीक है या अच्छे सीड्स या यूरिया वगैरह अच्छा क्वालिटी का लिया तो वहां पर जो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो गेहूँ का चावल का किसी भी चीज का खेती का तो वो हमारा ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा वो हमारा एक प्रोडक्टिव चीज होगी समझ में तो ये चीज़ अब नेक्स्ट क्या हमारे पास कि ऑन द अदर हैंड इफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज सच दैट इट डज नॉट इंक्रीज आउटपुट जब आउटपुट नहीं इंक्रीज हो रहा है ठीक है इट डज नॉट इंक्रीज आउटपुट इट इज कॉल्ड द अन प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर ठीक है इजी है गिविंग सब्सिडीज टू द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज ठीक है या एंटरप्राइजेज यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर ठीक है लॉस मेकिंग कंपनी को आप पैसा डाल रहे हो आप सब्सिडीज दे रहे हो ठीक है जैसे आपका बेसनल हो जाएगा तो वहां पे क्या है लॉस तो कर रही है लेकिन अब अगर आप उस पर रिवाइवल के लिए आप पैसा डालते रहो डालते रहो डालते रहो तो वो आपका पैसा एक लॉस में क्रिएट हो जाएगा ठीक है अब डिफेंस में आप खर्चा तो कर रहे हो ठीक है वो नॉन डेवलपमेंटल है लेकिन एक्सेस कर देना बहुत ही ज्यादा जहां पे कोई मान लो कि दस शोल्डर की जरूरत है तो अब वहां पर आप सौ लगा रहे हो तो एक्सेस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज की अति किसी भी चीज का एक्सेस वो लॉस ही क्रिएट करता है समझो तो ऐसा ठीक है आई होप क्लियर होगा प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ठीक है अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट एंड द ट्रांसफर एक्सपेंडिचर ठीक है ये जरा देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द गवर्नमेंट स्पेंड्स आर गिवन अमाउंट फॉर परचेजिंग अ पार्ट ऑफ द करंट नेशनल आउटपुट इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है

सभी कुछ इसमें आता है अब डिफेंस गुड्स वगैरह क्या डायरेक्ट कर रही है अब क्या डिफेंस जब आता है तो क्या डिफेंस में आप ऐसा कहोगे कि नहीं हम सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही डिफेंस देंगे या हम महाराष्ट्र को ही डिफेंस देंगे बाकी जम्मू कश्मीर को हम मिलिट्री पावर नहीं देंगे राजस्थान को मिलिट्री पावर नहीं देंगे ऐसा होता है क्या नहीं ना तो वहां पे क्या होता है कि यहां पे डायरेक्ट चीजें सरकार खरीदती तो वहां पे सेंट्रल जो नेशन गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही खरीदती है तो उसकी ये ड्यूटी होती है कि नेशन वाइड पूरे इंडिया में हमें एक मिलिट्री का कवर देना है और जो उस टेरिटरी के अंदर है इंडिया के अंदर हमें एक पुलिस का कवर देना जिससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो सके तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो सरकार खुद करती है जो सरकार खुद करती है ठीक है अब क्या आप एटम बम की टेस्टिंग कर सकते हो पर्सनल एंड पे क्यों नहीं अंबानी अडानी करते हैं भैया क्यों नहीं करते हैं उनके पास पैसा नहीं कहते सके नहीं करते लेकिन ये सब क्या है ये सेंट्रल पावर की एडवांटेजेस होती हैं ये सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है ठीक है कोई भी मिलिट्री जो होता है वो खुद की मिलिट्री नहीं रह सकता यूपी की खुद की मिलिट्री है बिल्कुल ही नहीं जो मिलिट्री वगैरह जो होती है वो किसकी होती है वो सेंट्रल की होती है समझ में तो ये चीज है लेकिन अब नेक्स्ट क्या हमारे पास ट्रांसफर एक्सपेंडिचर अब ट्रांसफर में हमारे पास क्या होता है जितने भी हमारे जो ओल्ड एज लोग होते हैं या जो अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं अब उनको ओल्ड एज पेंशन स्कीम देती है सरकार तो सरकार क्या बोलती है भैया आप घर में बैठे रहो हम आपको एक ट्रांसफर एक अमाउंट दे देते हैं पंद्रह सौ रुपए दो हजार रुपए महीना दे देते दे हैं दे दे, जिससे कि आप घर पे रहो और हम डायरेक्ट आपको ट्रांसफर करते हैं ठीक है तो आपके जितने भी जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं जो खर्चे वगैरह होते हैं आप उनको आराम से मीट कर सकते हो ठीक है तो ये सारी चीजें होती है आपके ट्रांसफर पे क्या दिया इसमें ऑन द अदर हैंड डज नॉट करस्पॉन्ड टू एनी प्रोडक्टिव ट्रांसफर एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन ओल्ड एज पेंशन वगैरह हो गए अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिकनेस बेनिफिट एक्सेट्रा शुड बी टर्म्ड एज ट्रांसफर एक्सपेंडिचर ठीक है ये चीज है आई हो समझ में आ गया होगा ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है अब रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है तो आप रेवेन्यू को ऐसे समझिए कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यहां पे हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो किसी भी टाइप का एसेट्स नहीं क्रिएट कर रही है ठीक है एसेट समझते हो ना क्या होता है जैसे कि आप हाउसिंग लो या आप जैसे स्टॉक्स ले लो ठीक है अगर आपने फ्लैट ले लिया फ्लैट को आपने रेंट कर दिया ठीक है मान लो कि आपने फ्लैट लिया था दस हजार दस लाख रुपए का आपको रेंट मिल रहा है हर महीने दस हजार रुपए का तो क्या है भाई साहब दस लाख की तो वैल्यू तो है ही है और प्लस आपको कमा के भी दे रहे हैं ठीक है थीके? तो उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है उस घर की वैल्यू कम नहीं हो रही है लेकिन वो आपको कमा के भी दे रहे हैं तो आपका जो रिटर्न मिल रहा है ना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसेट्स ठीक तो है तो अब यहाँ पे एसेट्स क्रिएट कर रहे हो क्लियर है तो यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है कि द एक्सपेंडिचर विच नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है तो उसको हम लोग रेवेन्यू के उसमें लेकर क्या जहां से हमें बस मुनाफा हो रहा होता है ठीक है मतलब एसेट्स नहीं क्रिएट कर रहा है क्लियर कोई भी ऐसी टेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं बन रही आप ऐसे समझिए को, कोई भी हमारे पास टेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं बन रही है बस हमारे पास एक रेवेन्यू हमें एक मुनाफा आ रहा है ठीक है सो दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सॉरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस अदर सर्विसेज इंटरेस्ट चार्जेस ऑन द डेप्थ इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फाइने टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करते हैं तो इसमें आता हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज होती है सिविल एक्सपेंडिचर हो जाएगा डिफेंस एक्सपेंडिचर हो जाएगा ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स हो जाएगा मतलब कि किसी भी एड uh, देना या फाइनेंशियल uh, हेल्प करना किसी भी स्टेट को या कहीं पर अगर कुछ स्टेट में uh, नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ गया है तो उस स्टेट को हमें हेल्प कर देना कि पांच सौ करोड़ छह सौ करोड़ रुपया दे दिया या हजार करोड़ दे दिया हम जिससे कि वो जो स्टेट है वो ओवरकम uh, कर सके अपने आप को उन उन प्रॉब्लम वगैरह से ठीक है है जिससे नेचुरल डिजास्टर वही चीज़ है। क्या हुआ है कि द सिविल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन ऑर्गन्स ऑर्गन्स ऑफ स्टेट फिजिकल सर्विसेज एंड एक्सपेंडिचर जैसे कि एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पब्लिक डेप्थ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जनरल इकोनॉमिक सर्विसेज एंड सो ऑन ठीक है आई होप ही क्लियर होगा और यहाँ पे देखिए सेकंड पैरा में दिया हुआ है कि द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फिजिकल सर्विसेज हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस हो गया इंटरेस्ट पेमेंट हो गया पेंशन एंड मिसिलेनियस जनरल सर्विसेस ठीक है लाइक द दा सोशल एंड द कम्युनिटी सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन फैमिली प्लानिंग पब्लिक हेल्थ हाउसिंग तो ये सारी चीजें आएंगी हमारे पास रेवेन्यू सर्विसेज में ठीक है तो रेवेन्यू सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप समझ गए कि जहां पे हमें एसेट्स कंपनी क्रिएट नहीं कर रही सॉरी गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर रही है एसेट्स और वहां पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वहां पर सिर्फ हमें रेवेन्यू से मतलब है हमें मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है कि अगर आपने कोई भी चीज कर दी तो आपको उसके आगे से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बस इतना अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉइंट है दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है अभी हम लोगों ने बात की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल की तो कैपिटल में यहाँ पे सरकार क्या करती है कैपिटल में सरकार ज्यादा जोर डालती है ताकि वो एसेट्स क्रिएट कर सके लैंड लैंड बिल्डिंग मशीनरी एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है तो ये सारी चीजें क्या होती है वो उसके एसेट्स होती है अब एसेट्स क्या होते हैं अभी हमने आपको बताया कि जो एसेट्स होते हैं वो अगर आप कहीं पे भी, भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो कमा करके देखते हैं ठीक है सपोज करिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सपोज करिए कि आपके पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है अब आपने उस प्लॉट में एक घर बना लिया ठीक है तो अब उस घर के बनाने के जो कॉस्ट है लगभग लगभग मान लीजिए कि एक करोड़ रुपए की आपके घर बना ठीक आपने कर लिया की उसमें दस फ्लोर का घर बना दिया या फ्लैट बना दिया आपने अब उन दस फ्लैट को आपने रेंट पे उठा दिया ठीक है कॉस्टिंग आई पूरे की एक करोड़ बनाने की अब किया क्या आपने जब वो दस फ्लैट आपने उठा दिए रेंट पे तब आपने क्या किया आपको वो रेंट मिल रहा है अब होता क्या है एसेट्स की आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है अब उसकी इवाल्यूशन तो यार साल दर साल तो महंगी होती ही प्रॉपर्टी वो तो मालूम है आपको तो जब इवाल्यूशन में देखा जाता है कि जब उसकी प्रॉपर्टी तो महंगी हो ही रही है और प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है मतलब जो प्लॉट आपने मान लीजिए पूरा जो घर बनाया प्लॉट के सहित सब कुछ आपने एक करोड़ खरीदा था ठीक है अब दो साल बाद वो शायद कि वो डेढ़ करोड़ का करोड़ का हो गया लेकिन अब, आपने दो साल उसका रेंट भी तो लिया ठीक है अगर आपके पास दस फ्लैट है उसमें और हर एक फ्लैट से आपको फिफ्टी थाउजेंड का रेंट आ रहा है ठीक है या मान लीजिए कि कितने मान आ ही रहा है, तो आप कितना कमा रहे हो एक महीने में पांच लाख रुपया ठीक है अब जब आप लाख आप कमा रहे हो अब दो साल बाद आप कितना कमा लोगे वो आप कैलकुलेट कर लो ठीक है तो आपका क्या होता है कि आपकी इवाल्यूशन प्रॉपर्टी तो बनी रही है मतलब उसका ज्यादा हो गया मार्केट रेट के हिसाब से और आपने आपको भी वहां पे मिल रहा है तो यहां पे इसीलिए इसको बोलते हैं एसेट्स क्रिएट करना कि जितना हो सके आप एसेट्स क्रिएट करिए ठीक है चाहे वो लैंड हो सकता है बिल्डिंग हो सकती है प्रॉपर्टी हो सकती है आपके शेयर्स हो सकते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है तो सर सरकार इस पर ज्यादा जोर डालती है और वो ये सोचती है कि भाई सब जितने भी सरकारी संपत्ति हो सकते हैं, हम लोग उसको और उससे हमको क्या मिले? Returns मिले, ठीक है? है ये यहां पे दिया हुआ ना कि जैसे कि क्रिएशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन द शेयर लोन्स एडवांस ग्रांट्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज गवर्नमेंट दिया हुआ है अब यहाँ पे सेकंड पैर में बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ लेस डेवलप कंट्री दैट इज द इंडिया ठीक है जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे होता क्या है उसको जो एक सिक्योरिटी मिल जाती है एक सेफ्टी मिल जाती है सरकार को ठीक है क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर सिग्निफाइज दैट द गवर्नमेंट इज एक्टिवली इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज द द द ऑफ बेसिक एंड इंडस्ट्रीज ठीक है जो इस्टैब्लिशमेंट होता है तो अब वहां पे क्या होता है कि वहां पे डेवलपमेंट के लिए वो जो गवर्नमेंट है वहां की वो बहुत ही काम कर रही है क्लियर तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका मल्टीपर्पज इरीगेशन हो जाएगा सो so ऑन जैसे घेल सेल बेल तो ये सारी घेल सेल सॉरी गेल, गेल तो ये जितने भी हमारे पास जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्रिएट किया जिसको हम लोग बोलते हैं ना भारत पेट्रोलियम हो गया नॉर्थन कंपनी वगैरा हो गई तो ये सभी जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट ने एसेट्स क्रिएट किए हैं अपने लिए जिससे कि वो रिटर्न उसको मिल सके ठीक है बाकी अब अगर आप देख सकते हो तो इसमें नेक्स्ट लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है तो विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वे बिकॉज आपके एक कमेटिव आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट कर लो और देख लो कि क्या क्या कितना कितना शेयर है इसमें ठीक है बाकी तरह तो से कुछ है नहीं इसमें नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है फिफ्थ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ठीक है तो अब प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है जैसे कि हमारा नाम में ही है कि कोई चीज हम लोग जब प्लान करके कर, 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 करते हैं तो वो हमारे पास प्लान एक्सपेंडिचर हो जाएगा और किसी चीज को जब हम लोग प्लान नहीं करते हैं लेकिन तब भी वो हमसे हो जाती है वो हमारे पास नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो जाएगा ठीक है तो इसको हम लोग प्लान समझते हैं पहले क्या होता है कि प्लान आप समझिए कि जब भी हमारे पास जब देश आजाद हुआ था तब हमारी गवर्नमेंट ने ये फाइव ईयर प्लांस लेकर के आया थी वो किसके तर्ज पे वो यूएसएसआर के तर्ज पे आया था ठीक है जैसे कि रशिया में जो फाइव ईयर प्लांस होते थे वही की उसी को देखा था कि हमारे इंडिया में लेके आया गया फाइव ईयर प्लांस ठीक है तो जब फाइव ईयर प्लान में यह किया गया कि जब उसको वहां पर ये कैटेगराइज किया गया कि इस फाइव ईयर प्लान में हमारे पास ये 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 फलाफला प्रॉपर्टीज या सॉरी ये फला फल प्रायोर्टीज हमारे पास होंगी तो इन चीजों पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे जब वो फाइव ईयर का प्लान खत्म हो जाएगा तब नेक्स्ट हम लोग फाइव ईयर प्लान लेकर के आएंगे तो उसमें अलग अलग, अलग 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 जो भी सरकार को लगता है कि हाँ नहीं ये मेरे पास ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए तो हम लोग उसको वो रिकनाइज करेंगे ठीक है तो ऐसे करते 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 सरकारें अपने बहुत सारे फाइव ईयर प्लान लेकर के आए ठीक है तो जिसमें कि हर एक का मोटो कुछ अलग था भाई इस बार प्लान का कुछ अलग इस बार कुछ प्लान का कुछ अलग तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट फाइव ईयर के लिए हमें क्या करना है यह हमारा पूरा एक प्लान डॉक्यूमेंट में है कि हमें इन इन सेक्टर्स में इन इन डिपार्टमेंट्स में हमें ये अपना प्लान स्ट्रक्चर रखना है और हमें इन्हीं पे ही ज्यादा काम करना है मेन का हमारा इन प्लान इकोनॉमी पे ही होगा ठीक है तो क्या दिया हुआ यहाँ पे कि द एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू अचीव द प्लान टारगेट ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर प्लान पीरियड ठीक ठीक है है इस पे दिया हुआ है कि अंडरटेक्स एनी पीरियड एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम वॉज अंडर ड्यूरिंग द टेंथ फाइव ईयर प्लान ठीक है तो जो हेल्थ प्रोग्राम था वो वहां पर टेंथ फाइव ईयर प्लान पर ही आया था मतलब कि दसवां जो प्लान आया था जो सरकार ने रिलीज किया था तो हेल्थ के बारे में सोच रहे थे ठीक है थीके? तो ये चीजें अब क्या देगा कि देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्रोग्राम विल बी कंसीडर एज प्लान एक्सपेंडिचर एंड दिस प्लान एक्सपेंडिचर इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये चीजें करके ठीक है अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द द ऑन ऑन अदर अदर हैंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हेड्स देन हैं इंक्लूडेड अब यहाँ पे हम लोगों ने प्लान के बारे में बात की अब जब हम लोग यहाँ पे नॉन प्लान की बात करते हैं तो ये आप ये समझिए जहां पे हमारे पास कोई प्लान नहीं था लेकिन तब भी वो एक्सपेंसिस हो गया ठीक है सपोज करिए कि अगर आप किसी मॉल वगैरह गए हो जैसे मॉल में तो बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लेक्स वगैरह होते हैं शॉपिंग मॉल गए हो ठीक है आप कुछ आप लेने गए थे मान लो कि बिस्किट लेने गए थे तो आपने हंड्रेड रुपीज का बिस्किट ले लिया लेकिन अगर आपको ये लगा कि यार ये इसका कॉस्टिंग बहुत अच्छा है ठीक है मतलब कि बहुत सस्ता मिले चलो ये भी ले लेते हैं ठीक है अच्छा ये भी है ये भी ले लिया चलो वो भी चीजें ले लेते हैं बिस्किट भी लिया चॉकलेट भी ले लिया ठीक है एंड टूथपेस्ट ले लिया या जैम ले लिया या बॉनविटा ले लिया कुछ भी ले लिया तो वो आपकी एक प्लान नहीं था आप गए थे वहां पे बिस्किट लेने के लिए लेकिन वहां पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी था वो आपको उसने आपको ऐसा लॉलीपॉप दिया कि आपने वो भी चीजें खरीद ली तो जहां पे आप सिर्फ सौ रुपए खर्चा करने जा रहे थे आप वहां पे खर्चा करके आ गए हो हजार रुपए ठीक है तो अब होता क्या है कि जो भी आप खर्चा करते हो उससे वो चीजें ज्यादा ही हो जाती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन प्लांट ठीक है तो यहाँ पे एक्टिविटी हमारे हमारे पास कौन सी होती है कि सरकार जो भी खर्चा कर रही है सपोज करिए कि उसने कुछ रेलवे स्टेशन बनाया या उसने मेट्रो बनवाया कुछ भी बनाया तो उसका एक प्लान था ना प्लान था कि नहीं अब जब आप ये भी देखिए जब सरकार ने कुछ बनाई है तो उसका मेंटेनेंस भी तो लगता है गुरु की नहीं लगता है ठीक है जब मेंटेनेंस लगता है तो उसके पास भी एक स्पेसिफिक अमाउंट का खर्चे आते हैं एक एक्सपेंसिस होता है ठीक है कि भैया हम ये काम तो कर रहे हैं लेकिन प्लस हमें ये भी देखना है क्योंकि हमने बनाया है <laughs> तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर क्लियर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द रीसेंट रीसेंट टाइम ठीक है अब अच्छा अगर हम लोग एक ओवरव्यू देखें कि क्यों हमारे पास जो पब्लिक जो क्या बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर है इतने हमारे पास बढ़ रहे हैं या इतना हमारे पास पॉपुलैरिटी क्यों है सबसे पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट uh, है हमारे पास उसके पास वो एक बहुत ही बड़े आस्पेक्ट पे काम करती है हेल्थ रूरल अर्बन एंड मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ठीक है जितनी भी चीजें जितने भी सेक्टर्स होते हैं सरकार हर एक जगह पे काम करती है डिफेंस हो जाएगा ठीक है सब पे काम करती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो सरकारी संपत्ति के ज्यादा होने लगते हैं ठीक है हेडिंग क्या होती है फिर से एक बार हेडिंग हम लोग देखते हैं कि रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बोल रहा है मतलब क्या है सरकार सरकार को शौक नहीं है ऐसा करने का ठीक है लेकिन अब उस वो हर एक सेक्टर में इन्वॉल्व है गवर्नमेंट तो जब इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने लगता है तब सरकार के खर्चे भी ज्यादा होने लगते हैं समझ में आया तो जब इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा जब सरकार के खर्चे ज्यादा होंगे तो सरकार उन्हीं जगह पर खर्चा करती है जहां पे उसकी डिमांड होती है और डिमांड एंड सप्लाई मीट करती है तो जब सरकार ज्यादा खर्चा करेगी तो लोग ज्यादा उसका बेनिफिट उठाएंगे और ज्यादातर जो काम होता है वो इंसान के वेलफेयर के लिए काम होता है लोगों के वेलफेयर के लिए काम होता है जब लोग पहले बात कर चुके हैं कि जब भी गवर्नमेंट कोई काम कर रही होती दैट ऑलवेज सीक्स फॉर द बेनिफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ठीक है वो वेलफेयर का ही उसके पहले प्रायोरिटी होती है ठीक है पहले वो वेलफेयर जो हम जिस जिसके लिए हम काम कर रहे हैं क्या वो काम पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ठीक है ये चीजें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है ना कि द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन मॉडर्न स्टेट आर टू बी सीन इन द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर सर्च दैट तो पहला आता है कुछ आठ दस पॉइंट दिए हुए सबको देखेंगे एक साथ लाइन से तो पहला दिया हुआ है द नीड ऑफ द नेशनल डिफेंस सबसे पहले नेशनल डिफेंस की जरूरत ठीक है नीड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द नीड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम्स ट फॉर बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क समझ में आ रहा है तो ये सभी आप देखोगे तो हर एक सेक्टर को थोड़ा 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 कहीं ना कहीं छू छू जरूर है ठीक है तो अगर कोई एक सेक्टर होता है तो आप ये चलिए जो एक सेक्टर होता है वो कई सेक्टर्स को वो जॉब प्रोवाइड करता है गेट पॉइंट तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी जॉब प्रोवाइड करता है ठीक है फोर्थ है नीड फॉर द बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फिफ्थ है नीड नीड्स रिलेटिंग टू द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ठीक है एंड सिक्स हमारे पास नीड टू कैरी आउट द वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज सेवेंथ है नीड टू फाइनेंस अर्बन डेवलपमेंट एर्थ है एथ है द नीड टू सस्टेन अ ग्रोथ ग्रोइंग पॉपुलेशन नाइन्थ है नीड टू सप्लीमेंट प्राइवेट एक्सपेंडिचर वेन देर इज अ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी ठीक है एंड टेंथ है हमारे पास नीड फॉर द रूरल डेवलपमेंट ठीक है तो बहुत जगहों पर बहुत सारी जगह पे जहाँ पे जो सरकार काम करती है तो वो वेलफेयर के लिए काम करती है रूरल के लिए भी होता है और आपके पास एज वेल एज अर्बन के लिए भी होता है तो डिफेंस हो गया कम्युनिकेशन हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया इंडस्ट्राइजेशन हो गया जितने भी जो इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज के जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनके लिए भी हो गया तो अल्टीमेटली जहां जहां पे सरकार सोच सकती है कि हाँ मैं यहाँ 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 पे मैं काम कर सकती हूँ वो हर एक के लिए काम करती है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ठीक है अब यहां पे ये समझिए कि हमें अब पब्लिक एक्सपेंडिचर का इंपॉर्टेंस समझना है तो इसको हम लोग दो आस्पेक्ट समझ सकते हैं जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है तो पहला है हमारे पास एक प्रोडक्शन और एक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है फर्स्ट आएगा हमारे पास प्रोडक्शन और सेकंड आएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन तो अब इन दोनों के एस्पेक्ट में हम लोग समझते हैं कि जो पब्लिक जो खर्चा कर रही है तो वो खर्चा हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है वो एक्सपेंसिस हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है ठीक है जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी हम लोग पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब भी जब गवर्नमेंट हमारे पास एजुकेशन पे खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है और कम्युनिकेशन पे करती है रोड हो गया सेफ्टी हो गया तो ये सारी जैसे अभी हमने रोड की बात की कि अगर भैया अगर मान लीजिए कि दिल्ली से लखनऊ अगर गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाया है कोई हाईवे बनाया है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम लोग रोज जाना चालू कर देंगे भैया दिल्ली से लखनऊ हमारा रोज अप डाउन हो रहा है क्यों क्योंकि वहाँ आपका जो रोड है वो स्मूथ है समझ में रोड स्मूथ है तो हमें एक गाड़ी चलाने में बहुत ही आसानी होती है अब अगर वो रोड ना बनाए गवर्नमेंट या बहुत ही खड्डे हो वहां पे या कच्ची रोड हो मिट्टी के रोड हो तो क्या हम लोग रोज जाना पसंद करेंगे बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे ठीक है तो अब इससे होता क्या है अब वो रोड बनने से हम लोग जितनी बार जाएंगे हम लोग उतना टोल टैक्स देंगे तो जितना टोल टैक्स देंगे तो सरकार की इनकम उतनी ज्यादा होगी ठीक है अब भाई साहब डेली हम लोग जाएंगे तो डेली में रहेंगे खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे ऐश करेंगे और क्या <laughs> नहीं मतलब जाएंगे रहेंगे खाएंगे पिएंगे ठीक है कुछ हम लोग ऑफिशियल वर्क से जाएंगे तो कोई जब सरकार को जब एक काम करती है ना तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट पे उसके हमें बेनिफिट्स दिखते हैं ठीक है तो जब बेनिफिट्स दिखते हैं तो हमको यही समझ में आता है कि भाई साहब हाँ ये जो सरकार ने काम किया था इससे हमारी क्या हो रही है इनकम भी इंक्रीज हो रही है और मतलब जो हम लोग जो कंट्रीब्यूशन जो देना चाह रहे थे सरकार को वो भी मिल रहा है ठीक है तो आइए डिस्कस करते हैं तो पहला हमारे पास है प्रोडक्शन और दूसरा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो क्या दिया हुआ कि इंपॉर्टेंस इन द प्रोडक्शन ये भी हमारे पास तीन टाइप में इंपॉर्टेंस इन सप्लाई इफेक्ट इफेक्ट ऑफ ऑन डिमांड एंड थर्ड है इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है तो पहला है हमारे पास इंपॉर्टेंस इन प्रोडक्शन देखिए क्या है कि जस्ट एज द एक्चुअल आउटपुट ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई ठीक है ध्यान दीजिएगा एज वुड बी टोटल सो वुड बी द टोटल आउटपुट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन द टोटल डिमांड एंड द टोटल सप्लाई ठीक है जिस तरीके से जो एक इंडिविजुअल की जब डिमांड है समझ लो जब एक इंडिविजुअल जब डिमांड क्रिएट करता है तो वहां पे हमारा डिमांड और सप्लाई होता है कि भैया उसकी जो उसने मांगा है या जो वो चाहता है उसके जो वगैरह क्या वो डिमांड और सप्लाई को मैच कर भी रही है कि नहीं कर रही है दिया हुआ ना यहाँ पे कि आउटपुट ऑफ अ सिंगल कमोडिटी कोई भी अगर कोई चीज बनाई जा रही है तो इसका मतलब कि उसकी डिमांड है मार्केट में और डिमांड है तो उसकी सप्लाई कैसी है अगर सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा सप्लाई ज्यादा होगी तो उसका प्राइस नीचे हो जाएगा ठीक है तो उसी प्रकार से हमारे पास जो टोटल कम्युनिटी बन रही तो हमारे पास टोटल डिमांड कैसा है और टोटल सप्लाई कैसा है ये देखते हैं ठीक है तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारे पास आपकी बुक में दिया हुआ है मैं कुछ बाहर से नहीं बता रहा हूं ठीक है तो इसमें पहला हमारे पास इंपॉर्टेंस इन सप्लाई ठीक है ये क्या दिया हुआ है जरा इसको देखते हैं कि देयर आर मेनी आइटम्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड वर्क मार्क एफेक्ट वर्ड्स इंक्रीज दी एंड वर्क एफर्ट ठीक है तो एफिशियंसी उस काम पे बढ़ रही है और वर्क एफर्ट भी बढ़ रहा है ऑफ वर्कर्स पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन आर द इसल ऑफ दिस एंड इंक्रीज इन द वर्क एफर्ट इंक्रीजेस इनकम सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीजेस ठीक है तो यहां पर अभी क्या बताया हम्म ठीक है तो जो इंक्रीज इन द सप्लाई मतलब क्या है कि अगर आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो अगर उसका वर्क कल्चर देख रहे हो या वर्क एफर्ट्स देख रहे हो भाई ऐसा क्यों होता है कभी-कभी हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि हम लोग एम्प्लॉई का सैलरी ना बढ़ाते हुए एम्प्लॉई की पेमेंट ना बढ़ाते हुए भी एम्प्लॉई काम करने लगता है अच्छा क्यों ऐसा होता है सबसे पहली बात तो ये होता है कि जो वर्क कल्चर है कहाँ पे वो काम कर रहा है अगर उसका जो वर्क कल्चर है जो वर्क एनवायरमेंट है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है सैनिटेशन अच्छा है टॉयलेट्स बने हुए हैं साफ सफाई है बहुत ठीक है एसी लगा हुआ है और बहुत ही क्लीनिनेस है वाइट वॉश है ठीक है अब यहाँ पे तो हमारे पास ये देखो टूटा फूटा पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हमें यही देखना पड़ता है कि क्या हमारा एनवायरमेंट अच्छा है ठीक है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयमेंट को सैलरी हाइक ना देते हुए भी हम लोग उनसे बहुत ही अच्छा काम निकलवा सकते हैं ठीक है थीके? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट अच्छा है क्यों ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर में जाना ज्यादा पसंद करते हैं द रीजन इज दैट ए लगा होता है ठंडा होता है साफ सुथरा माहौल होता है पान नहीं थूका हुआ होता है मसाला कोई थूक खा के नहीं थूक देता है ठीक है तो वही सारी चीजें होती हैं कि अल्टीमेटली जब हमारे पास हमारा एफर्ट्स देखिए आप एफिशिएंसी देखिए ठीक है तो गवर्नमेंट जब हमारे हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रही होती है हमारे एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रही होती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही होती है तो उसकी सप्लाई कैसी है क्या बोल रहा है टॉपिक क्या है टॉपिक फिर से देखो इंपॉर्टेंस इन सप्लाई ठीक है कि उसकी सप्लाई कैसी है ठीक है आप हेल्थ का देख लो आप एजुकेशन का देख लो तो जब आपकी वहां पे सप्लाई अच्छी तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको जब वहां पे पर क्या कहते हैं रिटर्न मिलने लगता है तो अल्टीमेटली आपके पास जो इनकम आएगी वो अच्छी हो जाएगी ठीक है पैसा बचने लग जाएगा सेविंग्स सेविंग होने लगती है और जब इंसान की जब सेविंग होती है देन ही और शी डू इन्वेस्ट हिस और हर मनी इन अम अमाउंट ऑफ शेयर या कंपनी या कहीं भी वो इन्वेस्ट करना चाहे वो आराम से वो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट ठीक है अब यहां पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कि इफेक्ट ऑन डिमांड ठीक है अब डिमांड पे हमारे पास क्या क्या इफेक्ट आते हैं जरा ये भी देख लेते हैं कि द इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन टोटल डिमांड इज द कंट्री इज मोर डायरेक्ट ठीक है तो जो इफेक्ट का जो डिमांड होता है वो हमारे पास मोर डायरेक्ट है अभी बता रहे हैं रुक जाओ वेन इंडिविजुअल कंज्यूम डिफरेंट कम्युनिटीज डिमांड इज जनरेटेड फॉर सर्च कम्युटीज ठीक है जब हमारे पास सुन लो पहले कंज्यूम डिफरेंट कम्युटीज डिमांड इज जनरेटेड फॉर सच कम्युटीज कंजम्पन इज अ पार्ट ऑफ दोटल डिमांड इन एन इकोनमी ठीक है अब यहां पे क्या बोले कि हमारे पास डिमांड पे क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी एक चीज की डिमांड करते हैं तो वो हमारे पास एक कोई भाई कुछ भी हम लोग ले तो हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करते हैं ना इकोनॉमी पे कि नहीं करते ठीक है सो द थिंग इज दैट क्या दिया है यहां पे कि व्हेन इंडिविजुअल कंज्यूम डिफरेंट कमोडिटीज डिमांड इज जनरेटेड फॉर सच कमोडिटीज ठीक है जब अलग-अलग जो कमिटी वो कंज्यूम कर रहा होता है समबो सपोज दैट कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए जैसे मान लो कि जब आपका जो कोरोना आया तो कोरोना के टाइम पे जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है उसने बहुत ही हाई पकड़ लिया ठीक है जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस थे उनकी सेल्स ज्यादा होने लगी और जो क्या बोलते हैं कि जो उनका प्रीमियम था वो भी थोड़ा ज्यादा हो गया ठीक है क्यों क्योंकि हेल्थ के चक्कर में अब लोगों को लग रहा था कि अरे मेरे को हेल्थ का वो इंश्योरेंस करा लेना चाहिए ठीक है द रीजन इज दैट कि जब भी हम लोग लेते हैं तो उसकी डिमांड कैसी है मार्केट में ठीक है उसका सप्लाई कैसा है वो भी हमें देखना चाहिए ठीक है कि हम लोग बना तो रहे चीजें क्या लोगों की डिमांड है भी कि नहीं है ठीक है अभी हमने आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बात की ठीक है आप इसी टाइम पे आप देख सकते हो कि जो मोबाइल फोन है ठीक है अब जितने भी चीजें हैं वो हमारे पास क्या जितनी भी जो एजुकेशन है वो आपकी ऑनलाइन पर स्विच कर गई है अब जब ऑनलाइन पे स्विच कर गई है तो जिन लोगों के पास आ, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से वो लोग खाना खा देते दो टाइम का अब उन लोगों के पास भी अब स्मार्टफोन था क्यों क्योंकि यार उनको उनकी बच्चों की एजुकेशन भी तो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई ना तो उनको लोग ऑनलाइन लेने के लिए भाई साहब आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए तो स्मार्टफोन नहीं था तो अब स्मार्टफोन की भी हाइक कर गई तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी के रिचार्ज बढ़ गए ठीक है स्मार्टफोन की सेल्स बढ़ गई अभी क्या है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बढ़ गया ठीक है और जितने भी जो आपके जो एक्स्ट्रा अब मास्क का खर्चा भी हो गया ठीक है अब मास्क भी उनको चाहिए तो बहुत सारी चीजें भाई बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए लेकिन बहुत सारी चीजें नई भी तो आई है ना ठीक है तो यहाँ पे आता है हमारे पास इफेक्ट ऑन डिमांड ठीक है दिखाओ ना फिर से जरा एक बार देखो द इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन टोटल डिमांड इन द कंट्री इज मोर डायरेक्ट ठीक है डायरेक्ट ज्यादा होती है डिफरेंट डिमांड इज जनरेटेड फॉर सच ठीक है जब हम लो, पहले लोग पहले लोगों के पास फोन नहीं था मतलब जो गरीब इंसान था वो स्मार्टफोन वो बटन वाले फोन से काम चला लेता था लेकिन अब कोरोना के आने के बाद उसको स्मार्टफोन की भी जरूरत पड़ गई खुद के लिए नहीं बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ठीक है ये चीजें तो so यहाँ पे दिया हुआ ना कि फॉर दिस रीजन फॉर दिस रीजन consumption is a part of the total demand in an economy and investment too is a part of a total demand okay yeah. अब जब हमारे पास आएगा तो हम लोग को इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना ठीक है अब भैया जब इन्वेस्टमेंट आएगा तभी ना तो कंपनीज जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे उनके पास इन्वेस्टमेंट भी तो आना चाहिए तो जब हमारे पास पैसा पैसा बचेगा हम हजार रुपए बैंक में डालेंगे जब बैंक में डालेंगे तो वही बैंक उन कंपनीज को लोन देगा और जब उन कंपनीज को वो लोन देगा तभी वो अपना जो मैन्युफेक्चरिंग जो यूनिट है वो उसको बढ़ा सकता है ठीक है तो क्या दिया हुआ टू इज अ पार्ट ऑफ अ टोटल डिमांड सिंस इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज इट इंप्लाइज यूजिंग सर्टेन कमोडिटीज एंड एज कैपिटल ठीक है द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आल्सो क्रिएट डिमांड एंड सिमिलरली अ पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्रिएट्स डिमांड इन द इकोनॉमी ठीक है तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो पॉइंट है सी वाला इफेक्ट्स ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है अब यहाँ पे जरा देखिए क्या दिया हुआ है कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या हमारे पास इफेक्ट आता है तो दिया हुआ है यहाँ पे कि सिंस पब्लिक एक्सपेंडिचर इफेक्ट्स टोटल डिमांड एंड द टोटल सप्लाई ठीक है जो उनका जो पूरा जो एक्सपेंडिचर है हमारा डिमांड एंड सप्लाई पे भी पूरा इफेक्ट कर रहा है बता रहा हूं एंड द एक्चुअल टोटल आउटपुट प्रोड्यूसड इन द वुड आल्सो बी बाय ठीक है अब यहाँ पे ये यह क्या बोल रहा है द थिंग इज दैट कि जो जो हमारे पास एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है ध्यान देना कि डिमांड क्या दिया हुआ है इम्प्लॉयमेंट एंड हा आउटपुट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट अब यहाँ पे जो आउटपुट और जो इंप्लॉयमेंट की जो बात चल रही है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है जब भी जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है ध्यान दीजिएगा जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है

ए ने अपनी एक ब्रांच खोल ली दूसरी डाल दी अब वहां पे क्या हुआ उसमें भी लग रहा है ठीक अब होता क्या है कि जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा होती है तब हमें लोगों की भी जरूरत होती है ना ठीक है जब लोगों की भी जरूरत होती है और जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम लोग वहां काम करेंगे वहां पे आकर के जॉब करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लॉयमेंट ठीक है तो जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और जब हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारे पास इम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है ठीक है और जब हमारे पास इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा लोगों के पास नौकरियां आएंगी लोगों के पास नौकरी आएगी उनके पास पैसा आएगा पैसा आया उनकी फिर डिमांड बढ़ी और जब डिमांड बढ़ी तो वो वही प्रोडक्ट ले रहे थे जो हम लोग बना रहे थे ठीक है और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं हमारे प्रोडक्ट की वो डिमांड को क्रिएट करते हैं ठीक है और यहाँ पे इसलिए क्या होता है हमारा क्यों ऐसा होता है कि इम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रहा है क्यों बढ़ रहा है क्योंकि हमारा आउटपुट बढ़ रहा है ठीक है हम लोग चीजों को मैन्युफैक्चर ज्यादा कर रहे हैं ठीक तो है तो इसीलिए कहते हैं कि जब हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है क्यों क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो हमारा क्या होता है डिमांड बढ़ती है भाई लोग पास पैसा होता है ना महंगाई बढ़ी लोग पास पैसा आया पैसा आया तो लोग और डिमांड बढ़ी डिमांड बढ़ी तो हमने और मैन्युफैक्चर करने लग है करने लग गए और जब मैन्युफैक्चर हम ज्यादा करने लग गए तो अल्टीमेटली हुआ क्या हम लेने लोगों को और हायर करने लग गए ठीक है तो यही चीज होती है तो हमारा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पास जो इम्प्लॉयमेंट होता है वो भी जनरेट होता है ठीक है ये चीज देखिए पे क्या दिया हुआ है लिखा हुआ ना कि द किस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सप्लाई टेक्स सम टाइम टू वर्क इट सेल्फ आउट ठीक है फॉर इंस्टांस इट टेक्स टाइम टू इंक्रीज द दी ऑफ वर्कर्स बाय इम्प्रूविंग देयर हेल्थ और एजुकेशन और टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन बाय इंड्यूसिंग द वर्कर्स टू यूज देयर इंक्रीज एफिशियॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट ऑन इनकम ठीक है कुछ एक सेक्टर में जैसे मान लो आपका हेल्थ हो गया आपका एजुकेशन हो गया ठीक है तो अगर हम कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं जब हम लोग ज्यादा चीज करने लगते हैं तो वहां पे हमारे पास जो प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा होने लगता है ठीक है भाई साहब एजुकेशन आपने कर दिया आपने हेल्थ कर दिया अब हेल्थ जो है अब यहाँ पे सर हेल्थ हेल्थ में कैसे हो जाएगा या जब हेल्थ होगा तो लोग क्या करेंगे भाई लोग अच्छा इलाज करवाएंगे ठीक है तो सरकार जो होती है वो सरकार और हॉस्पिटल्स बनाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है गवर्नमेंट स्कूल खोले जाते हैं जब स्कूल खोले जाएंगे तो उसको उस स्कूल बनाने का जो जिन लोगों ने उस स्कूल को बनाया तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है ठीक है उनको काम वगैरह मिलता है ठीक है अब जब वहां पे काम हो गया तब तो वहाँ पे हुआ क्या और लोग अब वहां पे रह करके जॉब करेंगे ठीक है हॉस्टल्स है तो वहाँ पे डॉक्टर्स आएंगे नर्स आएंगे वार्ड बॉयज आएंगे ठीक है रिसेप्शन में बैठेंगे पीओं वगैरह होंगे एंड बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको काम मिलता है तो जब उनको काम मिलता है तो उनके पास मनी आता है और मनी आती है तो फिर उनकी अल्टीमेटली डिमांड क्रिएट होती है पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड पॉइंट हमारे पास इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे पास एक क्या इफेक्ट डालता है सपोज करिए आपको मालूम है कि टैक्स तो का स्लैब भी अलग अलग होता है तो जब गवर्नमेंट जब अलग अलग लोगों से अलग अलग टैक्स का टैक्स uh, लेती है जो टैक्स के स्लैब में लोगों को रखती है तो इसका मतलब क्या होता है कि गरीब जो जिसकी कम इनकम होती है उससे कम टैक्स लिया जाता है लेकिन जिसके ज्यादा इनकम होती उससे है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता है ठीक है ये सारा काम करने का मोटो एक ये होता है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स चल रही होती हैं हमने क्या कहा जहां पे भी गवर्नमेंट वर्ड आ जाए ना यार तो समझ लेना कि डैट गवर्नमेंट इज इक्वल टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल ठीक है तो गवर्नमेंट जो होती है हमेशा वेलफेयर के लिए लोगों के लिए काम करती है ठीक है तो ये हमको मालूम रहता है कि जो अमीर आदमी वो तो खुद का ध्यान रख सकता है लेकिन उस गरीब आदमी का क्या जो एक्सप्लॉयट हो रहा है जिसके पास पैसा नहीं है तो वहां पे वो क्या होता है कि जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो यहां पे ये चीजें होती है कि गवर्नमेंट करती है कि अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लो और गरीब लोगों को दो उनको उनको सुख सुविधाएं दो ठीक है तो इससे ये होता है कि उनके बीच में जो इनक्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ठीक है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो सरकार करने लगती है समझ में आया कि नहीं है तो यही सारी चीजें होती है अब अब देखो यहां पे क्या होता है कि विदेशों में क्या होता है वहां पे वो डेवलप्ड कंट्री कैसे हो गई है डेवलप्ड कंट्री इसीलिए हो होगी क्योंकि वहां का एजुकेशन वहां का हेल्थ वहां का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो होता है वहां पर टोल टैक्स नहीं होता है क्यों नहीं होता है ये सारी चीजें वहां पर क्यों नहीं होती वहां हेल्थ फ्री होता है एजुकेशन फ्री होता है ऐसा मतलब स्वीडन देख लो डेनमार्क देख लो स्विट्जरलैंड देख लो यूएस यूएस में तो खैर इतना नहीं होता है एंड बहुत सारी हमारी यूरोपियन कंट्रीज है जहां पे हेल्थ एजुकेशन पूरा टोटली totally फ्री है टोटली फ्री ठीक है ऐसा क्यों होता है द रीजन इज दैट कि सबसे पहली बात तो वहां पर टैक्स का स्लैब ज्यादा है लोगों का ठीक है तो जो रिच लोग होते हैं अब उनके पास पैसा ज्यादा है तो वहां पर सरकार उन लोगों से टैक्स ज्यादा लेती है ठीक है जो गरीब लोग होते हैं उनसे टैक्स बहुत कम लेती है तो अब होता क्या है अब वहां पर टैक्स इतना ज्यादा कर देते हैं ताकि वो जो गवर्नमेंट होती है वहां का सारा जो टैक्स का पैसा होता है वो एक प्रोडक्टिव चीजों में लगाती है यहाँ की गवर्नमेंट की तरह नहीं कि जो सारा पैसा प्रचार में ही लगा दिया काम कुछ नहीं किया और सारा प्रचार में लगा दिया सिर्फ एडवर्टीजमेंट करा दो गवर्नमेंट से ठीक है लेकिन वहां की गवर्नमेंट लिटरली वो काम कर रही होती है और वहां के हॉस्पिटल्स देखिए रही है ठीक है मतलब हॉस्टल्स देखिए एंड स्कूल्स वगैरह देखिए इतने हाईली डेवलप्ड इतने हाईली डेवलप्ड है कुछ कहने को नहीं ठीक है तो मतलब ऐसी ऐसी जगह पे वहां पे इन्वेस्टमेंट करती सरकार कि मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लगता है कि मतलब क्या बात है ठीक है इसीलिए वहां के लोगों को वहां पे फ्री ट्रीटमेंट मिल सकता है ठीक है अगर यहाँ की भी गवर्नमेंट हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ की गवर्नमेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट है ऐसा नहीं करती लेकिन आप खुद भी देख सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर तो हर कोई बनना चाहता है लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना कोई नहीं चाहता ठीक है गवर्नमेंट की जो जितनी भी स्कीम्स है उसको सुख सुविधाएं सबको चाहता है लेकिन कोई सरकारी स्पल में इलाज कराना नहीं चाहता द रीजन इज दैट कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो वहां पे कम होता है नो no डाउट हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट हॉस्टल्स है जहां पे नो डाउट की वहाँ पे वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट होता है लेकिन अगर आप मेजोरिटी क्लासेस में देखिए जैसे आपका यूपी हो जाएगा बिहार हो जाएगा झारखंड तो वहां पे इतने डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास ठीक है मालूम चला कि भैया छह सात साल पहले उस हॉस्टल की नींव बनी थी नींव बनने बाद एक फर्स्ट फ्लोर बन बन भी गया होगा जैसे तैसे तो वो चालू ही नहीं है ठीक है तो ये सारी हरकतें चल रही होती है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर पैसा प्रचार में में खर्चा ना करके डेवलपमेंट कर, में काम करे ना तो लिटरली इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट हो उसको वोट मांग वोट में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी वोटों की भीख नहीं उसको चाहिए ठीक है वो सब लोग खुद ही देखेंगे हाँ भैया वो गवर्नमेंट इतना ही काम करे लेकिन यहाँ पे लोग चाहिए क्या हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम यही चाहिए लोग धर्म के नाम पे यहाँ पे खेलते हैं लेकिन बस ये नहीं सोचते कि भाई साहब कि जो भी आप डेवलपमेंट uh, कर रहे हो जो हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया ट्रांसपोर्टेशन uh, हो गया ये बहुत आगे चीजें हैं ठीक है धर्म वरम कुछ नहीं वो सब पीछे है लेकिन अभी आज के टाइम पे हमारे पास एजुकेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ ना कि द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑल्सो इन्फ्लुंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन द इकोनमी in most countries the pattern of public expenditure is now so determined that the weaker section of society get most of the benefit ठीक है तो जो वीकर सेक्शन है उसको ज्यादा मिलना चाहिए भाई गर, अमीर आदमी तो अपना ध्यान रख सकता है ना गरीब आदमी कैसे रखेगा ठीक है तो यहाँ पे यही चीजें होती है कि जो गरीब आदमी से सरकार टैक्स लेती है और गरीब आदमी को मतलब सॉरी अमीर आदमी से टैक्स लेती है और गरीब आदमी को उसको वो बेनिफिट्स देती है ठीक है तो यहाँ पे जो इनकम इनिकवालिटीज होती है उसको वो कम करने की कोशिश करती है और ये सोचती है कि सभी जो नागरिक हैं उनको हर एक जो सरकारी जो सुविधा है वो मिल सके नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग कंट्रीज ठीक है अब जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो पब्लिक uh, एक्सपेंडिचर क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है देखो भाई साहब अगर हम लोग यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो हमारे पास इंडिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जब भी जो सरकार होती है वो अपने हर एक आस्पेक्ट पे मतलब सर्कल के हर एक पॉइंट पे सरकार को काम करना पड़ता है ठीक है चाहे वो किसी भी कोई भी सेक्टर हो ठीक सरकार को ही काम करना पड़ता है और सरकार को ही लीडरशिप भी दिखानी पड़ती है लेकिन अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वो इतने डेवलप्ड कैसे हो गई हैं द रीजन इज दैट कि वो बहुत टाइम से एग्जिस्टेंस uh, में है मतलब की इकोनॉमिक के एग्जिस्टेंस में और जब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं डेवलप्ड की तो उन लोगों ने पहले ही बहुत सारा काम कर चुके होते हैं उन्होंने सारी जो हेल्थ एजुकेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सब पे उन्होंने पहले काम कर लिया हुआ है और काम करने के बाद ठीक है आज के टाइम पे वहां की जो चीजें होती हैं वो, वो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो ज्यादा कर रहा होता है ठीक है और वहां पे गवर्नमेंट का बहुत ही कम इंट, इंटरवेंशन होता है तो जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है तो गवर्नमेंट बस ये देखती है कि भाई साहब ये जो इकोनॉमी है ना मेरी कंट्री की बस ये चलती रहे ये रुकनी नहीं चाहिए जब तक इकोनॉमी चलती रहेगी तब तक वो कंट्री ग्रो करती रहेगी और नॉर्मल सी बात है कि हम लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि जो वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज है वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड है द रीजन इज दैट कि वहां की जो इकोनमी है वो बहुत ही मतलब ट्रिमेंडस है मतलब वहां के तो, वहां के तो मैच ही नहीं कर सकते ठीक है भले ही वहां पर छोटे छोटे कंट्रीज है लेकिन आप ये भी देखिए कि वहां पर जो फैसिलिटीज है वो कितनी अच्छी अच्छी है ठीक है पे हुआ थी थीण है ना कि पब्लिक एक्सपेंडिचर अ स्पेशल हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक द इंडिया विच शुड बी सेपरेटली मेंशन इन अ डेवलप्ड कंट्री द प्रोसेस ऑफ फर्दर डेवलपमेंट में लार्जली बी लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज लिमिटेड टू द प्रोविजन ऑफ ऑफ अ पब्लिक गुड्स ठीक है तो वहां का जो गवर्नमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहां का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन्वॉल्वेंट कम होता है ठीक है बस ये देखते हैं कि हाँ भाई साहब सबको सारी चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ठीक है अब एग्रीकल्चरल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे फिर से हम लोग ये ले लेते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग ठीक है अब जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जैसे कि हम लोग यूएस ले सकते हैं यूएसए और कनाडा वगैरह ले सकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे फार्म्स बहुत बड़े बड़े होते हैं यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही रिच होते हैं और मतलब ये अपने उस खेत में बहुत ही मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं भाई साहब बड़ी बड़ी मशीनें है अरे हैवी हैवी है यूज ये यूज, यूज, यूज लोग करते हैं वहां पे तो जब वो लोग जब हैवी मशीन यूज करते हैं तो इसका मतलब कि भाई साहब उसके उनके पास जो खेती होती है बहुत ही बड़ी एरिया में होते कई हेक्टेयर होते होंगे मतलब एक कोने से दूसरे कोने अगर दौड़ जाओ तो लग रहा है कि सुबह से शाम तक हो जाएगी ठीक है इतने बड़े बड़े खेत होते हैं तो वहां पे अब इतने बड़े बड़े खेतों में शायद अब आप ये समझिए क्या वहां पे मैन पावर हम लोग यूज कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं तो वहां पे उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए चाहिए मशीनरी हमें चाहिए चाहिए ठीक है तो ये हमारे पास डेवलप्ड कंट्री की बात होती है अब अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाए इंडिया में तो यहाँ पे जो फार्म्स होते हैं उतने बड़े नहीं होते हैं और यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो इतनी मशीनी यूज नहीं करते करते हैं ठीक है आज भी हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से मतलब हाथ से रुपाई और कटाई वगैरह सब कुछ हम लोग करते हैं तो जब हम लोग ये सारे काम हम लोग यहाँ पे करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमें भी यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज करना चाहिए क्योंकि इससे होता क्या है इससे हमारी जो इल्डिंग कैपेसिटी होती है वो हमारे पास ज्यादा हो जाती है प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि डेवलप्ड कंट्री कैसे काम कर रही है और हम लोग कैसे काम कर रहे हैं तो अगर किसी से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो हमें वो चीजें लेनी चाहिए ठीक है तो गवर्नमेंट को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर हम लोग उनके स्टेटस को या उनके लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हैं तो हम बहुत सारी ऐसी स्कीम्स वगैरह लेकर के आए जिससे कि हमारे जो तो किसान भाई लोग हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन करें और नई नई मशीनरी और नए नए टूल्स को वो लोग भी इंप्लीमेंट करें ठीक है इसके हिसाब से वो लोग लो सब्सिडीज वगैरह दे सकते हैं जैसे किसान का लोन वगैरह होता है जो सब जब सरकार कोई आती है तो उसको किसान का लोन माफ कर देती है ठीक है ऐसा करके देखिए क्या दिया हो इसमें कि द द द द द इन इन अ कंट्री लाइक इंडिया फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपिंग प्लानिंग हाँ आज भी हमारे इंडिया में ऐसा है कि हम मोर देन 50 परसेंट जो लोग हैं वो आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वो इन्वॉल्व हैं आज भी वो लोग खेती करते हैं ऐसा है ठीक है क्योंकि अगर खेती नहीं करे तो लोग लो क्या करेंगे क्योंकि हमारा ये क, एक, एक प्राइमरी मोटिव uh, है ठीक है हमें खेती करना ही करना है ठीक है अगर हम लोग वो नहीं तो क्या करेंगे कोई तो तो हम लोग क्या हर एक कोई टीचर नहीं बन जाएगा हर एक कोई लॉयर नहीं बन जाएगा हर एक कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगा हर एक कोई इंजीनियर तो नहीं बनेगा किसी को खेती में अच्छा लगता है तो भैया वो खेती कर रहा है वो तो भी वो भी एक काम है ना कोई काम वैसे भी कोई छोटा हो बड़ा तो होता नहीं है ठीक है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपिंग प्लानिंग इन एन एडवांस कंट्री फार्मर्स आर ऑलरेडी अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक्स ऑफ द कल्टीवेशन एंड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड इन द एग्रीकल्चर ठीक है ये भी हम बात कर ही चुके हैं हाउवर इन इंडिया द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड द लैंड मार्केट आर फार फ्रॉम बींग डेवलप्ड ठीक है अभी तो बहुत दूर है मतलब यही होता है कि अभी इंडिया में अभी अभी टाइम लगेगा बहुत टाइम लगेगा अच्छा टाइम लगेगा ठीक है एग्रीकल प्रोडक्टिविटी एंड द लैंड मार्केट आर फार बींग डेवलप दीज हेम्पर द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट द गवर्मेंट मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल एंड दिस रोल मस्ट नॉट बी लिमिटेड टू लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन सिर्फ लैंड रिफॉर्म में ही नहीं होना चाहिए बाकी जो किसान वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसको भी हमें देखनी चाहिए और उनकी जो प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए ठीक है दिस मस्ट बी एक्सटेंडेड टू हेल्पिंग द स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स टूवर्ड्स एडोप्शन ऑफ मॉडर्न कल्टिवेशन मेथड एंड द प्रोविजन ऑफ इरीगेशन ऑल दिस इन्वॉल्व पब्लिक एक्सपेंडिचर समझ में आया ठीक है इजी है वही सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताया नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ठीक है अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा जैसे कि नाम में ये इंडस्ट्रीज ठीक है अब जबी भी यहां uh, जब भी तो यहाँ पे जब इंडस्ट्री को सेटअप करना होता है तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट uh, होती है सॉरी जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो लिटरली वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते द रीजन इज दैट बहुत ही बढ़िया रीजन है, है और बहुत ही सिंपल रीजन है सिंपल इस वजह से क्योंकि जो इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल जो प्राइवेट जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसी जगह में पैसा लगाऊंगा जहां पे मुझे रिटर्न ही नहीं मिल रहा है तो मैं पैसा क्यों लगाऊंगा ठीक है जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे, पे आपसे बोल दूर कि भाई साहब जो आ, एजुकेशन है जैसे मान लो कि जो सरकारी स्कूल वगैरह है ठीक है अब वहां पे अगर आप प्राइवेट प्लेयर को बोलोगे कि भैया आप आइए पैसे लगाइए और अपने हिसाब से चलाइए स्कूलों को तो इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है अब एजुकेशन सेक्टर को भी वो बेच रही है ठीक है तो अगर हम लोग ये बात कर ले अब तुम ये बताओ जरा अगर कोई प्लेयर है मतलब प्राइवेट प्लेयर है अगर उसको ये मालूम है कि यार अगर मैं इस गवर्नमेंट स्कूल को खरीदूंगा तो जहां पे लोगों को जहां पे बच्चे सौ रुपया नहीं दे पा रहे महीने का तो क्या वो हजार रुपए दे पाएंगे है ना तो आप ये भी तो समझिए कि जो प्राइवेट प्लेयर है जब तक तो उसको मुनाफा नहीं मिलेगा तो क्या वो किसी सेक्टर में पैसा लगाएगा नहीं लगाएगा अब उसको मालूम है कि अब भाई अगर प्राइवेट प्लेयर ही अगर उसको करना है तो उसके प्राइवेट कॉलेज वगैरह अच्छे है ना आप लाखों के उसमें से फीस चार्ज करिए आप कुछ भी करिए लेकिन जब आप गवर्नमेंट की बात करते हो तो गवर्नमेंट में भाई कौन पड़ता है जिसकी इनकम कम होती है ठीक है और इरादे बहुत बड़े होते हैं लेकिन अब आप जो बंदा सौ रुपया महीना बहुत ही मुश्किल से दे रहा है तो क्या आपको हजार रुपए दे पाएगा ठीक है नहीं दे पाएगा तो जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं उनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है तो उस चीज को फंड करने के लिए उस सेक्टर को पानी और खाद देने के लिए ना वहां पे गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है और गवर्नमेंट वहां पे इन्वेस्टमेंट डालती है जिससे कि वो उस चीज को और उस डिपार्टमेंट को वो रिवाइव कर सके और उसको वो चला सके ठीक है तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं ठीक है थीके? तो बहुत सारी हमारे पास है जैसे कि हमारे पास बहुत सारी गेल हो गया बेल हो गया ठीक है तो जितने भी जो आ, पावर प्लांट्स भी हमारे पास कई जो गवर्नमेंट कहीं हैं तो इसीलिए होता है कि भाई साहब जब गवर्नमेंट ऐसा पैसा लगाते हैं ताकि गवर्नमेंट अपने ऐसे को चलाएगी ठीक है और वो इंडस्ट्रीज वो गवर्नमेंट की होती है क्योंकि वो आज तो आपको लग रहा कि है कि ये फालतू का लेकिन वो लॉन्ग रन में बहुत प्रॉफिट देती है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सोशल डेवलपमेंट ठीक है तो अब यार अल्टीमेटली सरकार कुछ भी कर रही है ठीक है तो हर समय हमें हर बार पैसा ही सब कुछ नहीं होता प्रॉफिट ही कुछ नहीं होता इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही कुछ नहीं होता कभी कभी हमें सोशल डेवलपमेंट भी करना पड़ता है ठीक है तो ताकि आप ये देखिए कि क्या हम लोग सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कल्चरल कल्चरली हम लोग डेवलप हो रहे हैं, नहीं हो रहे ठीक है आप ये देखिए कि हर समय मुनाफा नहीं चाहिए होता है अगर मुनाफा ही चाहिए होता है जो सरकार है हमारे पास सारी सरकारी संपत्ति बेच चुकी होती है ठीक है नहीं बेच रही है तो इसका मतलब ये है कि अब हम भी ये चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है वो भी बैंकों में आकर के जीरो अकाउंट बैलेंस का खाता खुलवाए ठीक है जो गरीब आदमी है वो भी आपका मतलब इन्वेस्टमेंट करे वो एल में इन्वेस्टमेंट करे उससे गरीब बच्चे भी हमारे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े क्यों ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो अगर डॉक्टर बनना है अगर आपने आपको गवर्नमेंट कॉलेज में तो मतलब कतई मतलब आप असली में डॉक्टर बन गए प्राइवेट कॉलेज में जो डॉक्टर बनते हैं उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी की गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वालों की होती है द रीजन इज दैट की जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना उनकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होती है ठीक है समझ लो तो इसीलिए हमें अपने अपना खुद का तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ही चाहिए नो डाउट लेकिन आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस तर्ज पे भी मत कर दीजिए कि सारा जो सोशल आ, सोशल डेवलपमेंट है आप उसी को पूरा खत्म कर दीजिए ठीक है ये नहीं ये ये सारे काम हमें नहीं करने चाहिए तो अल्टीमेटली हमें सबसे पहले वेलफेयर देखना है और लोगों की भलाई देखनी है और सोशल कॉजेस देखना है ठीक है ताकि आप ये देखें जो गवर्नमेंट हमारा काम कर रही है क्या वो सोशल कॉज के लिए कर भी रही है कि नहीं कर रही है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया ठीक है तो ऐसा क्या क्या चीजें हैं क्या क्या मतलब ऐसे रीजंस हैं जिससे कि हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है भारत में वो हमारा बड़ा ठीक है तो हम लोग कुछ देखने वाले हैं तो इसमें आपका एक टेबल दिया हुआ है वो नेसेसरी नहीं है तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं that, कि आप इसको देख लो बस समझ जाओ कि हाँ इतना इतना जो परसेंटेज है वो दिया हुआ ठीक है इसीलिए मैंने इसको लगाया भी नहीं हुआ इसमें इस स्क्रीन पे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास द डिफेंस नीड्स ठीक है अब देखिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे पास सबसे पहले जो होता है भाई साहब अपने घर को सुरक्षित करो ठीक है तो सेटिस्फाइंग द डिफेंस नीड्स का मतलब क्या है कि हमारे एक तरफ है इंडिया सॉरी एक तरफ है पाकिस्तान फिर बांग्लादेश एंड देन द चाइना ठीक है तो ये जो तीन कंट्रीज है अब जो पहले तो पाकिस्तान ही था ईस्ट जो आज ईस्ट पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश है तो अगर हम लोग ये देखें कि अल्टीमेटली जो जो कंट्रीज वगैरह है जैसे पाकिस्तान हो गया चाइना हो गया इसे हम लोगों ने वॉर भी झेल चुके हैं ठीक है वॉर भी हम लोग लड़ चुके हैं दो बार पाकिस्तान से लड़ चुके हैं एक बार चाइना से भी हो चुका है ठीक है तो ये हमें देखना है कि यहाँ पे जब भी अगर हम लोग अपनी डिफेंस मजबूत नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कोई भी हमारे घर पे आकर के हमको थपड़िया के चला जाएगा गया

क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे पैसा भी नहीं था और ना ही हमारे पास कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था ठीक है तो यहां पे हम लोग अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको और मजबूत करते हैं ठीक है यहां पे क्या दिया हुआ है कि इन द व्यू ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर लॉन्ग बॉर्डर विच चाइना पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान इंडिया हैड टू पे अटेंशन टू हर डिफेंस नीड्स ड्यूरिंग द प्लान पीरियड ठीक है And uh, thus in the nineteen fifties fifty one the defense expenditure of the central government was only one sixty-four crore. I mean, crore. Only so sixty four crore only crore and this had gradually increased up to about uh thirty three thirty five thousand two seventy eight crore in nineteen eight and ninety nine. Okay. And this had further increased to 54078 करोड़ इन द बजट एस्टीमेट ऑफ द यूनियन बजट ऑफ द टू एंड गवर्नमेंट है कंट्री ठीक है तो हम लोग डिफेंस तो क्रिएट कर ही रहे उसको हम लोग प्रोटेक्टिव बनाए रहे लेकिन इंटरनली हमारे पास तो चल रहा है जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है हम लोग उसको भी मेनटेन कर रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास based, अब बिल्डिंग अप्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट ठीक है अब इन स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो रोडवेज रेलवेज एंड कम्युनिकेशन ठीक है एंड ये जितने भी जो हमारे पास सेक्टर जिससे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है ठीक है अब इसको हमें मजबूत बनाना है अब भाई साहब किसी भी जो देश की इकोनॉमी है जब तक आप रेलवे नहीं चलाइएगा रोडवेज नहीं चलाइएगा वाटरवे नहीं चलाइएगा कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं करिएगा ठीक है तो जितने भी ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आप इसको इंप्रूव ही नहीं करेंगे तो क्या आपकी इकोनॉमी बूम हो पाएगी बिल्कुल नहीं हो पाएगी ठीक है तो हमें इसको पहले बिल्डअप करना है ठीक है हमें कम्युनिकेशन को सेटअप को बिल्डअप करना है ठीक है हमें वाटरवे को बिल्डअप करना है हमें रोडवेज को बिल्डअप करना है हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है ठीक है अब अगर आप सोच के देखिए तो रेलवे हमारे लिए क्यों जरूरी है रेलवे हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें मालूम है कि जब अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में तो सिर्फ इंडिया का एक्सप्लोरटेशन के लिए इसको यूज किया गया था लेकिन जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो हम लोग कोई बंगाल से आ रहा है कोई साउथ का है कोई सेंट्रल इंडिया का है कोई नॉर्थ का है कोई राजस्थान का है कोई गुजरात का है तो जब सब लोग एक ही ट्रेन में बैठते हैं जब बातचीत होती है तो हम लोगों को हम लोगों के अंदर एक नेशनैलिटी की एक भावना आती है ठीक है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने से हमारा क्या होता है अल्टीमेटली जो एक नेशनैलिटी होती है वो तो बूम करती करती है इससे हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है और इससे हमारी इकोनॉमी तो ग्रो करती ही करती है ठीक है तो यहां पे क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं कि ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड रोड्स वर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द कॉलोनियल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ जस्ट टोल्ड यू ठीक है However, sustained growth in industrial and the agriculture production need the expansion of infrastructural facilities via the transportation and the communication एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपैंशन ऑफ मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट एंड एक्सेट्रा ठीक है तो यही जितने भी हमारे पास जैसे बिजली बिजली का, का प्लांट वगैरह हो गया कुछ भी वगैरह होगा ठीक है तो जो भी हम लोग सेटअप कर रहे हैं तो हमें उसका क्या करना है हमें डेवलपमेंट करना है ठीक है तो हमें अपने बेस को स्ट्रांग करना है समझना है ना हमें अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना है जैसे कहते नहीं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जैसे हम, हमने बहुत अच्छा घर बहुत ही सुंदर घर बना लिया बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर कता ही है तो अब जब तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा घर का जब स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारे पास क्या होगा भाई साहब हमें और अच्छा लगेगा दूर दूर से रिश्तेदार हमसे आएंगे मिलने के लिए अरे भैया फला फला अरे भैया कुछ ऐसा बात है भैया कुछ ऐसी बात है ठीक है तो आपकी वैल्यू होने लग जाएगी आपकी मतलब रेपोटेशन होने लगती है लोग आपकी बात सुनने लगते हैं क्यों क्योंकि आपके पास सिर्फ पैसा होता है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ठीक है तो जिस देश के पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है जिस देश के पास अगर उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है हम लोग क्यों कहते हैं जो इंडिया हो गया चाइना हो गया कनाडा हो गया यूएस हो गया यूरोपियन देख लो तो इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग है समझ लो रेलवे का नेटवर्क बहुत ही डेंस है इंडिया में वन ऑफ आई थिंक सेकेंड या थर्ड डेंस रेलवे नेटवर्क इंडिया में में पूरे sorry, प, पूरे सॉरी वर्ल्ड ठीक है रोड का नेटवर्क इतना डेंस है कुछ कहने को नहीं ठीक है तो जब इतना सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलपमेंट डेवलप की तरह हम लोग जा रहे हैं तो क्या होगा हमें इन्वेस्टमेंट भी मिलेंगे और हम लोग आगे जो इकोनॉमी हम लोग ग्रो भी करेंगे उसको ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलाइजेशन ठीक है तो प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलाइज हमारे पास क्या है जैसे हम लोग मोनोपोली का करते हैं तो मोनोपोली हमारे पास क्या होता है जैसे कि वहां पे सिंगल सेलर होता है और मल्टीपल बार होते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हमारा किसी भी चीज को लेकर के मोनोपोली ना क्रिएट कर दे इसलिए यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहता है क्या आपके पास कभी भी कोई चीज ऐसी है प्राइवेट प्लेयर नहीं कर सकता लेकिन सरकार कर सकता ये सरकार का हक हाँ है ठीक है तो सरकार जैसे हम लोग रेलवे की बात कर ले तो रेलवे क्या है मतलब मोनोपली है वहां पे गवर्नमेंट की ठीक तो है तो अगर वहां पे गवर्नमेंट की मोनोपली है तो अल्टीमेटली पे क्या होगा कि सर जो प्राइवेट प्लेयर कितनी हो जाए हमें मोनोपली से बचाना है क्योंकि जब भी मोनोपली हो जाती है तो वहां पे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होना चालू हो जाता है समझ में आए ठीक है तो ये हमको बचाना है यहाँ पे ठीक है मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर और मल्टीपल बार मतलब की इंडिया में कोई एक ऐसी चीज है जैसे कि मान लो कि हम ये शर्ट बना रहे हैं अब शर्ट की कोई एक कंपनी है ठीक है जैसे हमने शर्ट शर्ट पहनी हुई है 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 अब की एक कंपनी कंपनी तो सिर्फ एक ही बनाती है। और कोई कंपनी है ही नहीं पूरे इंडिया में तो यार इसमें क्या होगा अब चाहे शर्ट सौ रुपए की बचे चाहे एक हजार के बच्चे और चाहे पांच हजार के बच्चे हम लोग शर्ट ही तो पहनेंगे ना और उसी कंपनी से हमें लेनी पड़ेगी तो अल्टीमेटली जो इस शर्ट की जो कीमत हंड्रेड रुपीज थी अब आप खरीद रहे हो फाइव थाउजेंड में समझ रहे हो तो हम आपसे ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे समझे तो तो इसको हम लोग बोलते हैं हैं, ठीक ठीक है? 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 ये ये अक्सर कौन क्रिएट क्रिएट करता हमेशा प्राइवेट प्लेयर्स ही करते हैं, लेकिन अक्सर कोशिश तो प्राइवेट प्लेयर करते हैं लेकिन गवर्नमेंट उनको करने हुआ तो कर कि इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज शो अ टेंडेंसी टुवर्ड्स मोनोपलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर मोनोपोलीज कंट्री एंड टेक्स ओवर द इंडस्ट्रीज ठीक है अगर यहाँ पे आप मोनोपली क्रिएट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट ऐसा बेटा ऐसा ही ये इंडस्ट्रीज हमको लाओ ये हम तुमको मोनोपली तो नहीं करने देंगे ठीक है टेक ओवर द इंडस्ट्रीज समटाइम्स द government does not take over the existing units, बट स्टेप अप न्यू यूनिट साइड बाई साइड विद द एग्जिस्टिंग वन सो द देल्थी कंपटीशन कंडीशंस में प्रिवेल इन द मार्केट ठीक है तो जब यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं जैसे हम लोग बात कर ले साबुन की जिससे आप लोग नहाते हो ठीक है लक्स का भी आता है ब्रीज का भी आता है रेक्सोना का भी आता है नंबर वन का भी आता है एंड फियामा डिवेस भी आता है तो इतने सारे साबुन है तेल साबुन मंजन ये सब चीजें हमारे पास क्या है आज ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं जहाँ पे मुझे लगता है कि मोनोपली ना हो मोनोपली किसी में भी नहीं ठीक है तो हर एक के मल्टीपल मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स हैं जब लोग ज्यादा होते हैं जब मैनुफेक्चर ज्यादा होते हैं और जब मार्केट में कॉम्पिटिशन होता है जब कॉम्पिटिशन होता है तो जो आम जनता होती है उसको वो चीज सस्ती मिलती है और अच्छी मिलती है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग आउटपुट ठीक है तो अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जब भी भी हम अब हम लोग जब प्राइवेट प्लेयर की बात ही कर रहे हैं तो प्राइवेट प्लेयर को हमेशा ये चाहिए होता है कि उसका जो प्रोडक्शन uh, है वो क्या हो कि वो उसको सिर्फ मुनाफे से मतलब है ठीक है वो जितना भी आउटपुट कर रहा है वो इसी ये सोच रहा है कि हमें इसके, इसका इसका मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ठीक है लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं करती है अब प्राइवेट प्लेयर ये सोचता है कि हम सिर्फ उतनी ही चीजें मार्केट में लेके आएंगे जिससे कि हमको मुनाफा हो ठीक है हम गरीब आदमी को नहीं देंगे गरीब आदमी को हमें नहीं देंगे यार हम, हमें हमें मालूम है कि जो जैसे मान लो कि अगर हम बात कर लें कि फॉर्चूनर है या लंबॉर्गनी है फरारी कार है ठीक है ये बड़ी बड़ी कंपनी जॉइंट्स हैं मतलब जाइंट्स ठीक है अब इनको मालूम है गया जो मिडिल क्लास आदमी वो फरारी नहीं खरीद सकता इसीलिए तो फरारी की जो कीमत है वो एक से डेढ़ करोड़ के बीच से स्टार्टिंग होती है क्यों ऐसा होता है उसको मालूम है हम थोड़े को बेचेंगे लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे ये होता है थोड़े लोगों को बेचेंगे लेकिन प्रॉफिट उससे ज्यादा हम कमाएंगे इसीलिए जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने लगते हैं ठीक है ठीके? लेकिन गवर्नमेंट कोई मंजूर नहीं होता है तो गवर्नमेंट ये कहती है बेटा ऐसा है ऐसा तो हो नहीं पाएगा अगर वो तो वो अपना ही एक जो सेकंड यूनिट है वो साइड पर साइड करने लगती है जिससे कि वो मोनोपोली ना क्रिएट करें ताकि लोगों के पास ऑप्शन भी हो ठीक है अगर वो चाह रहा है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट बोलते कि हाँ भैया नहीं कम से कम ये करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे बोल क्या रहा है जरा ये देख लीजिए कि स्टेट इंटरवेंशन इज समाइम्स नेसेसरी इवन वेन देर इज नो टेंडेंसी टुवर्ड सम मोनोप्लाइजेशन और एनी रिलेटेड प्रॉब्लम इन द प्राइवेट सेक्टर ठीक है

क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रीशियस जो गोल्ड होता है वो गोल्ड की वैल्यू है लोहे की कोई वैल्यू नहीं होती क्यों द रीजन दैट कि जो लोहे की जो सप्लाई है मार्केट में बहुत ज्यादा है लोहे की रॉड पड़ी होगी सड़क पे उसको नहीं उठाओगे लेकिन सोने का एक टॉक्स पड़ा होगा ना उसको उठा लोगे ऐसा क्यों होता है द रीजन इज दैट कि जो गोल्ड है उसकी सप्लाई एक लिमिटेड है ठीक है लेकिन जो लोहा है उसकी सप्लाई हमारे पास एक्सेस है मतलब घर का गेट भी लोहे का है अगर चोर को चोराना ही होगा तो वो गेट चुरा के नहीं चला जाएगा ठीक है ठीके? तो ये चीज है तो अगर किसी चीज की अगर हम लोग सप्लाई ज्यादा कर देंगे तो फिर उसकी क्या होगी वैल्यू कम हो जाएगी समझे ये चीज है so, क्या दिया हुआ है इफ इफ प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन इज बियॉन्ड दिस लेवल विल डिक्लाइन ठीक एंड येट द दम्यूटीज इज कमिटीज इन क्वेश्चन मे बी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इन सच केसेज द गवर्नमेंट मे विश टू स्टेप इन एंड स्टार प्रोडक्शन ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग रियल आउटपुट मैक्सिमम मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ठीक है समझ में तो यहाँ पे जो सरकार होती है उसको इससे मतलब नहीं मुझे मुनाफा मिल रहा है नहीं मिल रहा है बस ये है कि वो उस मार्केट उस में आकर के वो प्राइवेट प्लेयर अपनी मोनोपली क्रिएट ना करे ठीक है ठीके? उसको सरकार को और कुछ नहीं चाहिए मतलब उसको दुश्मनी नहीं है यार तुमसे ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द दैकवर्ड एरिया अब यहाँ पे क्या होता है जैसे इसमें दिया हुआ है सिंपली कि डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज इसका मतलब ये होता है कि सरकार अब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन uh, या वहां पे डेवलपमेंट करना चाहती है जहां पे बहुत ही पिछड़ा इलाका ट्रेबल्स एरिया ट्रेबल का तो नहीं कहेंगे जैसे कहते हैं जहां पे नक्सलिज्म वगैरह रहता है ठीक है तो नक्सलिज्म वगैरह क्या होता है जहां पे हम लोग वहां पे इंटरनल इंसर्जेंसी चलती रहती है मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत ही डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ ठीक है तो आप लोग ऐसा ऐसा समझ सकते हो जैसे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है आंध्र प्रदेश आसाम मणिपुर त्रिपुरा वगैरह जो ये हो हो जाते हैं या जो इधर आते हम लोग उड़ीसा की तरफ जब आते हैं या आंध्र प्रदेश वगैरह हो गए तो यहाँ पे नक्सलिज्म ज्यादा है ठीक है तो यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा वगैरह लोग लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते रहते हैं ठीक है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया साउथ में कुछ पोषण वगैरह हो जाता हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जब बैकवर्ड एरियाज है जब आप यहाँ पे डेवलपमेंट करोगे जब आप इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सेटअप करोगे तो भाई साहब अब जब आपने एक इंडस्ट्री सेटअप की मैं हमेशा से बोलता हुआ आ रहा हूं कि जब भी हम लोग कोई भी डेवलपमेंट करते हैं मतलब कि कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर हम लोगों ने वहां पर डाला तो बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वहां पर डेवलप हो जाते हैं ठीक है आपने वहां पे इंडस्ट्रीज डाली ठीक है तो अब उस इंडस्ट्री के लिए आपके पास क्या आएगा रॉ मटेरियल आने लग जाएगा ठीक है आपके पास इन्वेस्टमेंट आने लग जाएंगे तो उसी से हर आपके क्या होंगे आपके रोड बनने चालू हो जाएंगे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ठीक है जब रोड का बढ़ेगा तो लोग के लोग अब जब वहाँ पे काम आएंगे और काम करेंगे तो लोग वहाँ पे रहेंगे और जब लोग वहाँ पे रहेंगे तब उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे तो उनके लिए एजुकेशन की फैसिलिटी फिर उनका जो इलाज वगैरह होगा तो उनके लिए मेडिकल की फैसिलिटी उनके लिए कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज तो ये सारी चीज़ें होने लगती है क्या जब एक इंडस्ट्री जब सरकार वहाँ पे लगाती है ठीक है अब भाई प्राइवेट प्लेयर्स तो इसमें आएंगे नहीं ऐसी जगह पे आएंगे जहां पे उनको मुनाफा ना हो ठीक है तो प्राइवेट प्लेयर वहीं पर जाएंगे जहां पे उनको मुनाफा रहता है तो वो तो अपना मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन जब आती है कि बैकवर्ड एरियाज पे हमें जब अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है तो सरकार हर एक एक, एक इंडिविजुअल के पास साथ सोचती है कि हर एक के साथ एक वेलफेयर होना चाहिए ठीक है एक सोशियो इकोनॉमिक मतलब सिस्टम स्टेबिलिटी होनी चाहिए ठीक है तो इसीलिए सरकार ये सोचती है कि भाई साहब कहीं पे भी लगाओ ठीक है लेकिन वहां पे भी लगाओ जहां पे बहुत ही बैकवर्ड एरिया है जहां पे लोगों को सही में उसकी जरूरत है ठीक है तो इसीलिए बोले ना कि डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरिया समझे ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाइंग बेसिक फैसिलिटीज टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन ठीक है अभी मैंने क्या कहा कि जब बेसिक फैसिलिटीज जो होती है जब हमें लोगों को देना पड़ता है अभी जब हमने इंडस्ट्रीज लगाई तो वहां के एरिया पे वहाँ के एरियाज़ में हमारे पास क्या हुआ लोग वहां पे रहने लग गए लोगों को एजुकेशन चाहिए उनके बच्चों को उनके उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए लोगों को वहां पे रोड चाहिए ताकि वहां पे आराम से लोग आ जा सके ठीक है तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? जैसे कि हम लोग बात करें ना कि फैसिल तो वहाँ फैसिलिटीज तो जब पॉपुलेशन जब कहीं भी के बढ़ती है ना तो उनको फैसिलिटीज चाहिए होती है ठीक है आपका इंश्योरेंस हो जाएगा आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज हो जाएंगी ठीक है और आपके बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है वो भी वहां पे खुलने चालू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जहां पे अभी डेवलपमेंट नहीं था अब वहां पर डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा ठीक है ओम भुर भुर स्वाहा समझ में आया अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि एक्सपेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज को भी हमें यहाँ पे देखना पड़ता है जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट uh, का जो एडमिनिस्ट्रेटर है मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा हो सके ठीक है भाई साहब अगर हमारे पास डेवलपमेंट हो रहा है लिटरली अगर बात की जाए कि अगर हमारे पास डेवलपमेंट हो रहा है तो हम लोग इस चीज को बहुत ही इंश्योर करते हैं कि जो डेवलपमेंट है थोड़ा अच्छे तरीके से होना चाहिए ठीक है जैसे कि यहाँ पे बात क्या कर सकते हैं जैसे हमारे पास आता है आ, कि ना कि रेलवे आपका हो जाएगा टेलीग्राफ हो जाएगा स्टील अथॉरिटी हो जाएगा तो बहुत सारे हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये सरकार वहां पे देखती है ताकि क्या यहाँ पे काम अच्छा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा ठीक है जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सिंस इंडिपेंडेंस Many new departments have been set up for the smooth functioning of the government administration in India. Gradual expansion of the public sector also necessitated such well- knit administrative uh, setup to the government, like example uh, for running department enterprises, like railways, post, and the telegraph, etc. Non-departmental enterprises like the Steel Authority of India Limited and Coal uh, India Limited. हमारे पास नॉन डिपार्टमेंटल ठीक है तो इन सभी को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, है उनको देख रेख करनी पड़ती है जिससे की जो वहां के जो लोग है वहां पे लोगों का सही मायनों में डेवलपमेंट हो सके ठीक है इंडस्ट्रीज लगा दी है हॉस्टल दे दिया सब कुछ दे दिया है लेकिन जब आप बाकी शहरों से कनेक्टिविटी नहीं होती है तो क्या आप क्या इसको डेवलपमेंट मान सकते हो हम कह रहे हैं भाई साहब आपके पास वहां पे मोबाइल सर्विसेज नहीं है ठीक है मोबाइल से आप बात नहीं कर सकते ऐसा क्यों हो जाएगा द रीजन इज दैट कि जब आप भैया आप क्या बिल्कुल आदिवासी बन के रहोगे रहोगे बताओ ठीक है नहीं रह सकते ना तो ये सारी चीजें ठीक है दिया हुआ ना कि द सेटिंग किटिंग द डिफरेंट डिफरेंट सर्च डिपार्टमेंट रिविजन ऑफ द रिविजन ऑफ पे स्किल्स एंड द अदर फ्रिज बेनिफिट अलाउड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओवर द इर्स एंड ऑल्सो नीडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ठीक है अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेटर प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर मेजर्स ठीक है अब अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे सोशल सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर मेजर्स ठीक है सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले हर एक जो इंसान होता है वो सरकारी नौकरी चाहता है कौन ऐसा है जिसको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए ठीक है सरकारी चपरासी मिल जाए यार ठीक है ठीक है द रीजन इज दैट द रीजन बींग की जो सोशल सिक्योरिटी होती है मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जहां पे रह रहे हैं सबसे पहले तो हमें जॉब सिक्योरिटी मिल गई ठीक है उसके बाद हमें पास सोशल सिक्योरिटी मतलब जिस जहां पे हम लोग रह रहे हैं हम लोगों के पास एक ऐसा फिर होना चाहिए आदिवासी बिल्कुल आइसोलेशन में हमको नहीं रहना है ठीक है भाई कमा लिया हमारे पास रोटी कपड़ा मकान आ गया प्लेजर आ गया तो उसके बाद हमें क्या चाहिए हमारे पास एक सोशल नीड्स होती है कि हम लोग क्या घुल रहे हैं बातचीत कर रहे हैं हम लोग शादियों में जाते हैं इंगेजमेंट में जाते हैं किसी फंक्शन में जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास सोशल सिक्योरिटी होगी कि कम से कम चलो हमारे पास कोई लोग तो है बात करने के लिए अगर तुमको हम पैसा देते रहे सारी खाने पीने की चीजें देते रहे और मोबाइल ना दे और एक कमरे में हम अगर बंद कर दें तो क्या करोगे अपना सर मार लोगे दीवार पर जाकर के ठीक है तो इंसान जो होता है इंसान क्या है इसको हम लोग बोलते हैं ना सोशल एनिमल तो इसीलिए सोशल एनिमल यहां से ही वर्ड निकल के आया है कि हम लोग एक सोशल एनिमल तो हमें बात करनी पड़ेगी चीत करनी पड़ेगी तो बातचीत करनी पड़ेगी ठीक है ये देखना है एंड यहाँ पे वेलफेयर जानते हो कि जब हम लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते तो, तो हम लोग वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे होते हैं देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें द तो पब्लिक एक्सपेंडिचर वॉज ऑल्सो नेसेसरी फॉर एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू द वर्क जैसे कि है मेटर्निटी बेनिफिट एक्सडेंट बेनिफिट ओल्ड एज बेनिफिट पेंशन ठीक है जैसे सोशल सिक्योरिटी हमारे पास क्या हो गया कि आपके पास सोशल सिक्योरिटी हो गई जैसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब ठीक है पेंशन वगैरह हो जाती है अब गवर्नमेंट जो आती है आपके पास इंश्योरेंस लेकर के आती है हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है कि भैया ये करा लो वो करा लो बीमा करा लो ऐसा करा लो वैसा करा लो तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं बेनिफिट्स होते हैं हम भी हैं और हमारे बाद अगर हम नहीं भी रहते हैं तो हमारा जो परिवार है वो उस बेनिफिट को एंजॉय कर सकता है ठीक है ये चीजें बेनिफिट टू द वर्कर्स एग्जाम्पल द मैटर्निटी बेनिफिट मेटर्निटी जो होती है वो सिर्फ को मिलती है मेल इसके बारे में ना सोचे है, ठीक है ये चीज़ें तो एक्सीडेंट बेनिफिट्स ओल्ड एज पेंशन डिसबलमेंट बेनिफिट्स टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक्सेट्रा दिस वॉज नेसेसरी फॉर द इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्किंग क्लास ठीक है प्रोफेसर अमर्त्यान इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इन सच सोशल सिक्योरिटी मेजर शुड बी इंक्रीज फॉर द फॉर रिड्यूसिंग इनकम इनइलिटीज एंड फॉर एलिविएटिंग पॉवर्टी इन अस डेवलप्ड कंट्री लाइक द इंडिया ठीक है ये चीजें अल्टीमेटली यही सारी चीजें है नेक्स्ट यहां पर दिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इंटरवेंड इन द फूड ग्रेन्स मार्केट इन इंडिया ठीक है फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड एट द द फेयर प्राइस अमंग पुअर पीपल अ अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नीडेड दर प्राइसिडी पेमेंट ठीक है सब्सिडी पेमेंट बात कर चुके अब यहाँ पे वेलफेयर की बात करें तो वेलफेयर मतलब क्या होता है जो लोगों के पास खाने के राशन भी नहीं है तो सरकार उनको दो रुपए किलो गेहूं देती है तीन रुपए किलो चावल देती है अब तो कभी कभी चना भी देती है पहले के टाइम पे चीनी भी मिलती थी और आ, आ, मिट्टी का तेल भी मिलता था जिसे हम लोग कैरोसिन ऑयल बोलते हैं तो ये सब चीजें भी इंसान को मिलती है तो जब सब सारी ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो यहाँ पे ये हमको समझ में आता है कि यही सारी जो चीजें होती, होती है इंसान की बेसिक नेसेसिटीज होती है ठीक है तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमारा पूरा फोकस करती है कि हम लोग यहाँ पे वेलफेयर के लिए काम कर सके ठीक है तो गरीब जो है उसको भी दो वक्त की रोटी मिले अमीर तो अपना ख्याल रख ही रहा है ठीक है लेकिन जो सरकारी जो स्कीम्स वगैरह हो होती है वो अमीर और गरीब दोनों के लिए ही होती है तो इसमें कोई बाइफरकेशन नहीं होता है किसी भी टाइप का हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्विसिंग ऑफ पब्लिक डेप्थ ठीक है तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सर्विसिंग का मतलब क्या होता है जैसे देखिए अब जब सरकार हमारे पास इतना काम कर रही है सॉरी हमारे लिए इतना काम कर रही है तो हमारे लिए जब इतना काम कर रही है तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा से आएगा सरकार चोरी करेगी क्या करेगी ठीक है तो जब सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो करती क्या है कि सरकार चली जाती है डेफिसिट में ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है कि जब सरकार के प्लान्स तो हैं सरकार प्लान तो कर रही है सरकार ने बजट बना लिया है लेकिन सरकार के जो बजट है ना उसके एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहा तो खर्चे सरकार के ज्यादा हैं लेकिन इनकम उसके पास कम है खर्चे ज्यादा हैं इनकम कम है ठीक है तो यहाँ पे करती क्या यहाँ पे सरकार होती है डेफिसिट में अभी हम आपको बता ही चुके हैं अगर सरकार प्रॉफिट में है या मुनाफे में तो आप ऐसा समझ जाओ कि आपकी सरकार काम नहीं कर रही है ठीक है नहीं बिल्कुल फ्री वेडी हुई है तो अगर सरकार अगर बेनिफिट सॉरी डेफिसिट में है तो इसका मतलब है कि सरकार कुछ काम कर रही है वो प्लान करना चाहती है लेकिन आप वो भी एक रेशियो में होता है ठीक है अब डेफिसिट का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल एकदम सरकार दिवाली हो जाए बिल्कुल ही उसके पास पैसा ना बचे ये भी नहीं होना चाहिए तो सरकार अगर कुछ भी कोई भी प्लान आउट करती है कुछ भी अगर प्लान वगैरह निकालती है तो ये उसके पास मालूम होना चाहिए कि अगर सरकार कुछ काम कर रही है ठीक है तो वो पैसा कहां से लेके आएगी तो इसीलिए होता है कि जो सरकारें होती है वो करती क्या है कि वहां पे मार्केट से मनी बोरो करती हैं ठीक है अपनी जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको वो रिलीज करती है जिससे सरकार के पास पैसा आ सके और वही जो पैसा जब सरकार के पास आता है बॉन्ड्स को इशू करके या सॉरी रिलीज करके या बॉन्ड्स को इशू करके तो जो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट वही पैसा हमारे डेवलपमेंट में वो उसको लगाती है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग द फिजिकल पॉलिसी ठीक है अच्छा देखिए आप लोग यहाँ तो अवेयर हो कि हमारे पास मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है हम लोग अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं अब हम लोग आते हैं फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी भी एक्सप्लेन कर चुके हैं लेकिन अभी यहाँ पे फिर से टॉपिक आया तो एक बार फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग तो अभी यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी क्या बोल रहा है दैट इज बींग इम्प्लीमेंटेड इन द इन्फ्लेशनरी टाइम पीरियड ठीक है जब महंगाई ज्यादा होती है तब हमारे पास यहाँ पे होता है अब यहाँ पे इंफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि सरकार जो होती है सरकार को क्या चाहिए होता है सरकार ये बोलती है कि यार मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई तो इसको कंट्रोल करना है हमें महंगाई को कम करना है ठीक है तो अब सरकार कैसे करेगी तो सरकार क्या करती है क्या सरकार ऐसा करेगी कि सरकार हर एक घर जाएगी और पैसा ले लेगी ये करेगी बिल्कुल नहीं करती तो सरकार करती क्या है सबसे पहले पड़ी जो आरबीआई जो काम, का, काम, हो। तो काम होता है या सॉरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है हो, जो बॉन्ड्स होती है उनको मार्केट में रिलीज करती है ठीक है और मार्केट में रिलीज करने के साथ उन वो पैसा उससे लेती है ठीक है अब जैसे ही उन्होंने पैसा लिया आरबीआई ने तो हुआ क्या कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हुई ठीक है टैक्स रेट बढ़ा देती है जैसे कि जो लोग हैं वो टैक्स वो जो लोन वगैरह है वो कम ठीक है तो उनको टैक्स ज्यादा रहा है और जो तो लोन लोन रेट है वो भी हमारा जो गवर्नमेंट है वो उसको बढ़ा देती है और लोगों से ये अपील भी करती है कि भाई साहब आप लोग कम खर्चा करें जिससे कि हम लोग इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर सके ठीक है द रीजन इज दैट कि ये सारा कुछ करने के लिए ये हमें ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो महंगाई वो कंट्रोल हो सके ठीक है अब जब महंगाई कंट्रोल होती है मंदा चल रहा होता है उतना हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं आएगा ठीक है और न ही हमारे पास उतना प्रॉफिट आएगा जिससे कि हम लोग अपनी जो डिमांड है उसको रेस कर सके ठीक है सॉरी जब हमारे पास पैसा नहीं होता है जब हमारे पास डिमांड नहीं होती तो जब हमारे पास डिमांड नहीं होती तो हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होगा और जब हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा ठीक है तो एम्प्लॉयमेंट हमारा इस टाइम पे कम हो जाता है समझ में तो यही हमारे पास कंप्लीट होता है फिजिकल पॉलिसी तो इस चीज को हमारे जो गवर्नमेंट होती है इसको बहुत ही ध्यान से देखती है और गवर्नमेंट की ही एड एंड एडवाइसेस पे हमारा एडवाइजेस आरबीआई uh, होते हैं वो काम करते हैं ठीक है थीके? तो आरबीआई के ऊपर भी ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आपको जो मार्केट है उसको बिल्कुल स्टेबल रखना है दो से तीन परसेंट चार परसेंट तक जो महंगाई होती है वो चलती है वो इन्फ्लेशन चलता है ठीक है लेकिन अब आप डबल डिजिट पर ले आओ चालीस परसेंट पचास परसेंट तो वो फिर नहीं चल पाता ठीक है तो उससे जो होता है चीजें बहुत एक्सेस महंगी हो जाती हैं और वो आम आदमी के रिस्क से बाहर निकल जाती है क्यों निकल जाती है द रीजन इज दैट कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है और जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा वो तभी हो सकता है भाई साहब जब हमारे पास मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा ठीक है अब जब मनी सप्लाई को ही कंट्रोल कर, कर जो बेसिक रूट है जब उसी को आरबीआई ने कंट्रोल कर दिया तो क्या हुआ जो होता है, वो अपने लेवल पे तो चीजें आता है ठीक है जब फिजिकल हो जाता है पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है लेकिन जब आरबीआई को लगता है कि हमें मार्केट में मनी डालना है तो वापस फिर वही उल्टा काम करने लगती है तो जो सिक्योरिटीज जो आरबीआई ने रिलीज की थी क्या करती है उसको फिर से वापस खरीदने लगती है तो जब वापस खरीदेगी तो जब कोई चीज आप खरीदते हो तो पैसा आपके पास जाता है ना तो वही आपके मोनिट पॉलिसी हो जाती है ठीक है तो अभी फिजिकल है तो मैंने फिजिकल बताया ठीक है आई होप कि ये आराम से क्लियर होगा इतना बड़ा पैरा दिया हुआ है तो आई थॉट कि इसको मैं थोड़ा हिंदी में समझाऊं अच्छे से जिससे कि आपको समझ में आए टॉपिक है हमारे पास एंड रीचिंग सोशल गोल्स द मेन ऑब्जेक्टिव ठीक है तो अब सोशल गोल्स हमारे पास क्या है अब देखिये यहाँ पे अब जितने भी अभी तक जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं ये बहुत ही क्रिशियल है नो डाउट लेकिन अगर यहां पे हमें यह देखा जाए कि सोशल गोल एंड ठीक है अब जब सोशल गोल की बात होती है तो यहां पे यार इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है यह हमें देखना है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही कोर और बहुत ही बेस पे हो बेस का मतलब यहां पे है कि द रीजन इज दैट कि वो अनप्रोडक्टिव ना हो ठीक है कहीं पे ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट ना कर दो कि मतलब वहां से मुनाफा ही नहीं आ रहा है। हाँ अगर कभी कभी मुनाफा नहीं भी आता वो चल जाता है लेकिन आप सोशल वेलफेयर के लिए काम तो कर रहे हो ठीक है तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए आप कुछ ऐसे ऐसे सेक्टर्स से लेकर के आइए जहां पे जो आम आदमी है मतलब वो आराम से वो काम कर सके ठीक है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है जैसे क्या नोरिंग द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट इन द अनप्रॉफिटेबल बट सोशली यूजफुल लाइन्स शन ऑफ द मोनोपलाइजेशन एंड ऑफ इकोनॉमिक पावर ठीक है तो इकोनॉमिक पावर को भी हमेंट्रेशन नहीं करना है और किसी भी ऐसा कोई प्राइवेट प्लेयर भी नहीं आना चाहिए जो हमारे चीजों को मोनोपलाइज कर दे प्राइवेट सेक्टर आ जाए और मोनोपली वहां पर क्रिएट करते ये भी नहीं होना चाहिए ठीक है सोशल गोज एंड पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन बिकम्सरी सिंस प्राइवेट

वहां तक चल जाएगा ठीक है लेकिन जो उसका जो कोर डिपार्टमेंट होता है पब्लिक सेक्टर का उसका ये होता है कि वेलफेयर देखना लोगों तक चीजें पहुंचाना चीजें पहुंच भी रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं हमें ऐसा मुनाफा क्या कही का, किस काम का ठीक है और सरकार किसकी है हमारी और आपकी है हमें लोगों ने चुनके भेजा हुआ ठीक है तो जब सरकार हमारे ही लिए काम नहीं कर रही है तो फिर क्या किस बात का फायदा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पब्लिक डेप्थ ठीक है अब पब्लिक डेप्थ क्या होता है जैसे एक लाइन एक एक मूवी है ना जैसे कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ठीक है मतलब एक्सपेंसेस आपके एक रुपए है और आपकी इनकम कितनी है पचास पैसा ठीक तो है तो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज है गवर्नमेंट के साथ भी कि उसके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और उसकी जो इनकम होती है गवर्नमेंट की वो कम होती है तो उस जो डेफिसिट को वो मेंटेन करने के लिए वहां पे सरकार क्या करती है या तो वो बोरो कर लेती है ठीक है या तो फो या तो जो प्रिंटिंग होती है नोट्स की वो कर लेती है ठीक है तो बोरो करना जब सर जब सरकार लोगों से बोरो करती है या जब अपनी जो सिक्योरिटीज होती है उनको मार्केट में रिलीज करती है उसको सेल करती है और उसके अगेंस्ट में जब उसको पैसा मिलता है तब वो अपना पैसा जो होता है वो विकास लगाती है विकास ठीक है तो यहाँ पे अल्टीमेटली चीज ये होती है कि जो विकास जो हो रहा है जब पब्लिक डेब्ट पब्लिक से पैसा ले रही है ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक डेब्ट ठीक है मोटा-मोटा समझ में आया ना भाई दो ही चीजें हो सकती है या तो सरकार जो होती है लोगों से उधार लेगी ठीक है या मतलब जो बॉन्ड्स इशू कर देगी मार्केट में या फिर नोट्स को प्रिंट कर देगी ठीक है लेकिन एक्सेस प्रिंटिंग भी हमें नहीं करनी है क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो नोट को प्रिंट करेगी तो नोट कहाँ पे आएंगे वो मार्केट में तो सप्लाई होंगे ना ठीक है तो मार्केट में सप्लाई कर देंगे तो फिर तो वहाँ हमारे पास महंगाई और बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन क्रिएट वहां पर सरकार खुद ही कर रही है ठीक है तो सरकार को जो प्रिंटिंग ऑफ जो मनी होता है वो बाद में सोचती है वो ये सोचती है कि हमको अगर पैसा होता भी अगर सरकार पास तभी सोचते हमें अगर पब्लिक से मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है ठीक है द रीजन इज दैट कि जब पब्लिक से मिलेगा तो उनसे हमें पैसा मिल जाएगा तो अल्टीमेटली हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते थोड़ा सा टॉपिक है हमारे पास सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेप ठीक है अब सरकार अगर लोन लेती है तो आप ये बताइए कि सोर्सेज क्या क्या है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल है बैंक है नॉन बैंक नॉन बैंकिंग है एक्सटर्नल है सेंट्रल है ठीक है तो इसको हम लोग एक एक बार डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला आ रहा है हमारे पास इंडिविजुअल ठीक है तो इंडिविजुअल मतलब हम और आप ठीक है तो यहाँ पे इंडिविजुअल जब क्या करता है पैसा कैसे देगा भाई साहब उसने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए उसने सिक्योरिटीज खरीद ली और उसने पैसा दे दिया तो यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास बैंक बैंक भी सेम काम करता है जैसे इंडिविजुअल ने पैसा वो सिक्योरिटी खरीदी और पैसा उसको उसने दिया तो वैसे जो बैंक होता है वो भी सिक्योरिटी खरीदता है अपने प्रपोशन के हिसाब से या जितना उसका उसके पास पैसा होता है ठीक है कैश वगैरह होता है और उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है भाई साहब बैंक और इंडिविजुअल दोनों को के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ठीक है सॉरी हाँ रिटर्न मिलता है ठीक है इंटरेस्ट के रूप में तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो कोई मतलब हम लोग एक नॉर्मल प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देख रहे देख रहे हैं तो गवर्नमेंट खुद खुद ही इंश्योर करती है कि आप भैया हमको पैसा दीजिए या आप हमसे ये बॉन्ड लीजिए हम आपको दो परसेंट पांच परसेंट छह परसेंट के हिसाब से हम आपको इंटरेस्ट देंगे हम ब्याज देंगे आपको ठीक है अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है तो ये भी हमारे पास होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकारें ले लेती है कभी कभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो ऑफेंस द कंपल्शन इन एडिशन बैंकिंग एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कैन वॉलेंट्रीली बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स ठीक है तो ये लोग भी जब बॉन्ड्स बा, वगैरह खरीद लेते हैं तब इनको पैस भी, मतलब पैसा मिल जाता है नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेस अब यहाँ पे क्या है एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि जब देश से बाहर ठीक है या तो आपके पास एफडीआई आ जाए या किसी कंट्री से आप लोन ले लो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा आईएमएफ हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ठीक है तो ये जो जितने भी जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनसे भी इन जो कंट्री को लोन मिल जाता है ठीक है तो पब्लिक डेप्थ कहाँ से ले रही है इन्हीं सब लोगों से ले रही है ठीक नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल बैंक आप सेंट्रल बैंक जानते हो अब एपेक्स बैंक है किसी भी कंट्री का तो जब किस जब कहीं से मतलब मिलता तो उसको हर जगह सही है लेकिन एक सेंट्रल बैंक भी एक ऑप्शन होता है ठीक है तो वो आरबीआई से भी लोन ले सकती है क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट का ही होता है सरकार का ही होता है तो आराम से उसको ले, ले ले सकती है ठीक है बस ये होता है कि वो जो पैसा होता है ना वो एमरजेंसी के लिए रखा जाता है कि इन केस कुछ हो जाए तो हम वो पैसा यूटिलाइज कर सके लेकिन जब इतना सरप्लस फंड हो जाता है आरबीआई के पास जब वो वो इतने लंबे समय तक दो सार, चार सार, सार तक साल नहीं खर्चा कर करती है तब तो उसके पास वो एक्यूमलेट होता रहता है तो अकुमलेट से, से अच्छा है कि उसका अचार तो डालना नहीं है तो होता क्या है तो सरकार उनसे पैसे ले लेती है ले किससे आरबीआई से और वही जो मार्केट में जब पैसा आता है तब तो वहां पर हम लोग उसको वो यूज करते हैं ठीक अब है हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप ठीक है अब कितने टाइप्स के हमारे पास पब्लिक डेप्थ है अब हमें ये देखना है तो सबसे पहला आता है हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेप्थ ठीक है तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है आप ऐसे समझिए कि, कि किसी भी एक कंट्री के एक बाउंड्री के मतलब जो कंट्री के अंदर अगर कोई लोन ले रही है सरकार तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डेप्थ और अगर वो लोन कंट्री के बाहर से लिया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डेप्थ ठीक है depth, तो कंट्री के अंदर होता है तो बैंकिंग हो सकता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा वहां का कॉमन इंसान भी हो जाएगा पब्लिक डेप्थ हम लोग उनसे भी ले सकते हैं ठीक है लेकिन जब हमारे पास एफ आती है फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं इंटरनेशनल मॉड्री फंड हो जाएगा ठीक है वर्ल्ड बैंक हो जाएगा या किसी भी कंट्री से अगर हम लोग लोन ले रहे हैं किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो वो हमारा एक्सटर्नल डेप्थ हो जाता है ठीक है तो ये होता है हमारे पास इंटरनल डेप्थ एंड ये होता है हमारे पास एक्सटर्नल डेप्थ ठीक है तो इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है मतलब एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दी गई है तो मैं इन सभी टॉपिक्स को इन सभी पॉइंट्स को मैं आसान भाषा में इस बुक को पूरी आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ठीक है एंड अगर कोई सजेशन वगैरह हो कि आप सर अच्छा नहीं बता रहे हैं ऐसे ऐसे कर सकते हो तो आप कॉमेंट में कर सकते हो ऐसी दिक्कत की बात नहीं है देखेंगे उसको ठीक है तो अभी तक तो मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आया अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक है पास मतलब नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंस इन पर्पस ठीक है अब इनका पर्पस क्या होता है अब भैया इंटरनल भी ले लिया एक्सटर्नल भी ले लिया तो आप ऐसे समझिए कि जो इंटरनल पर्पज होता है कि भाई साहब अगर इंटरनल लोगों से पैसा लिया हुआ है या इंटरनल इंस्टीट्यूशन से अगर पैसा लिया हुआ है तो उसका सोल पर्पस ये होता है कि जो इंटरनली जो हमें डेवलपमेंट करना है विकास करना है तो विकास हमको इंटरनली पैसों से हमें करना पड़ता है ठीक है ये तो नॉर्मल सी सी बात बात है है ना आसान मतलब लोगों से ही पैसा लिया लोगों के लिए काम किया और हम इंटरेस्ट भी किसको दे रहे हैं लोगों को ही दे रहे हैं तो जितना भी जो ऑल टोटल विकास होता है वो लोगों के लिए ही होता है समझ में आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलता है उसमें ठीक है ये भी बात है अब यहाँ पे जब बात कहते हैं हम लोग जब एक्सटर्नल से पैसा लेते हैं तो वो विकास इंटरनल भी हो सकता है लेकिन कभी कभी जब हमारे पास पेमेंट डेफिसिट होता है हम लोग वो पेमेंट क्लियर करने के लिए भी कर सकते हैं मान लीजिए कि हमें किसी भी कंट्री को पेमेंट करना था अब हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन जब हमने एक्सटर्नल पैसा किसी से लिया तो हमने भाई ए से लिया और बी को मैं भी हूं ए से लिया और मैंने सी को दे दिया या डी को दे दिया ठीक है जिसे हम लोग कहते हैं ना भाई साहब इससे एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से किसी को दे देना ठीक है तो यहां पे यही हुआ तो इंटरनल का मतलब कि हमारे पास तो ये हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मनी को हम लोग उसको यूज कर सकते लेकिन इंटरनली जो मेजर फोकस किया था है, वो हमारे पास होता है कि उसको हम लोग इंटरनल के डेवलपमेंटल वर्क पे लगाए ठीक है थीके? लेकिन जो ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास जो एक्सटर्नल मनी आता है जो हम लोग बाहर से रेज करते हैं एफडीआई आईएमएफ IMF w, uh, WB या वर्ल्ड बैंक से हम लोन करते हैं तो वो इंटरनल काम के लिए भी हो सकता है और जब किसी कंट्री को हमें जब पेमेंट करना होता है या या जब पेमेंट डेफिसिट होता है हम लोग वो पेमेंट क्लियर करने के लिए भी उस पैसों का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ग्रेटर बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट ठीक है अब इसका एक्सटर्नल डेब्ट का इतना बर्डन क्यों होता है सबसे पहले तो आप अगर आप ये समझो कि जो इंटरनल जो हम लोग जब लोन वगैरह लेते हैं जब हम लोग पैसा रेस करते हैं तो यार हमको ये मान जो इंटरनल पैसा है वो हमारे इंटरनली हम लोग उसको यूज करेंगे इंटरनल हमें ब्याज देना पड़ जाएगा तो वो जो ऑल टोटल जो डेवलपमेंट होता है वो लोगों के लिए ही होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ लेकिन जब यहाँ पे एक्सटर्नल होता है तो भाई साहब एक्सटर्नल कोई पैसा हमको ऐसे तो नहीं देगा ठीक है सबसे पहली बात तो ये होता है कि नो डाउट कि अगर उनका मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी है ठीक है कम भी है तो आप ये समझो कि जब हमारे पास एक्सटेज है तो या तो हमें अपना गोल्ड रखना पड़ेगा ठीक है या तो फिर हमें सिक्योरिटीज देनी पड़ती है ठीक तो है थीके? तो गोल्ड हम लोग उधार उसमें मतलब पैसा ले सकते हैं तो जब हमको देना है अब आप ये समझो कि हमने मान लो किसी भी कंट्री से हजार करोड़ रुपया लिया ठीक है हजार करोड़ लिया सिर्फ एक परसेंट पे समझ लो हजार करोड़ रुपया लिया सिर्फ एक परसेंट पे तो उस हजार करोड़ का यार एक परसेंट का दस करोड़ होता है ठीक है तो दस करोड़ हमें तो सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा एक साल का दस करोड़ रुपया बहुत होता है गुरु बहुत ज्यादा होता है यार दस करोड़ रुपया आप एक परसेंट का ब्याज दे रहे हो मतलब एक हजार करोड़ का क्या इमेजिन कि अगर आप वही दस करोड़ रुपए अगर आप सिर्फ हम एक साल की बात कर रहे हैं मतलब ऑन एंड एवरेज की बात कर रहे हैं ठीक है अगर वही एक पैसा अगर आप एक कंट्री के अंदर होता तो कितना डेवलपमेंटल वर्क कर सकते टेन करोड़ रुपीज ठीक है तो इसीलिए हमारे पास ये बर्डन भी होता है जैसे होता है ना यार घर के लोगों से उधार ले लो तो चलो कोई बात है दो महीने बाद छह महीने बाद दे देंगे लेकिन किसी अगर बाहर वाले से उधार लिया तुमने तो यार वो फोन कर रहा है तकादा कर रहा है भैया पैसे पैसा पैसा दो पैसा है ना फोन करता है अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी मान लो घरे पे आ गए तो ये भी ये सब काम भी अच्छे नहीं होते हैं तो ये हमको मालूम है कि भैया घर के अंदर से ले लो पैसा लेकिन घर के बाहर वालों से पैसा मत लिया करो ठीक है इसी टाइप से कि जो जब सरकार जो होती है सरकार के पास अगर पैसा है अगर वो इंटरनली अरेंज कर पा रही तो तो अच्छी बात है नहीं तो वो बाहर से अरेंज करेगी लेकिन कभी कभी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो इंटरनल फाइनेंसिंग से वो पूरे नहीं हो सकते तो हमें बाहर ये फाइनेंसिंग को मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है ठीक है जो बहुत बड़े बड़े जो जाइंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है ठीक है तो इसलिए जो बाहर की जो पैसा लेना होता है वो हमारी मजबूरी होती है हमें कोई शौक से नहीं ले रहे हमारे पास टॉपिक है फंडेड एंडेड ठीक है अब फंडेड एंड अनफंडेड क्या होता है जैसे अब सरकार ये करती है कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले ये बोल देते भाई साहब ऐसा ये सौ करोड़ रुपया निकाल दो तो इससे हमको एक पुल बनाना है ठीक है या हमें एक एयरपोर्ट बनाना है इस सौ करोड़ रुपए से हम एयरपोर्ट बनाएंगे तो अब बाकी उसका सौ करोड़ रुपया अलग हो चुका है ठीक है उससे एयरपोर्ट बनेगा बाकी जो सरकार अपने काम कर रही है तो इसको ये जब निकाल के रखा हुआ तो उसको बोलते हैं फंडेड ठीक है ये फंड है सिर्फ एयरपोर्ट का ठीक है लेकिन अब मान लो कि सरकार ने क्या किया कि वो फंड उसने नहीं निकाला है और अल्टीमेटली अगर उसके पास किसी कोई कोई काम आ गया मान लो मेट्रो बनाना पड़ गया उसको ठीक है तो वो क्या होता है लेकिन फिर भी वो काम करेगी ठीक है तो जब काम कर रही होती तो आप ये समझो कि वो जो काम होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है वो एक दो साल के अंदर रफा दफा हो जाता है मतलब वो सेटल हो जाता है ठीक है नेक्स्ट आता हमारे पास वॉलंट्री एंड ठीक है अब वॉल्ट्री एंड कंपल्सरी क्या होता है जैसे नाम ही है वॉलंट्री तो वॉलंट्री यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वॉलंट्री बोल रहा है कि मतलब इच्छा है तो ले लो यार तो अच्छा हो जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये वॉलंट्री होती है ठीक है भाई जिसको लेना वो ले ले जिसको नहीं लेना वो ना ले ठीक है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में लोग ले ही लेते हैं क्यों क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है गुरु गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोग तरसते हैं लेने के लिए ठीक है अब जब आते हैं कि कंपल्सरी कि जब यहाँ पे किसी भी टाइप का मतलब सरकारी प्रेशर डाला जाता है किसी कंपनी हो गई या ग्रुप वगैरह हो गया सरकार के सरकार से प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको ही खरीदना पड़ेगा जैसे मान लो कि सी के ऊपर प्रेशर था कि भैया इसको रिवाइव करो या उसको रिवाइव करो तो वहां पे होता है आपके पास कौन सा है कंपल्सरी डेप ठीक है तो तब आपको वहां पे लेना ही पड़ता है समझ में आया तो वॉलेंटरी और कंपल्सरी समझ में आ गया आई होप कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेप्थ ठीक है अब ये क्या होता है प्रोडक्टिव मतलब कि कोई चीज अच्छी हाँ हो रही है और अनप्रोडक्टिव मतलब कि कोई चीज अच्छी नहीं हो रही है तो अब आप ऐसे समझ सकते हो कि जब ये प्रोडक्टिव चीजें होती मतलब कि कोई अगर सरकार एसेट्स बना रही है हाईवे बना रही है स्कूल बना रही है कॉलेज बना रही है या मेडिकल हॉस्पिटल्स बना रही है तो वो हमारे लिए प्रोडक्टिव चीज है ठीक है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है ठीक है अब अनप्रोडक्टिव मतलब कोई भी चीज जैसे लड़ाई झगड़ा वॉर हो गया ठीक है तो ये जो सारी चीजें होती है ये हमारे पास क्या है अनप्रोडक्टिव ये हमें कुछ नहीं दे रही है ठीक है तो जो भी जो फंड होता है ठीक है तो प्रोडक्टिव के लिए मतलब हमें जब कुछ मिल रहा है या जब सरकार कुछ एसेज क्रिएट कर रही है तो वो हमारे लिए क्या होता है वो प्रोडक्टिव डेथ हो जाता है प्रोडक्टिव डेप्थ हो जाता है ठीक है लेकिन जब हमें वॉर में जाना पड़ जाता है या कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है टेंशन चल रही है तो वो हमारे लिए अनप्रोडक्टिव डेप्थ हो जाता है क्लियर हमारे पास रिडीमेबल एंड इन रिडीबल डेप्थ ठीक है अब रिडीबर मतलब क्या होता है जैसे आप समझ सकते हो कि रिडीम कर लेना ठीक है जैसे कोई ऑफर हो गया तो उसको रिडीम कर लेना ठीक है तो इसका मतलब होता है कि अगर सरकार ने कोई लोन लिया हुआ है तो अगर सरकार ने कहा भाई मैं दो साल बाद इसको मैं रिटर्न कर दूंगा ठीक है मतलब लोन आपका मैं चुका दूंगा तो इसका मतलब हो गया कि वो रिडीम कर रही है ठीक है एक स्पेसिफिक डेट बता दी है टाइम बता दिया वो आपको मिल जाएगा ठीक है ये चीज हो गई अब रिडीम क्या होता है जैसे कि अब आपकी सरकार क्या है कि वो लोन तो नहीं दे पाती बस वो ब्याज दे रही है ठीक है सपोज कर लो कि अगर इंडिया ने या किसी भी डेवलपिंग कंट्री ने या आई से या वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया अब लोन कितने का लिया भाई साहब एक लाख करोड़ का दो लाख करोड़ का तो अब आप ये सब बताओ क्या एक लाख करोड़ दो लाख करोड़ मजाक है नहीं मजाक है आप खुद ही बताओ क्या आप दो साल बाद वो पैसा रिपे कर सकते हो नहीं कर सकते ना तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब वो जो डेवलपिंग नेशन होता है वो सिर्फ इंटरेस्ट देता है कि भाई साहब अभी आप रहने तो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ आप ब्याज लो मेरे से बाकी मैं दे दूंगा चालीस पचास रुपए में दे दूंगा मैं भाग नहीं रहा हूं लेकिन अभी आप ब्याज लेते रहो ठीक है तो वो होता है आपके पास इन डेट ठीक है तो रिडीम कर लिया लोन मिल गया इस डेट में Loan दिया नहीं अभी, लेकिन हम उसका दे दे रहे हैं, दे रहे हैं, हैं, ब्याज लेकिन अभी तक लोन पड़ा हुआ है है? है? मेरे पास, Next topic हमारे पास ठीक ठीक हमारे अब कन्वर्टेबल एंड इनकनवर्टेबल क्या होता है सपोज करिए कि जैसे कोई सरकार है ठीक है अब उस सरकार ने क्या किया कि उसने लोन लिया है दस साल के लिए अब दस साल बाद उसको ये समझ में आता है कि यार ऐसा है मैंने तो यार ब्याज लिया था दस परसेंट पे मान लो पंद्रह परसेंट लिया था ठीक है मैंने ब्याज लिया था पंद्रह परसेंट पे वो भी दस साल के लिए लेकिन यार पांच साल बाद उसका जो लोन है वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो कम हो गया तो अब सरकार करती गया कि वो उसको कैंसिल करके वो नया लोन ले लेते थी, है तो मतलब वो तो हो सकता है या वो कन्वर्ट कर सकती है ठीक है दिया हुआ ना कन्वर्टेबल तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो सरकार होती है वो ये सोचती है कि यार ऐसा अब जब रेट तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए कहते हैं ना जो जो, जो लोन मिलते हैं वो दो टाइप में मिलते हैं एक तो आपका फ्लेक्सीबल रेट में मिलता है और एक आपके पास

ठीक है तो मतलब जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर वो कन्वर्ट करा सकती है आराम से ठीक है अगर वो लोन अलाउ uh, करता है तो मैंने कहा ना दो टाइप का एक तो फिक्स हो गया आपका और एक आपका वेरिएबल हो गया ठीक है तो दो टाइप के लोन आपको मिलते हैं तो ये आपको अभी देखना है कैसे करके है। अगला टॉपिक हमारे पास ट्रांसफरेबल एंड द नॉन ट्रांसफरेबल डेप्थ ठीक है अब यहाँ पे क्या बोलते हैं जैसे कि देखो ट्रांसफरेबल एंड द नॉन ट्रांसफरेबल इसको हम लोग बता चुके हैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आपको ध्यान होगा तो तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि जो ट्रांसफरेबल होता है सपोज करें कि, कि किसी पर्सन ने किसी भी इंडिविजुअल ने वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या बॉन्ड खरीदा ठीक है मान लो कि एक लाख रुपए में उसको खरीदा ठीक है अब एक लाख में सरकार ने तो सरकार ने अपना प्रॉमिस पूरा रखा है कि भाई साहब मैं आपको पेमेंट करेगा लेकिन मैं आपको पेमेंट करेगा दो साल बाद लेकिन आपका जो एक लाख तो फंस गया लेकिन अब आपको ये उस पैसों की रिक्वायरमेंट है ठीक है अभी इमरजेंसी में कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप ये क्या करते हो कि जो आपके पास जो सरकार का जो बॉन्ड है गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है अब आप ये सोचते हो कि अब ये मेरे से कोई खरीद ले तो मेरे को यार मेरा पैसा मिल जाए क्योंकि गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है वो बिल्कुल बहुत ही रियल होता है मतलब उसकी वैल्यू होती है मार्केट में ठीक है तभी लोग खरीदते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है अगर वो सरकार का जो बॉन्ड है सरकारी जो बॉन्ड है अगर वो पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को बेच देता है सेल कर देता है और उसके अगेंस्ट तो उसको पैसा मिल जाता है तब तो उसको बोल देंगे ट्रांसफरेबल बॉन्ड ठीक है ट्रांसफरेबल हो सकता है आप उसको एक को दूसरे को दूसरे तीसरे को तीसरे को, को चौथे को वो आप उसको सेल कर सकते हो लेकिन अगर वो सेल नहीं हो सकता वो ट्रांसफर नहीं हो सकता तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्रांसफरेबल बॉन्ड क्लियर है 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 तो तो अगर अगर वो 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 ट्रांसफर ट्रांसफर कर सकता नहीं कर सकता है तो वो नॉन ट्रांसफरेबल बॉन्ड है क्लियर है इससे हमारे पास ओवरलैपिंग दिया हुआ है अब ज्यादा चैप्टर खत्म ही है थोड़ा सा बचा हुआ है दिया हुआ है ना कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि अल्टीमेटली uh, जो प्रोडक्टिव uh, होते हैं वो आपके पास uh, Uh, अलग अलग जो डेप्थ वगैरह होते हैं वो अलग अलग कंडीशन को ओवरलैप भी कर सकते हैं ठीक है? आप ऐसे समझो जैसे पे दिया हुआ ना कि नो डाट डिट क्लासिफिकेशन प्रोडक्टिव और इंटरनल एंड इंटरनल डेप्थ मे बी ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल ठीक है ये सारी चीजें दी हुई है अगर आप ये पहले के जो जितने भी टाइप्स ऑफ डेप्थ अगर आपने समझ लिया ना

क्स्ट टॉपिक है अब तो ये हम लोग एटलीस्ट चैप्टर एक खत्म हो चुका है तो हम लोग करने वाले हैं फॉर एडिशनल रीडिंग ठीक है reading, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा तो अल्टीमेटली अगर किसी को लगता है कि हाँ ये चीजें अच्छी हैं वैसे ना एक्स्ट्रा कुछ भी बुक में दिया जाए है उसको पढ़ना चाहिए उससे इनफैक्ट नॉलेज बढ़ती है ठीक है तो देख लेते हैं क्या है कि फॉर एडिशनल रीडिंग है मतलब कोर्स में नहीं है आपके मैं पहले बता दे रहा हूँ ठीक है तो दिया हुआ है कि रोल और पर्पज ऑफ द पब्लिक डेफ इन द कॉन्टेक्स ऑफ इंडिया ठीक है तो पब्लिक जो आ, क्या पर्पज है कर्जा लेने के लिए ठीक है अगर हम लोग पब्लिक से लोन वगैरह लेते हैं उधार लेते हैं तो हमें क्या मतलब ऐसा क्या होना चाहिए ठीक है ऐसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तो सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कवरिंग द गैप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द टैक्स रेवेन्यू ठीक है तो एक्सपेंडिचर और जो टैक्स रेवेन्यू है ठीक है जो टैक्स जो कलेक्शन आ रहा है और जो खर्चे जो हो रहे हैं सरकार के वहां से हम लोग उसको कवर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग हम लोग ये पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के वो हमारे पास ज्यादा होते हैं द इनकम ठीक है तो वहां पे डेफिसिट जब क्रिएट होता है तो हमें पब्लिक डेप्थ की जरूरत पड़ जाती है और लोन को भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ठीक है ये चीजें नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन ठीक है इन्फ्लेशन को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्यों क्योंकि कि जब हमारे पास भैया जब इन्फ्लेशन होता है देखो पब्लिक फाइनेंस की बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जब आता है तो हम लोग कौन से लगाते हैं मोटरी के हम लोग फिजकल लगाते हैं जरा कॉमेंट करके बताओ क्या है तो होता है ठीक है जो यहाँ पे जब हम लोग जब फिजकल लगाते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये होता है देखो हम मैंने यहां से बता दिया हा? जब लगा लगाते तो वहां पे हम लोग इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं ठीक है तो जब कंट्रोल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें जो होती है हम लोग पब्लिक से कर्जा वगैरह भी लेते हैं जिससे कि हम उस कभी कभी जब मंदा जब डिप्रेशन आता है तो हम लोग उस चीज को पुशअप करते ठीक है ये सारी चीजें नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग द रिसेशन ठीक है अब रिसेशन क्या होता है और जिसे कहते हैं ना कि मंदा चलना ठीक है तो कभी कभी जो हमारी तो इकोनॉमिक जो बूम पे होती है ठीक है जब पीक पे होती है जब हमारे पास रिसेशन मतलब एक जब डाउनफॉल आता है तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिसेशन फिर उसके बाद डिप्रेशन आता है ठीक है रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है तो जब हमारे पास कम मंदा चल रहा होता है जब हमारे पास इतना पैसा नहीं सर्कुलेट हो रहा होता है तब उसको भी एक जैसे कहते रहे कि एक ऑक्सीजन देने के काम में आता है ये ठीक है नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग ठीक है ये क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंसिंग को डेवलपमेंट करना मतलब कि क्या होता है कि डेवलपिंग करना कि इन द सेंस किसी भी सेक्टर में जब सरकार को ऐसा लगता है कि इसको एक ऑक्सीजन की जरूरत है या इसको एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो जब सरकार अपना इन्वेस्टमेंट नहीं खर्चा करना चाहती है तब ये सोचती है कि यार पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि ऐसा पैसे पिक करो और ऐसा जाकर उसमें लगा दो ठीक है तो इससे होता क्या कि सरकार का जो एक्सपेंसेस है वो भी नहीं जाते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो वो हमें कम इंटरेस्ट पे हमें उनको देना पड़ जाता है ठीक है तो ये होता है कि हमें किसी चीज को फाइनेंसिंग करना होता है ठीक है किसी पे अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो अल्टीमेटली हम लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका प्रोडक्शन और अल्टीमेटली जो उसका जो आउटपुट होता है वो अपने आप ग्रो करने लगता है ठीक है ये चीज है नेक्स्ट है हमारे पास सोशल डेवलपमेंट ठीक है ये तो बात कर ही चुके यार आ, बात बात कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जो का जो नक्सलिज्म का स्टेट्स है या ठीक है जो एरिया होता है तो वहां पे भी हमें सोशल डेवलपमेंट करना पड़ता है ठीक है सोशल डेवलपमेंट अगर बात की जाए तो ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं पे ठीक है तो इंडिया में जितने भी जो नेटिव सिटीजन होते हैं हम लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं हर एक की बात कर रहे हैं लेकिन जो अगर हम लोग अगर उनकी बैकवर्ड क्लासेस की भी अगर हम लोग बात करें तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जब डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होता है लेकिन अगर हम लोग वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर वहां पे लगाएंगे तो मल्टीपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर वहां पे अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं ठीक है ये हम लोग डिस्कस करके आए अभी नेक्स्ट है हमारे पास वॉर फाइनेंस ठीक है तो वॉर को भी फाइनेंस करते हैं तो ये हमारा किस में आता है अच्छा यही बता दो तो, कॉमेंट में प्रोडक्टिव की अनप्रोडक्टिव ठीक है तो ये चीजें वॉर को फाइनेंस हमारे करने में आता है नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंसिंग द अदर इमरजेंसीज ठीक है तो जितने भी हमारे पास अलग अलग टाइप की जो इमरजेंसीज वगैरह होती हैं उसको फाइनेंस करने के भी काम में आता है चूंकि आप ये जानते हो कि जितनी भी जो एक्टिविटीज होती हैं कोई भी चीजें होती है हमारा बिना पैसे के कुछ नहीं होता बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है ठीक है तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनेंसिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है एज वी जस्ट डिस्कस कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ हमें क्या चाहिए कहिए बच्चों के लिए हेल्थ एजुकेशन ठीक है और हेल्थ uh, भी चाहिए होता है एजुकेशन भी चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होता है तो जितने भी जो सरकार एसेट्स क्रिएट कर सकती है एसेट्स समझते हैं ना एसेट्स जितना क्रिएट कर सकती है वो उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है क्यों बिकॉज एसेट्स एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं तो हमें आगे भी वो पैसा देगा दो साल दस साल पचास साल सौ साल तक जब तक कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो डिपार्टमेंट रहेगा वो इंस्टीट्यूशन रहेगा तब तक कि वो हमको पैसा देता रहेगा ठीक है ये चीज है नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कवरिंग द लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर होते हो, हो हैं है? तो इतना सरप्लस में फंड आ जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि इतना सरप्लस है कि उससे पैसा निकाल के हम लोग किसी भी जो लॉस मेकिंग जो कंपनी होता है उसपे हम लोग रिवाइवल uh, के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या डाल सकते हैं ठीक है तो जिससे कि हमारे पास जो लॉस मेकिंग जो एंटरप्राइजेस वगैरह है सरकारी संस्थान है उनको हम लोग रिवाइव कर सके ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड दैट इज पब्लिक डेप्थ मे बेटर द टैक्सेस ठीक है तो पब्लिक डेप्थ मे भी मे बी बेटर टैक्सेस ऐसा क्यों होता है तो कर्जा लेना एक्चुअली इसलिए अच्छा हो जाता है कि हम लोग एक बार लोन ले रहे हैं ठीक है मान लो कि हमने लोगों से बोरोइंग कर ली तो हमने उस बोरोइंग का हमने क्या कर दिया हमने उसको लगा दिया इन्वेस्टमेंट में कर दिया कहीं भी, भी लगा दिया हमने कहीं भी प्रोडक्टिव चीजों में उसको लगा दिया लेकिन जस्ट टू इंक्रीज द टैक्सेस ठीक है ये एक हमारी गवर्नमेंट की एक नेगेटिव इमेज डालती है ठीक है अब भाई लगेगा ना कि भाई लोगों को मान लो मैं किया सरकार ने अगर हमसे पैसा लिया है तो हमको ब्याज भी तो दे रही है थीके? उसने अपने बॉन्ड्स इशू किए हैं उसने अपनी सिक्योरिटीज इशू से किए हैं सब कुछ किया हुआ है लेकिन अगर आप जब टैक्स बढ़ा दोगे क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए ठीक है ठीके? और अगर आप टैक्स बढ़ाओगे तो वो हमारी गवर्नमेंट की एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है एक नेगेटिव हमारे पास क्या कहते हैं इमेज क्रिएट करता है ठीक है तो जिससे कि हमारा जो वो एक हम लोग इस चीज को डिस्करेज करते हैं ठीक है ठीके? रादर देन इंक्रीजिंग द टैक्स डू टेक द पब्लिक डेप पब्लिक फाइनेंसिंग नेक्स्ट हमारे पास आएगा करके आए कि इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल तो जो होता है हमें जो पेमेंट जो डेफिसिट्स जो क्रिएट होती हैं या हमें किसी दूसरी कंट्री को जो पेमेंट देनी होती है हम लोग उस कंट्री को भी पेमेंट दे देते हैं आराम से समझ में आए तो ये चीजें आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ठीक है तो हमें यहाँ पे भी देखना पड़ता है ना कि अब जब हमारे पास जब डेफिसिट क्रिएट्स हो रहा है ठीक है सॉल्विंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ठीक है तो अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हमने उसको दे दिया भैया पेमेंट ठीक है ये चीजें बाकी टेबल बना हुआ टेबल इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी ऐसे ही नॉर्मल है एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास ग्रोइंग बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्थ इन द इंडिया ठीक है बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्थ इन इंडिया अब ये भी बर्डन भी हमारा बढ़ रहा है नो no डाउट है कि लेकिन अब जब सरकार हमारे पास क्या करती है कि अगर ये ऐसा सरकार करने लग जाए कि अपना मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट अपने उसके लिए क्या बोलते हैं कि आ, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि उसको इन्वे, आ, प्रोडक्टिव चीजों के लिए अगर वो लगा सके ठीक है तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा जिससे कि उसको एसेट्स क्रिएट करेगी तो ज्यादा चीजें अच्छी है अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो करती है लेकिन वो उस इंटेंशन से नहीं करती है कि उसको रिवाइवल किया जा सके ठीक है तो उसको रिवाइव नहीं करते तो अल्टीमेटली जितना जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी चला जाता है ठीक है तो अल्टीमेटली वो पीएससी को हमें बेचना पड़ जाता है या उसको हमें बंद ही करना पड़ जाता है ठीक है तो यहाँ पे तभी दिया हुआ है ना कि द ग्रोइंग बर्डन ऑफ पब्लिक इन इंडिया ठीक है अब इतना इतना अगर आप मार्केट से पैसा उठाओगे लोगों से पैसा लोगे तो फिर आपको भाई इंटरेस्ट भी तो देना है आपको ये बिल्कुल इंटरेस्ट भी तो इश्यू नहीं कर रहा हो ठीक है आपको इंटरेस्ट भी देना है और जब आपको इंटरेस्ट देना है तो वो भी एक आपका इंटरेस्ट का भी बर्डन होता है मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही देना है और प्लस इंटरेस्ट भी आपको देना है ठीक है समझ में आया सो आई होप कि आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर आपके पास है डिस्क्रिप्शन में भी है ठीक है एंड आई जस्ट ट्राइट माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स गिवेन इन योर दिस चैप्टर एंड इन दिस बुक एंड आई जस्ट ट्राइट माई लेवल बेस्ट एंड इफ यू फील दैट आई जस्ट मेड आई कैन मेक द इम्प्रूवमेंट इन द कमिंग विडियोज देन प्लीज प्लीज इट इज रिकमेंडेशन दैट डू सजेस्ट मी दैट हाउ कैन आई इम्प्रूव माई एंड टीचिंग स्किल्स ठीक है देख भाई एडिटिंग तो नहीं हो पाएगी एडिटिंग मैं खुद ही करता हूँ काट पीट के छाट चौ, छूट के मैं कर लेता हूँ आराम से ठीक है बाकी सारा कुछ इतना ही है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाई एंड थैंक यू वेरी मच